Hello everyone. First of all, I would like to introduce myself. So my name is Rahul Kumar. By profession, I am a freelancer trainer in information technology and cyber security domain. Okay, guys. I think that's enough for you. Uh, so let's start our kali Linux full tutorial video. For those who want to gain some skills that will increase his or her knowledge as well as beneficial in the respective career path.

दूसरे दोज हुट टू लर्न एथिकल हैकिंग वो लोग जो एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं जो पेनिशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं ये कोर्स उनके लिए है ये वी ट्यूटोरियल वीडियो उनके लिए है दोज हु वॉन्ट टू एड टू देर रिज्यूम वो लोग जो अपने रिज्यूमे में नई नई स्किल्स ऐड करना चाहते हैं ऐसे स्किल्स जो उनको आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं फोर्थ हुआ वर्किंग इन नेटवर्किंग डोमेन वो लोग जो नेटवर्किंग डोमेन में काम कर रहे हैं यानी कि जो ऑलरेडी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट पे हैं या फिर जो टेक्सो सपोर्ट पे हैं आईटी सपोर्ट में हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि ये चीज उनको कहीं ना कहीं अपने करियर में ज़रूर काम आएगी फिफ्थ दोज हुट टू डू आर एच सी एस ए एंड बिकेम अ लाइनिक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर सो आर एच सी एस ए स्टैंड फॉर रेड हेट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड वो लोग जो इसका एग्जाम देना चाहते हैं इसका सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि इसमें मेजर कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे लाइनिस्के औरकि जितने भी लाइनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हमारे रेड हेट है सेंटोएस है उबंतु है काले लनिक्स है मेजर कमांड सबके सेम हैं कई बार कुछ कमांड ऐसी हैं जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अलग अलग हमें सेट करनी पड़ सकती है पैरामीटर्स उसके लेकिन मेजोरिटी ऑफ कमांड्स आर सेम सो लेट्स स्टार्ट ओके फ्रेंड्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट आर टूडेज एजेंडा सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट हिस्ट्री ऑफ कार्यलाइनिक्स सबसे पहले हम जानेंगे कि काले की हिस्ट्री के बारे में देन हम जानेंगे कि बैक ट्रैक क्या होता है बैक ट्रैक और लाइनिक्स में क्या डिफरेंस है लाइनिस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं लाइनिक्स फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे कर्नल एंड शेल टाइप्स के बारे में जानेंगे जानेंगे कि लाइनिक्स फाइल सिस्टम हार्डवेयर क्या है लाइनिक्स के कितने फाइल टाइप होते हैं कितनी फाइल्स होती हैं लाइनिक्स में कमांड लाइन में हम जानेंगे कि वह हम फाइल्स और फाइल्स डायरेक्टरी के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं यानी कि फाइल हैं फाइल के कुछ कंटेंट हैं उनकी डायरेक्ट्रीज हैं तो किस तरह से उसमें हम वर्क कर सकते हैं मैन पेजेस क्या होते हैं लाइनिंग में स्पेशल की स्ट्रोक्स का क्या रोल है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और जानेंगे कंट्रोल ऑपरेटर्स के बारे में कंट्रोल ऑपरेटर्स क्या होते हैं शेल वेरिएबल्स क्या होते हैं अलग अलग कंट्रोल ऑपरेटर्स होते हैं लाइनिक्स में तो जानेंगे हम इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन क्या होता है फिल्टर्स क्या होते हैं बेसिक लाइनिक्स टूल्स के बारे में बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इंट्रोडक्शन टू वी आई वी आई इज अ टैक्स इज अ टैक्स एडिटर इन कार लाइनिक्स सो वी आई क्या होता है वी आई के एडवांस वर्जन विम सभी के साथ काम करना सीखेंगे किस तरह से इसमें काम करा जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है मल्टीपल प्रोसेस चलते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं कैसे प्रोसेस की होते हैं ये सब चीज़ें जानेंगे स्क्रिप्टिंग इंट्रोडक्शन जानेंगे स्क्रिप्टिंग क्या होता है किस तरह से हम स्क्रिप्टिंग बना सकते हैं बहुत स्क्रिप्ट में आपको बना के दिखाऊंगा किस तरह से स्क्रिप्ट रेडी होती है किस तरह से उसको स्क्रिप्ट को हम लॉन्च एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन टू यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन टू यानी कि यूज़र कैसे बनाते हैं ग्रुप कैसे बनाते हैं यूज़र डिलीट कैसे करते हैं किसी ग्रुप में किसी यूज़र को कैसे ऐड करते हैं परमिशन कैसे लगाते हैं और जानेंगे अगर आपके होस्ट मशीन है और आपका वर्चुअल मशीन है यानी कि अगर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वर्चुअल मशीन में कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो दोनों के बीच में किस तरह से हम उसमें वर्चुअल नेटवर्किंग करते हैं उसमें हम बात करेंगे होस्ट अडेप्टर नेटवर्क अडेप्टर और जो हमारा लैंड सेगमेंट होता है यानी कि जो वी के टवर्क अडेप्टर्स होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे पासवर्ड ब्रेकिंग इन केस आप अपने रूट का पासवर्ड भूल गए अपने कालेन ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड भूल गए या किसी दूसरे का आपको पासवर्ड ब्रेक करना हो तो किस तरह से हम कर सकते हैं लाइव यू एस कैसे बनाते हैं बोटेबल सी किस तरह से बनाई जाती है काले लैंस ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ये आज हम कवर करें ओके फ्रेंड्स लास्ट में हम जानेंगे काले लैंस के एथिकल हैकिंग टूल्स के बारे में कि अगर आपको लाइन इस्तेमाल करना आ गया तो आप कौन कौन से टूल्स हैं और जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कर सकते हैं एथिकल हैकिंग के लिए जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स एंड पासवर्ड क्रैकिंग एंड स्टेग्नोग्राफिक टूल्स ये स्टेग्नोग्राफिक क्या होता है और इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है ये भी हम आगे जानेंगे इनके टूल्स किस तरह से इस्तेमाल करे जाते हैं ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा तो आज में हम ये पूरा एजेंडा था जो आज हम कवर करेंगे ओके फ्रेंड्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके गाइस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट ऑफ स्लाइड्स व्हिच इज हिस्ट्री ऑफ काली लिनक्स सो काली लिनक्स जो था इसके जो डेवलपर हैं अब कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका कोई ना कोई डेवलपर होता है जैसे फेसबुक का डेवलपर है मार्क जकवक इस तरह जो काली लाइनिक्स के डेवलपर हैं उन्होंने इसको बैकट्रैक का एक रिप्लेसमेंट बनाया था बेसिकली काली लाइनिक्स जो है इट क्रिएटेड इट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द अर्लियर बैकट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन बैक ट्रैक का एक रिप्लेसमेंट है, का है काली लाइनिक्स जो बैकट्रैक था वो क्या है बेसिकली बैक ट्रैक वॉज अ पावरफुल प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ टूल फॉर सक्सेसफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग काले लाइनिक्स तो 2013 में आया लेकिन उसके पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं एथिकल हैकिंग के लिए वो बैक ट्रक होता था बैकट्रैक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म था जो कि हमें मल्टीपल एक सक्सेसफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए काम में लाते थे जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का बैक ट्रैक था बेसिकली बैकट्रैक जो बेस्ड था वो नॉपिक्स लाइनिंग्स पर बेस्ड था अब नॉपिक्स लाइनिंग्स क्या है नॉपिक्स लाइनिंग्स भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बेस्ड है डेबियन पे डेबियन क्या है डेबियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइनिस कर्नल पे बेस है अब यहाँ पे मल्टीपल लाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन है अब आपको देखिए अगर आप बिगिनर हैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नोपस लाइनिक्स डेबियन कर्नल ये चीज़ें क्या हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है आप इस वीडियो का भी स्टार्टिंग ही हुई है अगर आपको धीरे धीरे आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी वे में आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि नोपिक्स क्या है डेबियन क्या है कर्नल क्या है तो बहुत डिटेल में मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी है और इससे पहले मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ

उसी तरह से नॉपिक्स भी था जो कि डैबियन बेस्ड था डैबियन क्या है डेबियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइनिक्स कर्नल का इस्तेमाल करता है ओके फ्रेंड्स तो हम जानते हैं अभी कायलैनिक्स के बारे में तो काइलेनिक्स एज रिवैम्प वर्जन ऑफ बैकट्रैक बैकट्रैक एक एनहेंस वर्जन था काली लाइनिक्स जो 2013 में लॉन्च हुआ था रिलीज हुआ था मार्च के मंथ में द मोस्ट एडवांस रोबस्ट एंड स्टेबल पेनरेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो काली लाइनिक्स है बेसिकली ये मोस्ट एडवांस्ड रोबस्ट और स्टेबल पेनरेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मेनली एथिकंग के लिए पेनरेशन टेस्टिंग के लिए और डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उस वक्त भी था और आज भी है तो ये 600 से ज़्यादा टूल सपोर्ट करता है आप इसमें 600 हंड्रेड ज़्यादा टूल इंस्टॉल कर सकते हैं पेनरेशन टेस्टिंग करने के लिए एथिकल हैकिंग करने के लिए और फॉरेंसिक्स का कर इस्तेमाल करने के लिए तो मोर देन 600 हंड्रेड टूल्स आप इसमें सपोर्ट करता है और इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं इट वॉज डेवलप्ड बाय मैची आरोनी एंड डेवन कर्ल्स ऑफ ऑफेंसिव सिक्योरिटी इसको डेवलप करा था मैची आरोनी ने और डेवन कर्स ने और बाकी इनकी पूरी टीम थी डेवलपर्स की उन्होंने इसको डेवलप करा था जो कि जो आ, बेसिकली ओनर हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी के जिसने ऑफेंसिव सिक्योरिटी बनाई है वो मैठी हरोनी है ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या है मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं आपको तो अब एक छोटा सा इंट्रो देता हूं ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक बेसिकली कंपनी है जो कि सिक्योरिटी के लिए काम करती है साइबर सिक्योरिटी के साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम करती है तो ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी जिसने बनाया था उसी ने काल एनस को बनाया है ओ जो सर्टिफिकेशन है आपका साइबर सिक्योरिटी में ऑफेंसिव सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में पे आते हैं और बात करते हैं की, कि क्या है जैसे कि अभी हमने जाना कि वो ऑपिक्स था लाइनिस डिस्ट्रीब्यूशन था जो कि डेबियन बेस्ड था अब ये क्या है तो अस डिस्ट्रीब्यूशन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर कलेक्शन डेट इज बेस्ड अपॉन कर्नल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि लाइनिक्स जो है आप लिनिक्स सुनते हैं लाइनिक्स जो भी आप बोलें जो लिनिक्स है आपका वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि लिनिक्स जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि लिनिक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वैसे विंडोज सेवन है विंडोज टेन है, है ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन लिनिक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है लिनिक्स एक कर्नल है अब कर्नल क्या होता है कर्नल क्या होता है मैं आगे जानेंगे लेकिन आप अभी ये समझिए कोई आपका पास कोई सॉफ्टवेयर है जो कि किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर को चलाने के लिए मदद कर रहा है तो लाइनिक्स वो सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए मदद करता है अब जानते हैं लाइनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर या फिर आप ये मानिए आपके पास एक सोर्स कोड है आपके पास कोड एक कोडिंग कर रखी है आपने और उस कोडिंग की मदद से आपने क्या करा एक एप्लीकेशन बनाई स्काइप नाम की अब आपका एक फ्रेंड है तो आपने वो सोर्स कोड अपने फ्रेंड को भी दे दिया अब उसी सोर्स कोड का इस्तेमाल करके आपके फ्रेंड ने एक एप्लीकेशन बना दी फेसबुक नाम की तो यहाँ पे क्या हुआ सोर्स कोड तो सेम रहा लेकिन मल्टीपल एप्लीकेशन रेडी हो गई लेकिन सोर्स कोड सेम था इसी तरह से लाइनिज डिस्ट्रीब्यूशन भी है जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है रेड है सेंटोएस है मिंट है डेबियन है उसमें जो मेन कोर पार्ट है वो तो लाइनिक्स है लेकिन कंपनी ने क्या करा मेन कोर पार्ट में अपने साइड से चेंजेस करके एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया और उसको नाम दे दिया अपनी दे, पार्ट है, तो है, तो है लेकिन उस कर्नल के साथ एडिशनल पैकेजेस ऐड करके जो नया एक प्रोडक्ट रेडी हुआ उन्होंने उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला और उस ऑपरेटिंग और सिस्टम को उन्होंने अपनी कंपनी का नाम दे दिया इस तरह से इसको बोल दिया लाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइनिक्स यानी कि जो करना है उसके मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपल कंपनीज ने उसमें अपने पैकेज ए पैकेजेस एड ऑन करे अपनी चीजें ऐड करी उसमें फिर उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया उसको उसको लेके तो वो कहलाया लाइनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन तो आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो सम लाइंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम डिस्ट्रो भी बोलते हैं डिस्ट्रो आप कहीं सुनेंगे या डिस्ट्रो आप सुनेंगे तो समझ जाना है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है सो देयर आर ऑन एन एवरेज 600 हंड्रेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडिंग डिफरेंट फीचर्स एक आज के टाइम पे मोर देन सिक्स आपको लाइनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएंगे जैसे खाली लाइनिक्स आपने सुना है बैक ट्रैक आप सुन रहे हैं जैसे डेबियन है रेड हैट है इस तरह से मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे आपको लाइन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेंटोस है उबंतू रेड हैट डेबियन तो इस तरह से मोर देन सिक्स हंड्रेड हैं जो कि लाइनिक्स का कर्नल इस्तेमाल करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं सो फार सो क्लियर आई थिंक ओके गाइस सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड सेट ऑफ स्लाइड्स विच इज लाइनिस फंडामेंटल्स इसमें हम बात करेंगे लाइनिस फंडामेंटल के बारे में सो so फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि कर्नल क्या होता है कर्नल जो है देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म है अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं अगर आप लाइनिस के बारे में पढ़ रहे हैं अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं तो कर्नल वो टर्म है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मास्टरी होनी पड़ेगी अगर आप कर्नल अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं तो कर्नल क्या है बेसिकली द कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम एट द कोर ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम कर्नल वो कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप विंडोज का इस, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल प्रोग्राम होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल नहीं होगा तो कोई कोई काम नहीं हो सकता ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कर्नल वो है जो फुल कंट्रोल रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है चाहे आपके आपके सिस्टम में आप गेम खेल रहे हो आपके सिस्टम में आप कोई प्रोसेस चला रहे हो कि प्रोग्राम चला रहे हो को सॉफ्टवेयर चला रहे हो आप वेब ब्राउजर चला रहे हो आप जो कुछ भी कर रहे हो सब कर्नल की वजह से ही हो रहा है इट फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कर्नल वो है जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल चलिए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं मैं आपको फिर डिटेल में समझाता हूँ कर्नल क्या होता है द कर्नल टेक रिस्पॉन्सिबिल फॉर डिसाइडिंग एट एनी टाइम विच आर द मैनी रनिंग प्रोग्राम शुड बी अलोकेटेड टू द प्रोसेसर एंड रैम इज यूज टू स्टोर बोथ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन डेटा द कर्नल इज रिस्पॉन्स फॉर डिसाइडिंग विच प्रोग्राम प्रोसेस कैन यूज इट हैंडल्स पेरीफेल्स लाइक की बोर्ड्स मॉनिटर्स प्रिंटर्स एंड स्पीकर सो अगर आपको ये पढ़ के नहीं समझ में आया कर्नल क्या होता है चलिए मैं आपको बहुत ईजी भाषा में समझाता हूँ अब लेट्स सपोज़ आपने पबजी खेलना है तो आपने पबजी खेलने के लिए जैसे ही आपने पबजी का जो भी आपने का एप्लीकेशन है आपने उसमें क्लिक करा तो जो भी रिसोर्सेज आपके मोबाइल को चाहिए होंगी यानी कि आपके जब आप पबजी खेलेंगे तो आपके सिस्टम में रैम भी लगेगी आपका सी भी लगेगा आपके कुछ स्टोरेज है वो भी लगेगी और भी जितनी भी चीज़ें लगेंगी आपके मोबाइल में उस पबजी को चलाने के लिए या फिर अगर आप बात करते हैं आपके कंप्यूटर में आपने कोई गेम खेलना है उस गेम को रन करने के लिए जो जो चीज़ों का जरूरत पड़ेगी यानी कि कितनी रैम लगेगी कितना सी लगेगा कितनी स्टोरेज लगेगी उन सबको कौन एलोकेट कर रहा है वो कर्नल ही है जो उन सबको एलोकेट करने का काम करता है जो बताता है हाँ भाई अगर आप पबजी खेल रहे हो तो आपको एक जीबी रैम मिलेगी तो एक RAM ले लो लो ले ठीक है है इतना CPU, इतना CPU इस्तेमाल करो तो वो करनल ही है जो ये बताता है कि कितनी कितना अगर आपका मॉनिटर है आपने मॉनिटर कनेक्ट कर रहा है कंप्यूटर में तो मॉनिटर को कौन कौन से सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी क्या क्या उसकी होगी जैसे कोई भी इनपुट आउटपुट काम अगर आप कर रहे

मतलब पबजी के लिए कितनी रैम चाहिए टिकटॉक के लिए कितनी रैम चाहिए इंस्टा के लिए कितनी रैम चाहिए स्नैपचैट के लिए कितनी रैम चाहिए तो वो कर्नल ही है जो बताता है तो कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जब कर्नल होता है ठीक सीपीयू के ऊपर होता है जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ठीक उसके ऊपर आपका कर्नल होता है तो सो फार सो क्लियर तो कर्नल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट कर्नल होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारे एप्पल आप बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मैक इन तो उसमें एक्सएनयू कर्नल का इस्तेमाल होता है विंडोज में विंडोज एंटी कर्नल का इस्तेमाल होता है इस तरह से जो एंड्रॉयड मोबाइल आप यू इस्तेमाल करते हैं उसमें लाइनिस कर्नल का इस्तेमाल होता है तो कई बार आपने देखा होगा एंड्रॉयड फोन के अबाउट फोन पे जाए वहां पर सारी इंफॉर्मेशन रहती है बेस बैंड इंफॉर्मेशन वहां पर आपको दिखेगा कर्नल इन्फॉर्मेशन तो वहां पर आपको कर्नल वर्जन या कर्नल की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी तो वेयर इज कर्नल फाइल लोकेटेड तो कर्नल की फाइल होती कहाँ तो देखिए इन विंडोज में अगर हम बात करते हैं तो विंडोज में आपकी कर्नल फाइल होती है या आपने सी ड्राइव में गए वहां पे आपको विंडोज नाम का फोल्डर मिला उसमें आपको सिस्टम 32 नाम का फोल्डर दिखेगा और यहाँ पे आपको एंटी एंटी कर्नल डॉट एक जैसे मैंने आपको बताया विंडोज में विंडोज एंटी कर्नल का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे एंटी कर्नल डॉट एक फाइल है तो ये यहाँ पे ये फाइल ये कर्नल की फाइल है आपकी तो विंडोज में यहाँ पे मिलेगी लाइनिस की बात करते हो लाइनिंग्स में जो है फाइल सिस्टम अलग अलग होता है विंडोज में बहुत अलग फाइल सिस्टम है और लाइनिस में बहुत अलग है लाइनिंग्स में हर एक प्रोसेस के लिए हर एक प्रोग्राम के लिए हर एक चीज के लिए अलग फाइल है तो ये इस तरह से लाइनिस में अगर आप बात करें कर्नल कहाँ पे होता है लाइनिस तो में कर्नल होता है बूट में तो सिंपल आपको क्या करना है आपको बूट अपनी बूट फाइल में जाना है बूट फाइल में जाने का वीएम लिनिस डॉट फाइव डॉट थ्री डॉट जीरो टू एंड सिक्सटी फोर तो ये जो फाइल है आपकी ये आपकी कर्नल है तो यहां पे आपका कर्नल स्टोर होता है कर्नल ही है जो बोटिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये था कर्नल के बारे में कर्नल क्या होता है तो कर्नल के कुछ टाइप होते हैं जैसे मोनोलिथिक कर्नल माइक्रो कर्नल एंड हाइब्रिड कर्नल मल्टीपल टाइप्स हैं कर्नल के अब क्या डिफरेंस है मोनोलिथिक कर्नल में माइक्रो कर्नल में और हाइब्रिड कर्नल में देखिए पहले एक चीज मैं आपको बता दूं जो लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है मोनोलिथिक कर्नल का और जो हमारे विंडोज इस्तेमाल करता है वो होता है हाइब्रिड कर्नल का और भी कई ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल माइक्रो कर्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है ये मेन बात है देखिए जो जो मनोलिथिक कर्नल होता है ना इसमें क्या होते हैं जितने भी प्रोसेस होते हैं जितने आपके फॉर एग्जांपल आपका फाइल सिस्टम है आपका डिवाइस मैनेजमेंट है या फिर आपका एप्लीकेशन मैनेजमेंट है जितने भी प्रोसेस होते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया जो भी प्रोसेस हो सब कर्नल ही करता है तो मोनोलिथिक कर्नल में आपके जो भी प्रोसेस होगा सब कर्नल पे ही सब मतलब कर्नल ही पूरा कंट्रोल करेगा उसमें डिवाइस मैनेजमेंट हो कितनी रिसोर्सेज देनी है कितना स्टोरेज देना है कितना सी देना है सब कर्नल बताएगा लेकिन माइक्रो कर्नल में क्या होता है इसमें क्या होता है यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस डिवाइड हो जाता है यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस क्या होता है डिवाइड होता है यूजर स्पेस क्या होता है यूजर स्पेस सिस्टम की वो मेमोरी होती है जो कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए एलोकेट करी जाती है जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपको विंडोज में पेंट ओपन करना है बहुत सा है चलिए समझ लेते हैं, आपने हैं तो पेंट ओपन करने के लिए स्पेस जो जो में है। है? पेंट ओपन तो करने के लिए भी जो रिसोर्सेज की जरूरत होगी वो हमको किससे कर्नल से लेनी पड़ेगी लेकिन माइक्रो कर्नल में क्या हो रहा है वो रिसोर्सेज आपको ऊपर लेयर में यानी कि यूजर स्पेस में मिल जाएगा आपको कर्नल के पास जाने की जरूरत नहीं है तो ये डिफरेंस होता है मोनोलिथिक में और माइक्रो में ठीक है मोनोलिथिक कर्नल में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन सारे के सारे प्रोग्राम कहाँ होते हैं कर्नल पे ही है सब कंट्रोल कौन कर रहा है कर्नल ही कर रहा है यानी कि जो जैसे अगर हम बात करते हैं कोई आपका एक घर है एक घर के अंदर जो भी डिसीजन है वो आपके फादर लेते हैं फिर जो भी घर का बड़ा है वो 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 डिसीजन ले रहा है आपको कहीं भी जाना हो आपको कहीं जाना हो आपको ट्रिप पे जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ आपको कोई हायर स्टडीज करनी है तो सब जो डिसीजन ले रहे हैं कौन ले रहे हैं यानी कि पूरा का पूरा जो घर का सिस्टम है वो एक ही जना चला रहा है वो आपके फादर है फिर जो भी ग्रैंड पेरेंट्स है आपके वो चला रहे हैं लेकिन माइक्रो कर्नल में क्या होता है सारे के सारे सिस्टम कर्नल कर्नल सारे के सारे जो सिस्टम परफॉर्म जो प्रोग्राम परफॉर्म कर रहा है वो नल नहीं कर रहा है यहां पे कर्नल सिर्फ मेजर पार्ट परफॉर्म कर रहा है बाकी जो सिस्टम है वो यूजर स्पेस मैनेज कर लेता है तो जो माइक्रो कर्नल है यहाँ पे क्या होता है बेसिकली अगर कोई ऐसी रिसोर्स है जिसको कर्नल की परमिशन चाहिए तो वो क्या करेगा यूजर स्पेस से पहले कर्नल स्पेस में जाएगा कर्नल स्पेस से परमिशन लेके वापस यूजर स्पेस में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा लेटेंसी आपकी बढ़ जाती है बट माइक्रो कर्नल में क्या है आपका स्मॉल जो साइज होता है कर्नल का वो छोटा हो जाता है माइक्रो कर्नल में लेकिन मोनोलिथिक में क्या होगा आपका थोड़ा जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट रहेगा क्योंकि जो सारा सिस्टम है वो कर्नल ही देख रहा है इज डेट क्लियर अब बात थोड़ी सी हाइब्रिड कर्नल की भी कर लेते हैं हाइब्रिड कर्नल क्या होता है हाइब्रिड कर्नल वो कर्नल होता है जो कि मोनोलिथिक कर्नल का और माइक्रो कर्नल का मिक्सचर होता है यानी कि जो साइज में भी छोटा होता है साथ ही साथ हमें स्पीड भी प्रोवाइड करता है यानी कि एफिशिएंसी भी देता है साथ ही साथ परफॉर्मेंस प्रफौर, भी देता है तो ये होता है हाइब्रिड कर्नल जो कि विंडोज इस्तेमाल करता है इज दैट क्लियर कि टाइप्स ऑफ कर्नल आपको क्लियर हो चुका होगा कर्नल क्या होता है बहुत ईजी वे में समझाया है और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा ओके फ्रेंड्स तो अब हम जानते हैं शेल के बारे में कर्नल हमने जान लिया क्या होता है अब शेल देखते हैं शेल क्या होता है देखिए द शेल एंड द कर्नल आर द पार्ट्स ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई भी विंडोज है लाइनिंग्स है कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मल्टीपल पार्ट्स होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं यूजर स्पेस में जैसे हम बात करते हैं अगर हम माइक्रो कर्नल की उसमें तो यूजर स्पेस होता है कर्नल होता है लेकिन एक और पार्ट होता है इसको हम शेल बोलते हैं जो शेल होता है वो बेसिकली क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट है जो कि कर्नल के साथ काम करता है वेन यूजर गिव्स हिस कमांड फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन देन द रिक्वेस्ट विल गोस टू द शेल पार्ट इसका मतलब क्या हुआ जब भी आपने कोई कमांड एंटर uh, करी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जैसे आपने क्या करा आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खोला आपने सी खोला वहां पे लिखा आई आई पी कॉन्फिक कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कन्फिग्रेशन वो कमांड का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम अपनी कंप्यूटर के आईपेड देखने के लिए अब हमने क्या करा आई पी कॉन्फिग लिखा अब हमारे से जो कमांड जाएगी वो सीधा कर्नल पे जाएगी लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट यह आता है कि जो यूजर है वो डायरेक्टली कर्नल को एक्सेस नहीं कर सकता ठीक है वहां पे क्या होगा उसको एक्सेस करने के लिए हमें शेल का इस्तेमाल करना पड़ता है तो शेल क्या करता है हमारी रिक्वेस्ट को क्या करता है अब हमने तो रिक्वेस्ट भेजी नॉर्मल हमने जो यहाँ से इनपुट दिया वो कर्नल नहीं समझ सकता तो कर्नल जो लैंग्वेज समझेगा शेल उसको ट्रांसलेट करेगा और जो लैंग्वेज कर्नल समझ सकता है वो उसमें ट्रांसलेट करके देगा शेल इस तरह से काम करता है जैसे एक चाइनीज़ है और एक जापनीज़ है ठीक है और एक हमारा क्या है एक ट्रांसलेटर है अब जो चाइनीज़ बोल रहा वो जैपनीज नहीं समझ पा रहा है और जो जैपनीज बोल रहा है वो चाइनीज नहीं समझ पा रहा अब एक ट्रांसलेटर हम लिया है ट्रांसलेटर ने क्या करा जो जो चाइनीज बोल रहा है वो जैपनीज को ट्रांसलेट करके बता रहा है और जो जैपनीज बोल रहा है वो चाइनीज को ट्रांसलेट करके बता रहे हैं तो शेल इज इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर है जो कि ट्रांसलेट करता है ह्यूमन प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में क्योंकि जो कर्नल है वो तो मशीन लैंग्वेज समझता है तो शेल क्या करता है जो भी आप कमांड यहां से दे रहे हैं उसको कर्नल तक पहुंचाता है जो कर्नल समझ सके और वहां से जो कर्नल रिक्वेस्ट दे रहा है उसको आप तक पहुंचाता है सो इज डेट सिंपल तो इस में आपको शेल क्या होता है ठीक है देन द रिक्वेस्ट टू द कर्नल जैसे मैंने आपको बताया आप शेल क्या करता है आपके पास जो भी रिक्वेस्ट था उसको ट्रांसफर द कर्नल के पास पहुंचाता है और कर्नल उस रिक्वेस्ट को आप तक पहुंचाने का काम करता है शेल यू इंटरफेस टू द लाइनिंग सिस्टम अगर हम लाइनिंग सिस्टम की बात करें तो लाइनिंग सिस्टम में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमें कर्नल uh, से मीटअप करने के लिए अब कर्नल से कैसे मीटअप करेंगे शेल के द्वारा बट शेल से कैसे मीटअप करेंगे ये भी तो बात है हम कर्नल से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते इसलिए हमने शेल का कर इस्तेमाल करा पर क्या हम शेल से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हम शेल से डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टर्मिनल का जिसको आप बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट तो टर्मिनल क्या होता है ये हम आगे जानेंगे तो टर्मिनल ही वो चीज है जो हमें शेल से इंटरेक्ट कराने में मदद करता है शेल commands, शेल शेल इज एन एनवायरमेंट इन वी कैन रन कमांड्स एंड स्क्रिप्ट हमें एक प्रोवाइड करता है अपने कमांड्स को रन करने के लिए अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए और शेल स्क्रिप्ट को रन करने के लिए शेल स्क्रिप्ट क्या होती है ये हम शेल स्क्रिप्टिंग में जानेंगे ओके फ्रेंड तो शेल की कुछ टाइप्स होते हैं स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहला जो शेल था वो था बॉन्ड शेल यानी कि सबसे पहला जो शेल बना था वो था बॉन्ड शेल जो कि बना था बेसिकली यूनिक्स सिस्टम के लिए द फर्स्ट शेल टू अपेयर ऑन यूनिक्स सिस्टम जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सबसे पहला जो यूनिक सिस्टम में शेल अपेयर हुआ था वो था बॉन्ड शेल ओरिजिनल यूनिक्स शेल रिटर्न बाय बिली जॉय एट यूसी बर्कली इसे बिली जॉय ने लिखा था यूसी बर्कली में और ये सी जो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना यूनिक्स ये सी लैंग्वेज में लिखा गया था और इसके अंदर जो पहला शेल था वो बॉन्ड शेल था और यूजुअली कहाँ पे मिलता है आपको बॉन्ड शेल जो डायरेक्टरी होते हैं लाइनिक्स में स्लैश बिन स्लैश एसे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अब बॉन्ड शेल का ही एक एडवांस वर्जन था या आप कह सकते हैं बॉन्ड शेल को ही देख के एक नया शेल बनाया गया जिसका नाम दिया बैश बैश शेल जो जो आजकल के आपको लाइनिंग सिस्टम पे दिखता है जो काइलेनिस में जो शेल का इस्तेमाल होता है वो बैश शेल होता है जो बैश शेल होता है उसका फुल फॉर्म है बॉर्न अगेन शेल तो ये था जो बॉन शेल का एडवांस वर्जन था बॉन अगेन शेल जो बेसिकली डेवलप करा गया था जे प्रोजेक्ट के लिए जैसे गनू प्रोजेक्ट गनू प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं जिसने इस प्रोजेक्ट को डेवलप करा था गनू इसकी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो मैं कभी बाद में किसी वीडियो में कवर करूंगा गनु प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी स्टोरी है कि किस तरह से ये डेवलप गनू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था क्यों डेवलप करा गया था गनू प्रोजेक्ट तो बेसिकली जो बैच सेल था यह गनू प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था और दिस इज द एक्चुअल स्टैंडर्ड लाइनिक्स शेल लाइनिक्स में इस्तेमाल होने वाला एक्चुअल शेल है जो कि बैड शेल बोलते हैं और द डॉलर करेक्टर इज द डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट जहां पे आपको डॉलर करेक्ट करेक्टर दिख, दिखता है जब काम करते हुए वो उसका डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट होता है यानी कि वहां से आप कमांड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं ये डॉलर कहाँ पे दिखता है ये हम आगे जानेंगे इसके प्रैक्टिकल वीडियो में थर्ड बात करते हैं सी शेल की तो सी एच से भी ये डिनोट होता है सी शेल जो था बेसिकली इस्तेमाल होते हैं जो प्रोग्रामर जो जिनकी सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है यानी कि जो सी प्रोग्रामिंग करते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है सी शेल उसमें आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं सी की और द परसेंटाइल करेक्टर इज द डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट जैसे बैश शेल में डॉलर प्रॉम्प्ट है इस तरह से सी शेल में परसेंटाइल करेक्टर है सी शेल में ओके सो मोस्टली नेटवर्क एडमिन का यूज दिस शेल जो सी शेल है वो नेटवर्क एडमिन ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो ये था टाइप्स ऑफ शेल तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि लाइनिक्स फाइल सिस्टम हायर क्या होता है लेकिन उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि फ़ाइल सिस्टम क्या होता है देखिए फाइल सिस्टम एक ऐसा मेथड होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली कंट्रोल देता है कि जितने भी फाइल्स मौजूद हैं उसको ट्रैक करना यानी कि फ़ाइल मैनेजमेंट करना उसकी प्रिवलेजेस देखना उसमें एक्सेस रूल्स देखना यानी कि कौन उसको एक्सेस करेगा कौन नहीं करेगा उसमें कौन कौन सी प्रिवेजेज़ हैं ये सब देखने का काम जो यानी कि फाइल मैनेजमेंट का जो काम होता है वो फाइल मैनेज वो फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम देखता है जैसे कि आपकी विंडोज़ में अलग अलग फाइल सिस्टम होते हैं जब हम विंडोज़ में अपना ड्राइव फॉर्मेट करते हैं या फिर पेन ड्राइव फॉर्मेट करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता होगा कि फ़ैट थर्टी में फॉर्मेट करना है या एन टी एफ एस में फॉर्मेट करना है या एक्स या ई e एक्स फैट में फॉर्मेट करना है तो या यानी कि उसमें डिफरेंस है फैट थर्टी तो में डिफरेंस है एन टी एफ एस में डिफरेंस है अगर आप फैट थर्टी टू तो में फॉर्मेट करते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा बेसिकली फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी आपको इतने ज़्यादा उसमें फ़ंक्शन नहीं मिलेंगे लेकिन अगर आप एन में करेंगे तो उसमें ज़्यादा फंक्शन आपको देखने को मिलता है हैं, तो फाइल सिस्टम होता, का का होता है तो की भी एक फाइल सिस्टम हरारकी है तो उसके बारे में हम जानेंगे दो तो फाइल सिस्टम हरारकी है Linux की ये इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1993 में, और इसका गोल ये था कि जितनी भी फाइल मौजूद है जितनी भी डायरेक्टरीज मौजूद हैं लाइनिक्स में उनको कैटेगराइज करना कैटेगराइज करने का इन द सेंस फॉर एग्जांपल आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शंस होते हैं फॉर एग्जांपल आपको अगर हिंदी की बुक पढ़नी हो तो वहाँ पर हिंदी का अलग सेक्शन होगा साइंस का अलग सेक्शन होगा वहाँ पे सोशोलॉजी का अलग सेक्शन होगा तो यानी कि जिसको जो बुक पढ़नी हो वो उस सेक्शन से उठा ले तो इसका फ़ायदा लाइनिक्स फाइल सिस्टम हायरिया का यह होता है कि अगर किसी भी डिस्ट्री कोई डिस्ट्रीब्यूटर है अगर यानी कि जो जिसने बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं ठीक है इनको अगर किसी पर्टिकुलर फाइल में चेंजेस करना हो तो उनको पूरी की पूरी एक पूरे डेटा के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा वहाँ पे उनको क्या मिल गया अलग अलग फाइल्स मिल गई कि पासवर्ड इस फाइल में स्टोर होगा यूजर का डेटा इस फाइल में स्टोर होगा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटिंग की इन्फॉर्मेशन इस फाइल में स्टोर होगी तो इसलिए क्या हो गया द गोल वॉज टू कम टू अ कॉन्सिन ऑन हाउ डायरेक्टरी शुड भी ऑर्गेनाइज एंड विच फाइल शुड बी स्टोर यानी कि फाइल किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करी जाएंगी और कौन सी फाइल कहाँ पर स्टोर होंगी ये हमें फाइल सिस्टम बताता है तो लाइनिस की फाइल सिस्टम एक हार की है एक एक ट्री है बेसिकली जिसमें जो स्टार्टिंग होता है वो होता है रूट से अब जैसे कि विंडोज़ में आप देखते हैं विंडोज़ में सब जितनी भी प्रिविलेज होती है यानी कि जितना भी कंट्रोल होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ बेस पे तो वो सब एडमिनिस्ट्रेटर होता है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का पूरा कंट्रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी डिलीट कर सकता है कुछ भी बना सकता है कोई भी फाइल बना सकता है किसी को भी रिमूव कर सकता है तो ये सब काम किसमें होता है एडमिनिस्ट्रेटर में होता है लेकिन अगर मैं लाइनक्स की बात करूँ तो लाइनिक्स पे ये सब होता है रूट पे तो यानी कि रूट जो है वो एक तरह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का, का काम करता है और रूट को हम एक तरह से इंडिकेट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से और इसी रूट से सारी डायरेक्टरी निकली हैं जैसे कि आपकी बिन है आप, आपकी डेव है ई टी सी है होम है लिब है मीडिया है एम एन टी है ओ पी टी रूट एस बिन एस आर वी टैंप यू एस आर एन वार तो इन्हीं डायरेक्टर्स के बारे में अब हम जानते हैं एक एक करके कि बिन का मतलब क्या है बूट का मतलब क्या है डेव का मतलब क्या है ए टी सी का मतलब क्या है ये सारी डायरेक्टर्स निकली कहाँ से रूट से यानी कि मेन जो किंग है वो क्या है रूट है ठीक है ये तो रूट हो गया अब इसी के अंदर सारी डायरेक्टरीज आपको मिलेंगी तो एक एक करके हमें जानना जरूरी है कि इन डायरेक्टरीज का मतलब क्या है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लाइनेस का लाइनेस सिस्टम हार हार गया अगर ये नहीं समझे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी फाइल कौन से फोल्डर में रहती है तो चलिए अब हम जानते हैं एक एक करके सबसे पहले हम जानते हैं बिन स्लैश बिन नाम का जो आपको एक फोल्डर दिखेगा लाइनिक्स में जब हम लाइनिक्स में भी काम करेंगे तो हम आप आपको स्लैश बिन नाम का फोल्डर दिखेगा तो स्लैश बिन में क्या होता है स्लैश बिन में आपकी सारी के सारी बाइनरीज होती हैं यानी कि सारी की सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं कंटेन्स कमांड्स जेट मे बी यूज बाय बोथ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड बाई यूजर इसमें क्या होता है आपकी कमांड्स रहती हैं यानी कि जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट करते हैं ना अपने लाइनिक्स पे कमांड लाइन पर जो जो कमांड आप लिखेंगे वो सारी कमांड कहाँ रहती हैं बिन में रहती हैं बिन बाइनरीज यानी कि जैसे विंडोज में डॉट फाइल्स होती हैं एक्जीक्यूटिवल फाइल्स इसी तरीके से लाइनिंग में भी बिन में होती हैं सारी एक्जीक्यूटिवल फाइल्स सेकेंड आता है बूट अब बूट जैसे नाम से पता चल रहा है बूट का जो बूट जो डायरेक्टरी होती है लाइनिक्स में अब यहाँ पे सारी बूटिंग इंफॉर्मेशन रहती है यानी कि जब आपका कंप्यूटर किस तरह से स्टार्ट होगा उसकी जितनी भी फाइल्स जो इंपॉर्टेंट होती हैं बूटिंग के लिए वो सारी फाइल्स इसमें रहती है आपका ग्रप बूट लोडर इसी में रहता है आपका कर्नल इसी में रहता है कर्नल जैसे मैं हमने अभी जाना है कर्नल क्या होता है तो कर्नल कहाँ पर कर्नल भी इसी में रहता है फिर है देव अब देव में सारी ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन रहती है ठीक है ड्राइवर्स रहते हैं इसमें आपके साथ साथ जितने भी आपकी हार्डवेयर फाइल्स होती हैं ना आपके जो भी हार्डवेयर होंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर आप आई लाइनिक्स इंस्टॉल कर रहा है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपके सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर लगे हैं आपकी रिमूवल डिस्क है आपकी हार्ड ड्राइव है उनकी जो भी फाइल्स रहती हैं वो सब कहाँ रहती हैं वो सिर्फ इसमें रहती हैं स्लैश ईटीसी अब स्लैश ईटीसी जो फाइल है एटसेट्रा अब यह भी कहा जाता है कि जो फाइल्स कहीं लोकेट नहीं होती वो फाइल्स इसमें रहती है ठीक है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स रहती हैं फ्रेंड्स आपकी इसमें आपकी यूज़र्स की इनफॉमेसन रहती है इसमें जैसे यूजर के जो पासवर्ड होते हैं ना वो वो ई में रहते हैं आपकी ग्रुप की इन्फॉमेसन ई में रहती है कितने यूजर बने वो ई टी सी स्लैस में रहती है आपकी ग्रुप की इन्फॉर्मेशन सब ई में रहती है साथ ही साथ इसमें क्या होता है बेसिकली इसके अंदर भी ई के अंदर भी कई फोल्डर देखेंगे आपको वो हम आगे जाके जानेंगे जब हम आगे एडवांस और लेवल पढ़ेंगे तो हम जानेंगे ई के अंदर भी और फोल्डर रहते हैं लेकिन ई के अंदर मेन कन्फिग्रेशन फाइल रहती हैं यानी कि जो सिस्टम की जो कन्फिग्रेशन फाइल रहती है ना वो कहाँ रहती है आपकी ई के अंदर रहती है फिर आता है होम होम क्या आता है होम डायरेक्टरीज रहती हैं यानी कि जो हमारे यूजर्स होते हैं यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड यूजर होंगे ना जैसे कि हमारे जैसे विंडोज में होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और एक स्टैंडर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जिसके पास फुल पावर होती है स्टैंडर्ड मतलब जिसके पास फुल पावर नहीं होती बस चुनिंदा कुछ पावरें होती हैं उसी तरीके से होम में होता है यहाँ पर होम में हम के स्टैंडर्ड यूजर की होम डायरेक्ट्रीज रहती है उपयोग एटेड अब आते हैं लिब लिब में हमारी लाइब्रेरी फाइल्स रहती हैं ठीक है तो लिब डायरेक्टरी कंटेंट दो शेयर लाइब्रेरी इमेजेस नीड टू तो बूट द सिस्टम एंड रन द कमांड्स इन द रूट फाइल सिस्टम ठीक है अब लाइब्रेरी फाइल्स में क्या इसमें बेसिकली वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल कमांड रहती है यानी कि जो आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई कमांड आ, कोई कमांड टर्मिनेट कर रहे हैं कोई कमांड चला रहे हैं कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं तो उसको चलाने के लिए जो इंपॉर्टेंट फाइल्स चाहिए वो किस में रहती हैं वो लाइब्रेरी फाइल्स में रहती हैं ठीक है थीके? आपने कोई कमांड चलाई लेकिन उसको एग्जीक्यूट होने के लिए उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए जो इंपॉर्टेंट फाइल चाहिए रहती हैं वो कहाँ रहती हैं वो लिम में रहती हैं तो समझ में आया आपको अब हम आगे बढ़ते हैं जानते हैं मीडिया और एमएनटी के बारे में मीडिया और एमएनटी में वो फाइल्स रहती हैं जैसे कि इसमें बेसिकली मीडिया में माउंट पॉइंट इसमें बता रहा है माउंट फॉर पॉइंट फॉर रिमूवल्ड मीडिया रिमूवल मीडिया मतलब जैसे कि हम हार्ड ड्राइव लगाते हैं हम पेन ड्राइव लगाते हैं हमने फ्लैश ड्राइव लगाते हैं हम सी लगाते हैं डी लगाते, लगाते हैं तो वो सब चीजें कहाँ देखने को मिलेंगी अपने हमने हार्ड ड्राइव लगाई हमने पेन ड्राइव लगाई वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा वो होगा मीडिया में तो जो भी हम एक्स्ट्रा रिमूवल मीडिया लगाते हैं अपने लाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सब कहाँ रहती है वो सब मीडिया में रहता है एम मतलब क्या हुआ एम मतलब माउंट हुआ एम में रहता है टेम्पररी

Opt में क्या लिखा है ऑन एप्लीकेशन पैकेजेस अब इसका मतलब क्या हो जैसे आप अलग से कोई एप्लीकेशन पैकेज इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उसकी फाइल्स कहां पर रहती हैं ओपीटी में रहती हैं जैसे आपने कोई प्रिंटर इंस्टॉल करा तो उसकी फाइल कहां रहेगी ओपीटी में रहेगी फिर आता है रूट होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूजर अब यहाँ पे क्या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन होगी वो सब कहां रहती है वो सब रूट में रहती है फिर आता है एज बिन एस बी एन मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे वो स्टैंडर्ड बिन होता है यानी कि यहाँ पे वो फाइल रहती हैं जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर रन कर सकता है ठीक है एज बिन कंट्रीज बैनरी एज फॉर बूटिंग रिस्टोरिंग रिकवरिंग एंड फॉर रिपेयरिंग सिस्टम इन एडिशन टू बाइनरीज इन स्लैश एज बिन अब यहाँ बिन में क्या होता है बिन में तो वो कमांड रहता है एग्जीक्यूटिवल जो कि स्टैंडर्ड यूजर भी इस्तेमाल कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर भी इस्तेमाल कर सकता है लेकिन एज बिन में सिर्फ वही फाइल्स रहेंगे और सिर्फ वही अंदर एक्सेस कर सकता है जो रूट होगा यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वही एक्सेस कर सकता है किन चीज़ों के लिए अगर इसमें कोई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है तो बूटिंग प्रोसेस में कि जो फाइल्स रहती हैं उनमें उनमें चेंजेस करने के लिए फिर रिस्टोरिंग सिस्टम रिस्टोर करने के लिए सिस्टम को रिकवर करने के लिए सिस्टम को रिपेयर करने के लिए वो सब कहाँ रहता है एस में फिर रहता है एस अब एस आर वी मतलब क्या होता है यहाँ पे आपकी जितनी भी हमारी सर्विसेज रिलेटेड डेटा होता है हमारा ठीक है अब अगर आप कुछ आप कुछ सर्विस रन कर रहे हैं आप अपाचे सर्वर आपने कन्फिगर करा है आपने एफ टी पी सर्वर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर कन्फिगर करा है तो आपने एफ टी पे सर्वर कन्फिगर करा ताकि कोई दूसरा जो आउटसाइड द नेटवर्क में जो लोग हैं वो आपके एफ टी पी सर्वर से डेटा एक्सेस कर पाए तो एफ़ टी पी सर्वर की फाइल कहाँ रहेंगी वो एस आर वी में रहेंगी होप यू विल अंडरस्टैंड तो अब बात आती है टैंप की तो टैंप की जो फाइल है यहां पे टेम्पररी फाइल्स रहती हैं टेंपररी फाइल्स मतलब जब भी कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा ये फाइल्स डिलीट हो जाएंगी द टैम्प डायरेक्टरी मस्ट मेट अवेलेबल फॉर प्रोग्राम्स रिक्वायर फाइल्स ये प्रोग्राम्स के अवेलेबल रहती हैं अवेलेबल रहती हैं जो कि टेंप्रेरी बेसिस पे रहती है फाइल्स एंड जैसे मैंने आपको बताया जब भी वोट होगा ये फाइल डिलीट हो जाती है फिर आता है यूएसआर यूएसआर में आती है यूजर रिलेटेड डेटा यानी

फिर आता है प्रॉस यानी यहाँ पे प्रोसेस में जितने भी आपके प्रोसेस चलते हैं आपने आप लाइनिस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं उन प्रोग्राम्स के अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं तो उन प्रोसेस की फाइल कहाँ स्टोर होती है वो प्रोस में स्टोर होती है फिर आता है लॉस्ट प्लस फाउंड यहाँ पर वो फाइल रहती है बेसिकली इनकेस आप कोई आप, आप ना विंडोज में कोई लिब्रो ऑफिस में कोई फाइल लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट में और विद इन उसमें क्या हुआ आपकी फाइल एकदम से क्रैश हो गई तो वो फाइल कहाँ जाती है लॉस्ट एंड फाउंड में तो वापस

तो रन में क्या रन टाइम जो डेटा रहते हैं कि जो अभी डेटा चल रहा है जो अभी प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ रहती है रन में रहती है तो ये होता है लाइनज फायर सिस्टम हैर अब बात करते हैं लाइनिक्स फाइल टाइप्स की लाइनक्स के अलग अलग फाइल टाइप होते हैं जैसे कि हम बात करते हैं अलग अलग फाइल होती है जैसे हमारे पास जैसे डॉट जी है डॉट डॉट है डॉट ई है अलग अलग फाइल है इस तरह से लाइनिक्स के भी अलग अलग फाइल टाइप होते हैं जब हम आगे अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो हम जानेंगे कि लाइनक्स के कौन कौन से फाइल होते हैं तो अगर हम इसमें देखिए इसमें हम सिम्बल से इंडिकेट कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ जाए कि लाइनिक्स फाइल क्या होते हैं तो सिर्फ आप एक सिम्बल जैसे ये हाइफ़न है डी है सी है बी है एस है पी है एल है आई है तो ये क्या है आप सिर्फ इसको देख के बता सकते हैं कौन से फाइल है यानी कि ये ये रेगुलर फाइल है ये डायरेक्टरी है ये, ये या फोल्डर है सिर्फ इसको देख के तो अब हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है देखिए रेगुलर फाइल्स वो होती हैं जिनको हम रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करने का मतलब जैसे कि हमारे टेक्स्ट फाइल्स हो गई हमारी एम पी थ्री फाइल हो गई हमारी एम पी फोर फाइल हो गई वो रेगुलर फाइल्स होती हैं मोस्ट कॉमन फाइल टाइप फाउंड ऑन द रैंक सिस्टम यू कैन क्रिएट अ रेगुलर फाइल विद अ टच कमांड हम टच कमांड की हेल्प से रेगुलर फाइल बना सकते हैं ओके रेगुलर फाइल का जो आप बोले सिंबल क्या है हाइफन फिर आते हैं डायरेक्टरी डायरेक्टरी इज सेकेंड मोस्ट कॉमन फाइल टाइप इन नाइस nice, जैसे विंडोज में फोल्डर होता है इस तरह से यहाँ पर डायरेक्टरी होती है उसको डायरेक्टरी फाइल बोलते हैं करेक्टर एंड ब्लॉक डिवाइस फाइल ये वो फाइलें होती हैं करेक्टर की डिवाइस फाइल वो होती हैं जो कि हमारी पेरीफेरल्स वाली फाइल होती है पेरीफेल्स मतलब जो हमारे माउस है हमारा कीबोर्ड है ठीक है इस तरह के जो पेरीफेरल्स होते हैं उनकी जो फाइल होती उनको फाइल है उनको करैक्टर फाइल बोलते हैं यहाँ पे ब्लॉक डिवाइस फाइल मतलब जो हमारी जैसे कि हमारी रिमूवर डिस्क की कोई फ़ाइल है हमारी हार्ड रेयर की कोई फाइल है वो कहलाती है ब्लॉक डिस्क ब्लॉक डिवाइस फाइल देन आता है लोकल सॉकेट फाइल अब जो लोकल सॉकेट फाइल है बेसिकली इस्तेमाल में लाया जाता है जैसे मल्टीपल आपके प्रोसेस चल रहे हैं ठीक है ना अब मल्टीपल प्रोसेस आपके चल रहे हैं अब पर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए दूसरे प्रोसेस का इस्तेमाल वो ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पर कौन सी फाइल होती है लोकल सॉकेट फाइल होती है जो कि बेसिकली यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस दो दो या दो से ज्यादा मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना हो अगर तो वो कौन सी फाइल करवाते हैं लोकल सॉकेट फाइल फाइल करवाती हैं फिर आता है नेम्ड पाइप जो नेम्ब पाइप होता है बेसिकली अगर कोई भी दो प्रोसेस हैं कोई दो प्रोसेस के बीच में आपको कम्युनिकेशन कराना हो एज अ ब्रिज बोल सकते हैं उसको तो हम नेम्ड पाइप फाइल का इस्तेमाल करते हैं फिर वो नेम्ड पाइप फाइल होती है जो कि दो प्रोग्राम के बीच में दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं होप्सो क्लियर so हो गया होगा आपको ये क्या होता है फिर आता है हमारा लास्ट में सिंबॉलिक लिंक अब सिंबॉलिक लिंक वो होता है जो कि एक फाइल किसी दूसरी फाइल को रिडायरेक्ट या फिर दिखा रही हो कि एक फाइल है कि दूसरी फाइल को रिडायरेक्ट करती है जैसे हम हाइपर लिंक की बात करते हैं ना हाइपर लिंक क्या होता है जैसे हम पेज कोई पेज हम पढ़ रहे हैं तो उस पेज में हमें कोई लिंक दिखा उस लिंक पर क्लिक करके हम किसी दूसरे पेज पर पे चल जाते हैं वो हाइपर लिंक होता है यानी कि रिडायरेक्शन इसी तरह से सिम्बॉलिक लिंक फाइल होती है वो क्या कहते हैं रिडायरेक्ट करने का काम करती है विथ सिंबिक लिंक एंड एडमिनिस्ट्रेटर कैन असाइन अ फाइल और डायरेक्टली मल्टीपल

तो सबसे पहले हम इसमें हम जानेंगे टच कमांड के बारे में कि टच कमांड क्या होती है तो टच कमांड बेसिकली यूज़ लाई जाती है फाइल्स को बनाने के लिए ठीक है जहाँ पे हमें एं एम फाइल्स बनाना हो तो वहाँ पे हम किस का इस्तेमाल करते हैं टच फाइल का इस्तेमाल करते हैं किस तरह से बनाते हैं चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी लाइनिक्स मशीन पर ओके फ्रेंड्स मैं अपने लाइनिक्स मशीन पर आ चुका हूँ सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम टच कमांड की मदद से फाइल्स बना सकते हैं तो अभी हमें डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप पे अभी हम हैं यहाँ पे तो अभी आपको दिखेगा किस तरह से मैं यहाँ पे टर्मिनल की मदद से क्या कर सकता हूँ फ़ाइल क्रिएट कर सकता हूँ तो यहाँ पे हमें अगर कोई भी फाइल क्रिएट करनी हो आपको सिंपली आपने क्या लिखना है आपने लिखना है टच टच लिखने के बाद जो भी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ मास्टर नाम से मास्टर नाम से मैंने फाइल क्लिक करी और आपको एंटर प्रेस करना है जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपकी मास्टर नाम की फाइल बन गई चेक करने के लिए क्या करेंगे अगर हमें चेक करना हो फाइल बनी या नहीं बनी उसके बारे में आगे जानेंगे लेकिन उस सिंपली अगर आप देखना हो आप क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे मास्टर नाम की फाइल बन गई लेकिन अगर आपको कमांड लाइन से ही देखना हो किस तरह से हम देखेंगे हमें क्या करना है एल एस करना है एल एस मतलब लिस्ट और एंटर मारना है अब यहाँ पे आप देखेंगे मास्टर नाम की फाइल यहाँ पे बन गई है तो कुछ नहीं करना आपने सिंपल टच लिखना है और जो भी फाइल आप बनाना चाहते हैं अब मैं बनाना चाहता हूँ फाइल नाम की ही फाइल डॉट टी एक्स टी फाइल डॉट टी एक्स टी यानी कि टेक्स्ट फाइल एंटर करा तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारी फाइल बन गई है हमें कमांड लाइन पर देखना हो एल एस लिखेंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी फाइल डॉट टी एक्ससी नाम की फाइल बन गई है अब देखिए अब अगर हमें एम पी थ्री फाइल बनानी हो तब क्या करेंगे सिंपल लिखेंगे टच और लिखेंगे एम पी थ्री सॉरी टच और देखेंगे सॉन्ग डॉट एम हमने एक फाइल बनाई एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी mp3 फाइल बन गई है ls करके चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी mp3 पी थ्री सॉन्ग एम फाइल बन गई है ओके तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं टच कमांड की हेल्प से कोई भी फाइल बना सकते हैं तो यहां पे हमने क्या करा हमने टच कमांड की मदद से फाइल बनाना सीख ली किस तरह से बनाते हैं एम फाइल्स हमने बनाई क्रिएट मल्टीपल एम फाइल्स अब हम जानते हैं मल्टीपल एम फाइल्स कैसे बना सकते हैं आपने एक दो फाइल तो बना ली लेकिन आप क्या कर सकते हैं एक साथ मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पांच फाइल बनानी हो तो विंडोज में कैसे करते हैं हम राइट क्लिक करेंगे फिर राइट क्लिक करेंगे फिर बनाएंगे फिर बनाएंगे फिर बनाएंगे, फिर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक कमांड की मदद मतलब से क्या कर सकते हैं मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं तो सिंपली हमने क्या करना है आपने लिखना है टच ओके तो यहाँ पे हमने टच लिखना है और यहाँ पे अब हमने क्या लिखना है हमें लिखना है फाइल और हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना है और जितनी भी फाइल आपने लगानी है फॉर एग्जाम्पल हमें बनानी एक से लेके पाँच तक की फाइल हमें बनानी है ये हमने कह रहा ये हमने फिर करने के बाद आपको क्या करना है एंटर पे प्रेस करना है एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फाइल्स बन जाएंगी फाइल वन फाइल टू फाइल थ्री फाइल फोर फाइल फाइव इस तरह से आपने देखा सिर्फ एक सिंपल कमांड की मदद से आप मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं अगर आपने क्या करना हो मल्टीपल फाइल्स बनानी हो टी एक्ससी नाम की आपने सिंपली क्या करना है आपने टच लिखा आपने लिखा सॉन्ग कर्ली ब्रैकेट हमें बनाना है छः से ले कर दस तक की फाइल और हमें सब चाहिए डॉट एम पी थ्री डॉट एम पी थ्री आपने लिखना एक्सटेंशन और एंटर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे बन गई तो आपने देखा किस तरह से हम एक ही कमांड से मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं तो देखिए कितना इजी है फाइल्स बनाना इसी तरीके से आगे जितनी भी हम अभी कवर करेंगे बहुत इजी है तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक तो देखिए ये आपको समझ में आया टच कमांड से किस तरह से फाइल बन सकती है ओके अब हम जानते हैं जैसे तो यहाँ पे एक पॉइंट है चेंज मॉडिफिकेशन टाइम ऑफ फाइल यानी कि अगर आपने कोई भी फाइल एक्सेस करी कोई भी फाइल आपने मॉडिफाई करी तो उसका वहाँ पे टाइम दिख जाता है कि इसने इस टाइम पे इस फाइल को मॉडिफाई करा इसने इस टाइम को एक्सेस करा अगर हमें वो चेंज करना हो पहले तो हम ये जानते हो दिखते कैसे हैं, और फिर हम जानते हो चेंज कैसे करते हैं और फिर हम जानेंगे डिस्प्ले द टाइप ऑफ़ फ़ाइल अगर आपको कमांड लाइन पर जानना हो कि कौन सी फाइल है ठीक है अभी तो हम जैसे हम हमार, हमारे पास जी है हम ग्राफिक इंटरव्यूज पे देख सकते हैं कौन सी फाइल है लेकिन अगर हम सिर्फ कमांड लाइन पे काम कर रहे हैं तब हम कैसे देखेंगे कि कौन की कि, कि, किस टाइप की फाइल है तो हम क्या करेंगे इसका इस्तेमाल करते हैं चलिए तो पहले हम जानते हैं कि अगर हमें उसका एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम चेंज करना तो सिंपली पहले हमें क्या करना है पहले हम देख लेते हैं कि हमने कब एक्सेस करा था एल एस लिखेंगे और आपने लिखना है एल एस हाईफन एल एल एस हाईफन एल मतलब लॉन्ग लिस्टिंग एंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ ओके फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि हमने यहाँ पे सॉन्ग डॉट सॉन्ग टेन डॉट एम थ्री फाइल ये हमने बनाया था चार बज के सत्तावन मिनट पे ठीक है यहाँ पे टाइम दिखा रहा है इस तरह हमने इसमें इसको क्या करा था एक्सेस करा था और मॉडिफाई करा था इस तरह से फाइल बना हमने करा था चार सत्तावन पे इस तरह से क्या जो भी हमारी फाइल है ये ठीक है तो हम इसको देख सकते हैं हमने कब इसको मॉडिफाई करा था तो अगर आपको चेंज करना हो ये मॉडिफिकेशन या एक्सेस टाइम तो कैसे हम करेंगे ठीक है सिंपल सी कमांड है आपको कुछ नहीं करना आपने क्या करना है टच हाइफन आपने क्या करना है एक्सेस और एम ए और एम आपने लगाना है और फिर क्या करना है उस फाइल का नाम लिखना है मान लीजिए अभी जैसे आप टाइम देखिए कितना हो रहा है यहाँ पे इतना टाइम हो रहा है तो यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है तो मास्टर मास्टर की फाइल को चेंज करते हैं हमने क्या मास्टर लिखना है और एंटर करना है अब हम अगर देखें ठीक है तो अब अगर आप देखेंगे मास्टर के जो फाइल का टाइम है वो क्या हो गया यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ पे वो चेंज हो गया था देखिए कितनी इजीली हमने क्या करा एक कमांड की मदद से हमने वो चेंज कर दिया टाइम कि हमने कब एक्सेस करा था तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं या आगे बताऊंगा आप इसको ध्यान में रखिए करिए कि अगर आप किसी कंपनी में सिक्योरिटी एनालिस्ट काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको वहां देखना पड़े कि इस यूजर ने कौन सी फाइल कब एक्सेस करी थी तो आप इसकी मदद मतलब से देख भी सकते हैं उसको चेंज मॉडिफाई भी कर सकते हैं सिंपली आपने क्या करना है टच हाइफन ए एम और उस फाइल का नाम और एंटर ओके इज अब हमें जानना है कि कोई पर्टिकुलर फाइल है उसका टाइप क्या है हमें सिंपली क्या लिखना फाइल लिखना है और उस फाइल का नाम हमने फाइल लिखना है नाम हम जानना चाहते हैं कि जो सॉन्ग या फिर हम देखना जो मास्टर है ये इस फाइल किस कि टाइप का एंटर मारा हम लिखा इस इसमें क्या है एम फाइल है इसमें कुछ है ही नहीं तो हम दूसरी फाइल देखते हैं अगर हमने यहाँ पे लिखा सॉन्ग टेन डॉट एम इसमें भी क्या है इसमें भी कुछ नहीं तो चलिए एक फाइल में कुछ हम रिटर्न कर लेते हैं हमने लिखना है सिंपली हम लिखते हैं कैट और अभी कैट कमांड क्या है इसका किस तरह से हम यूज करते हैं ये हम आगे जानेंगे तो अभी आप इतना इतना अगर आप टेंशन मत लीजिए कि कैट का कैट से क्या हो रहा है और मैं जो कमांड्स में लिखूंगा सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे तो अभी आप इतना पैनिक मत होइएगा कि कैट का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और क्यों हो रहा है तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए फटाफट से इसमें लिख लेता हूं टेक्स्ट। देश्ट 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 तो यहां पे मैंने एक टेक्स्ट इलेवन डॉट टी नाम की फाइल बना लिया मैं मैं देखना है इस फाइल में बेसिकली किस टाइप की फाइल है तो सिंपली मैं यहाँ पे इस फाइल लिखता हूँ फाइल का नाम लिखता हूं तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है टेक्स्ट फाइल है स्काई टेक्स्ट तो देखिए सिंपल एक कमांड की मदद से आप क्या देख सकते हैं कि इस फाइल का टाइप क्या है ये क्या है अस्काई टेक्स्ट फाइल है सिंपली आपने क्या लिखना है जो भी फाइल है आपने सिंपल फाइल लिखना है आपने सिंपल फाइल लिखना है जो भी आपकी फाइल का नाम है वो लिखेंगे यहाँ पे आप टेक्स्ट करके और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे वो दिख जाएगा तो अभी आपका टच कमांड शायद क्लियर हो गया होगा किस तरह से टच कमांड इस्तेमाल में लाया जाता है तो यहाँ पे आपका क्लियर हुआ कि टच कमांड में कैसे हम एम फाइल्स बना सकते हैं कैसे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं उसमें मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं उसमें हम टाइप ऑफ फ़ाइल यानी कि वो फाइल का टाइप क्या है वो किस तरह से देख सकते हैं ये हम टच कमांड की मदद मतलब से आपने सीख लिया है अब हम जानते हैं आर एम कमांड आर एम मतलब होता है रिमूव कमांड आर एम का इस्तेमाल करते हैं कोई भी डेटा आपको रिमूव करना होगा तो हम आर एम का इस्तेमाल करते हैं जैसे हम विंडोज में डिलीट करते हैं और रिसाइकल विंड में जाते हैं ना तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि लाइनिंग्स में कोई भी फाइल रेट करने के रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी अगर आप जब तक अगर आप कमांड लाइन से काम कर रहे हैं तो आप जी ओ काम कर रहे हैं तो आपका ट्रैश में जा सकता है रिसाइकल बिन में जा सकता है लेकिन अगर आप कमांड लाइन पे काम कर रहे हैं वहां से अगर आप रिमूव करते हैं कोई फाइल तो वो फाइल वापस नहीं आएगी यहाँ पे कोई अंडू नहीं होता ठीक है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है तो इसको ध्यान रखने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं आर के साथ हाईफन आई का किसका इस्तेमाल आर के साथ हाईफन आई का इस्तेमाल करते हैं वो आपसे पूछेगा देन कि आपको सच में डिलीट करनी है या नहीं करनी तो वहाँ पर उसको आप देख सकते हैं फिर हम देखेंगे आर एम हाईफन आर एफ यानी कि रिकर्सिवली और फोर्सफुली आर एम हाईफन आर एफ का इस्तेमाल तब करते हैं हम अगर आप कोई डायरेक्टरी डिलीट कर रहे हैं या कोई फाइल डिलीट कर रहे हैं और उसकी फाइल के अंदर भी एक और फाइल है यानी कि मल्टीपल फाइल्स हैं उस डायरेक्टरी के अंदर उस फोल्डर के अंदर तो हम हाईफन आर एफ का इस्तेमाल करते हैं तो अब हम जानते हैं आर का हम जो प्रैक्टिकल यूज किस तरह से करते हैं और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि लाइनिक्स में हर चीज़ फाइल होती है लाइनिक्स में हर चीज़ क्या है फाइल है लाइनिक्स में आप कुछ भी कनेक्ट करें कुछ भी आपकी चाहे हार्ड ड्राइव हो चाहे आपका माउस हो वो सब उस सबको क्या समझेगा एक फाइल समझेगा तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आरएम कमांड का कैसे यूज करते हैं ओके okay, दोस्तों तो यहाँ पे हमें क्या करना है अब एल करके देखते हैं कि हमने कितने सारी फाइल्स यहाँ पे बना ली है देखो इतनी सारी फाइल हमने यहाँ पे बना ली ना अब हमें क्या करना है इनको डिलीट करना है डिलीट करने के लिए सिंपल आपने आर लिखना है और जो भी फाइल आपको डिलीट करनी है हमने फाइल डिलीट करनी है वन ये वाली फाइल डिलीट करनी है हमने ना आर करना है फाइल का नाम लिखना है और एंटर मारना है अब एल करके देखेंगे तो यहाँ पर देखो फाइल वन नहीं है इस तरह से हमने फाइल टू डिलीट करनी है तो आर फाइल टू एंटर और अवेलस करेंगे तो फाइल टू भी यहाँ पे नहीं है तो okay फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं तो अब आता है वर्किंग विथ फाइल्स एंड फाइल कंटेंट में सी का सी इस्तेमाल होता है कोई भी चीज़ कॉपी करने के लिए ठीक है आपको कोई भी कंटेंट कॉपी करना हो कोई भी फाइल कॉपी करना हो तो हम सी का इस्तेमाल करते हैं अब सी का इस्तेमाल किस कर, तरह से करते हैं वो हम चलिए हम जानते हैं ओके okay, तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ फाइल्स बना रखी हैं फाइल थ्री फाइल फाइव तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम एक और एक फोल्डर बनाते हैं ये डायरेक्टरी बनाते हैं आप बोल सकते हैं एक सैम्पल डायरेक्ट्री मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो एल एस करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सैम्पल डायरेक्टरी बन गई हम चाहते हैं कि फ़ाइल थ्री जो है वो इस सैंपल जो डायरेक्टरी है इसमें कॉपी हो जाए सिंपली कहना कॉपी उस फाइल का नाम और हमने कहाँ कॉपी करना है उसको लिखेंगे एंटर करा ओके okay, तो ये दिखा रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्ट्री इसकी कोई फाइल नहीं है पता है क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत लिखी है ओके okay, तो यहाँ पे हम इसका स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेते हैं फाइल थ्री और एंटर अब देखिए अब चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे हम डायरेक्ट्री में जाके देखते हैं सैम्पल में सी डी सैम्पल करते हैं तो देखिए यहाँ पर फाइल आ गई है ओके okay. और इससे मुझे दोस्तों एक और चीज़ आपको बताने के लिए मुझे याद आया कि नो फाइल डायरेक्टरी जो आया लाइनिक्स में केस सेंसिटिव होता है सेंसिटिव मतलब होता है लाइनिक्स में जो कमांड जिस तरीके से पहले से बनाई गई है यानी कि जो कमांड जिस तरह से पहले से प्रोग्राम करी गई है उस तरह से वो क्या होगा एग्जीक्यूट होगी अगर आप जैसे हम करते हैं एलएस करते हैं एलएस हम लिस्ट करने के लिए करते हैं अगर आप यहां पे एल का एल बड़ा करेंगे और एस का स्मॉली स्वा, स्वा, रहने देंगे तब करेंगे तो क्या दिखाएगा बैश एल कमांड नॉट फाउंड तो यहाँ पे केस सेंसिटिव है तो जिस तरीके से कमांड है आपको उस टाइप से ही लिखनी पड़ेगी अगर आप एल एस नॉर्मल लिखेंगे तो चलेगी लेकिन अगर आप एल एस का एल छोटा रहने देंगे एस कैपिटल करेंगे तो क्या करेगा नॉट फाउंड तो यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है तो ये आपको समझना पड़ेगा और इस तरह से आपको आगे काम भी करना पड़ेगा तो कॉपी का इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं सिंपल हमने कॉपी लिखना है आपने लिखना है फाइल जो भी फाइल आप करना चाहते हैं और कहाँ पर करना चाहते हैं उसका हमें करना है फाइल का पाथ देना है यहाँ पर हम देना चाहते हैं अभी फिलहाल तो हम सैंपल में ही हैं तो पीछे चलते हैं यहाँ पे अपने आ, ओके सीपी लिखना है और आपने कौन सी फाइल लिखनी है फाइल हमें कॉपी करना है फाइल फाइव करना है सैंपल में एंटर तो यहाँ पे आप देखेंगे एल एस करके तो यहाँ पे हमारी सी डी सैंपल तो यहाँ पे देखेंगे फाइल फाइव भी आ चुका है फाइल थ्री जो ने पहले कॉपी करा था यहाँ पे आ चुका है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं फाइल को बना सकते हैं फाइल को रिमूव कर सकते हैं फाइल को कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों फाइल को मूव करना ये तो हमने कॉपी करा लेकिन अगर मूव करना हो परमानेंटली यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना हो तो हम चेक करते हैं जैसे कि हमारे ये हैश डॉट टी एक्सी नाम की फाइल है इसको हम परमानेंटली मूव करना चाहते हैं सैंपल में हमने क्या कमांड चलाना है एम वी और इस फाइल का नाम और जहाँ पर इसको आप मूव कराना हमें कराना है सैंपल में मूव और एंटर एल करेंगे तो यहां पे आपको वो फाइल नहीं देखी वो फाइल कहां चली गई है वो फाइल चली गई है सैंपल में तो हम चलते हैं सैंपल में एल करते हैं तो यहां पर देखेंगे फाइल यहां पे आ रखी है तो इस डेट सिंपल तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों मल्टीपल फाइल्स को बना सकते हैं डिलीट कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं मूव कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं तो बहुत सिंपल है तो आपको समझ में आ चुका हुआ किस तरह से हम ये सब चीजें परफॉर्म करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो मूव कमांड हमने देख लिया है अब मूव कमांड का इस्तेमाल हम रीनेम करने के लिए भी कर सकते हैं चलिए ये भी देख लेते हैं किस तरह से उसको रीनेम करने के लिए कोई फाइल अगर रीनेम करनी हो आपको तो जैसे आपने क्या करा आपने यहाँ पे देखा कि मल्टीपल फाइल्स हैं अब जैसे कि यहाँ पे फाइल फाइव है अब इसका हम नाम चेंज करना चाहते हैं ठीक है हमने क्या करा एम एम वी लिखा और फाइल फाइव लिखा और जिसमें सॉरी इसका नाम गलत हो गया फाइल फाइव लिखा और इसका नाम हम चेंज करना चाहते हैं राहुल तो आपने क्या लिखा एंटर करा अब एल करेंगे तो यहाँ पे आपको वो फाइल फाइल फाइव यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी फाइल का नाम क्या चेंज हो गया राहुल तो फाइल्स का नाम चेंज करने के लिए भी हम मो कमांड का इस्तेमाल करते हैं रीनेम करने के लिए तो ये समझ में आ चुका होगा आपको चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं हेड की हेड होता है और एक आपका टेल होता है हेड टेल कमांड का इस्तेमाल हम कब करते हैं देखिए हेड टेल का कमांड का इस्तेमाल करते हैं हम जब हमें कोई फाइल देखना हो मान लीजिए आपकी एक हज़ार वर्ड्स की या एक हज़ार लाइन्स की एक फ़ाइल है उसमें से आपको ऊपर की या फिर नीचे की दस लाइन देखनी हो या फिर आपको उसके ऊपर की बीस लाइन देखनी हो तो आप क्या करेंगे पूरी हजार का खोलेंगे। नहीं हम क्या करेंगे हेड हेड का हैट कमांड का कमांड इस्तेमाल करने के बाद सिंपल से ऊपर की टेन लाइन या नीचे की ट्वेंटी लाइन या जितनी भी लाइन आप देखना चाहते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिंपली हमने क्या करना है चलिए एक फाइल ओपन करते हैं अब यहां से मैं एक फाइल ओपन करता हूँ तो यहां पे जैसे मैं करता हूं मैंने लिखा कैटीसी और पास्ट डब्ल्यू डी तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है अब मैं चाहता हूँ कि जितनी सिर्फ शुरुआत की जो दस लाइन हो यानी कि शुरुआत की दस लाइन हो वही मुझे देखिए इतनी सारी फाइलें ना दिखें सिंपली हम क्या करेंगे हमने लिखना है हेड और उस फाइल का नाम यानी कि कितनी लाइन देखना चाहते हैं हम देखना चाहते हैं टेन लाइन तो हाइफन टेन लाइन और कहाँ पे देखना है ए टी सी में और पास्ट डब्ल्यू डी में एक करना है एंटर करना है तो सिर्फ आपको वो दस लाइन दिखेंगे स्टार्टिंग की ऑफ़ कि आपको पूरा दिख रहा है समझ में आया आपको हेड मतलब जैसा होता, होता है ना हेड होता है टेल होता है हेड मतलब स्टार्टिंग की लाइंस अगर हमें देखनी हो टेन अगर हमें स्टार्टिंग की पांच लाइन देखनी हो बस तो यहां पे हम क्या करेंगे इसको पांच करेंगे और हमें सिर्फ स्टार्टिंग की पांच लाइन ही देखेंगे तो इसका इस्तेमाल होता है टेल में क्या होता है अगर आपको लास्ट की टेन लाइन देखनी हो तो ओ टेल्स हाइफन टेन और कहाँ पे देखना है ए टी सी में स्लैश पास डब्ल्यू डी में एंटर मारेंगे तो लास्ट की आपको क्या देखेंगे लास्ट की टेन लाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगी तो मैं इसको अगर आपको स्क्रीन स्क्रीन को जैसे हमारा टर्मिनल है इसको हमें क्लियर करना हो इसकी पूरी कमांड डिलीट करनी हो सिंपल लिखेंगे क्लियर तो क्लियर लिखेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा टर्मिनल क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा तो इस तरह से हम हेड है टेल का कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं ओके okay, दोस्तों तो अब हम जानते हैं कि कैट कमांड का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं लाइनिक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन पे तो कैट का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं फाइल को देखने के लिए कोई भी फाइल आपने बनाई है तो उसको व्यू अगर कर करना है उसको रीड करना है कि उसके अंदर कंटेंट एक्चुअल में है क्या कोई भी टेक्स्ट फाइल है अगर उसको उसका देखना है कि भाई इसके अंदर लिखा क्या है वो देखने के लिए हम कमांड का कमांड में कैट का इस्तेमाल करते हैं कैट uh, की बुक में होती है कौन तो चलिए देखते हैं किस तरह से कैट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो ओके दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे कोई फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम कुछ आ, डेट आ, डेटा डालते हैं टच हमने फाइल बनाई यहाँ पे ओके टच डॉ टी एक्स टी ओके तो यहाँ पे हमने फाइल डॉ टी एक्स टी बना दी है लिस्ट करके देखते हैं एलिस ओके तो दोस्तों एक और चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कोई फ़ाइल अगर है और आपको देखना हो कि वो फ़ाइल का टाइप क्या है तो किस तरह से हम सिर्फ सिंबल देख के पता लगा सकते हैं सिंबल आपने एल एस हाईफन एल करना है यानी कि लॉन्ग लिस्टिंग और ए आप इस्तेमाल करते हैं अगर आपको हिडन फाइल्स भी देखनी हो तो एल मतलब लिस्टिंग के लिए और ए मतलब हिडन फाइल्स इस एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग सा डेटा दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है हिडन फाइल ठीक है और अगर आपको यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कुछ लिखा है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइफन लगा है यहाँ पे डी लगा है यहाँ पे डी है यहाँ पे भी डी है इसका मतलब क्या है डी मतलब मैंने आपको बताया था डी मतलब होता है डायरेक्टरी और हाइफन मतलब डैश मतलब होता है रेगुलर फाइल तो अब आप आपको समझ में आया उसका क्या मतलब था कि हाइफन मतलब था रेगुलर फाइल डी मतलब डायरेक्टरी इस तरह से अगर और भी चीजें होती तो यहाँ पे आपको दिखाई देता हो ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो आर डब्ल्यू एक्स आर है ये क्या होता है अभी हम देखेंगे फाइव रूट रूट फोर जीरो नाइन सिक्स ये क्या है ये टाइम क्या है तो अभी हम आगे जानेंगे तो अभी हम इस पर नहीं जा रहे हैं थोड़ा और अंदर आप समझ नहीं पाएंगे तो अभी हम जो है अभी हम कैट देख रहे हैं कैट का इस्तेमाल कैसे करते हैं तो कैट हम करते हैं किसी भी फाइल को रीड करने के लिए तो अभी हमने कोई फाइल नहीं है फाइल और टेक्स्ट अभी हमने उसको रीड करना हो तो सिंपली हमने उसका नाम लिखेंगे कैट और उस फाइल का नाम एंटर मारेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि उस फाइल के अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं था ठीक है तो अभी हमने कोई ऐसी फाइल हम इसमें देखते हैं जिसके अंदर कुछ लिखा हो चलिए चेक करते हैं हम यहाँ पे मास्टर नाम की फाइल है इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा है तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है ओके तो देखते हैं किसी फाइल के अंदर कुछ होगा अगर तो हम देखते हैं ओके okay, तो इस फाइल के अंदर है राहुल ट्वेंटी टो डॉट टू एक्स टी टी एक्ससी जो फाइल थी उसके अंदर आप देखोगे ये सब लिखा है तो कोई भी कमा कोई भी ऐसी फाइल है जिसके अंदर जिसके अंदर का कंटेंट आपको पढ़ना ही क्या है तो हम कैट का इस्तेमाल कर सकते हैं अब जैसे कि अभी हमने देखा था हमने यहाँ पे फाइल देखी थी बहुत सारी फाइल लेकिन वो खाली पड़ी है तो अगर आप कोई फाइल क्रिएट करनी हो तो आपको पता है हम टच कमांड से कर सकते हैं लेकिन अगर आप कैट कमांड के ही मदद से सीधा उस फाइल को रीड कर पाएं और देख पाएं तो वो कैसे कर सकते हैं सिंपल आपने कैट लिखना है कैट लिखने के बाद आपने क्या करना है ग्रेटर देन का साइन लगाना है ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद जो भी कमांड आपने लिखनी है मतलब जो भी फाइल आपको रीड करनी है उस फाइल का नाम तो यहां से हम क्या कर रहे हैं फाइल को बना रहे हैं अब जैसे कि हमने नई फाइल बनाई तो न्यू 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 फाइल लिखते हैं डॉट टी एक्स टी हमने क्या करा देखिए कोई इस नाम की फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन हम क्या कर रहे हैं कैट कमांड की मदद से ही क्या कर रहे हैं नई फाइल बना रहे हैं ठीक है तो हमने एंटर करा अब यहाँ पे हमने कुछ भी डेटा हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है अब हमने एंटर करा कंट्रोल सी प्रेस करा अब अगर हम एल एस करके देखें तो यहाँ पर हमको एक नई फाइल देखने को मिल जाएगी कहाँ गई न्यू न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी तो यही रही ठीक है तो इस तरह से हम अगर मैं पढ़ना हो इसको कैट लिखेंगे इसका लिखेंगे नाम एंटर करेंगे तो भाई ये है इस फाइल के अंदर अब यहां पे मैंने क्या करा था कंट्रोल सी प्रेस करा तो वो बाहर आ गया लेकिन हम क्या कर सकते हैं एक और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कैट हाइफन सॉरी कैट ग्रेटर देन हमने लिखा राहुल न्यू डॉट टी एक्स टी यहाँ पर अब हमने क्या करना है ये वाला सिंबल लगाना है और ये हमें लिखना है यहाँ पे स्टॉप और अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे जब तो अब हमें क्या करना पड़ेगा अब मैं कंट्रोल सी के करने के बजाय हमें सिंपल यहाँ पे लिखना है स्टॉप और एंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो यहाँ से बाहर आ जाएगा आपको कंट्रोल सी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से हम कैट कमांड का इस्तेमाल कोई भी फाइल को पढ़ने के लिए टेक्स्ट फाइल को पढ़ने के लिए कर सकते हैं फाइल को क्रिएट करने के लिए पढ़ सकते हैं इस तरह से अगर आपने कोई सिस्टम की फाइल देखनी हो हमने लिखा कैट ई टी सी पास डब्ल्यू डी यहाँ की फाइल पढ़नी हो तो सिंपल हम कैट का इस्तेमाल करके कोई भी फाइल को भी पढ़ सकते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है कैट का फाइल रीडिंग करने के लिए फाइल को बनाने के लिए तो देखिए बहुत ईजी तरीका है कैट का तो ये आपको समझ में आएगा कैट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम जानते हैं वर्किंग विद डायरेक्टरीज में पी डब्लू डी के बारे में यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या बोल सकते हैं सी डी चेंज डायरेक्टरी सी डी टिल्ट सी डी डॉट डॉट जो हम लगाते हैं इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं चलिए जानते हैं अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं फाइल सिस्टम हायरार्की में मल्टीपल डायरेक्टरीज होती हैं है ना हमने फाइल सिस्टम हायरार्की में पढ़ा कि रूट होता है बिन होता है अलग अलग एस बिन होता है एस आर वी होता है तो ये फ़ाइल अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं हमें अगर देखनी हो ये फ़ाइल डायरेक्टरी होती का है देखिए मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा सकता हूँ और कमांड लाइन पर भी दिखा सकता हूँ तो पर अभी आपको कमांड लाइन पर इतना अच्छा हाथ आपका नहीं है तो आप यहाँ पर इतना अच्छा नहीं खेल सकते कमांड लाइन पर तो अभी मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ सिंपली आपने क्या करना है फाइल पर क्लिक करना है ओपन फोल्ड यहां पे आप देखिएगा फाइल सिस्टम यहां पे आप जाओगे तो यहां पे देखो मल्टीपल फाइल यहां पे आपको दिख गई ये सब कहां पे है लेकिन ये सब रूट में है यह ना यहां पे रूट में है तो यही चीज अगर आपको कमांड लाइन से देखना हो सिंपल आप क्या करेंगे कमांड लाइन पे जाने के लिए इसको मिनिमाइज करते हैं।, आपने cd हैं रूट में जाना है एंटर मारा एल एस करेंगे एक सेकेंड ये तो हम रूट में आ गए हमें जाना है मेन रूट पे यानी कि जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है जहां से सब कमांड हायर की निकली है एंटर मारा अब अगर हम करेंगे तो यहां पे आपको देख, देखने को मिलेगा कि मल्टीपल फाइल्स है ठीक है अब मैं यहां से अब मैं तो डेस्कटॉप पे था लेकिन मैं यहां पे कैसे पहुंच गया इस रूट पे कैसे पहुंच गया ठीक है इससे पहले जो हमने करा था रूट लिखा था ना ये मैं होम डायरेक्टरी पर पहुँच गया था अपनी लेकिन हमें क्या था हमें तो मेन रूट पे जाना था हमें होम डायरेक्टरी पे नहीं जाना था लेकिन मैं तो यहीं से डेस्कटॉप से ही मैं होम डायरेक्टरी पर भी चला गया और मैं रूट पे भी चला गया ये कैसे हुआ ये होता है बेसिकली डायरेक्टरी चेंज करने पर अब हम चेंज डायरेक्टरी यानी कि जो सी कमांड हमने चलाई ये होता है चेंज डायरेक्टरी अभी हम कौन सी डायरेक्टरी में पी लिखा हम हैं अभी रूट में हैं ठीक है हमें देखना हम कौन सी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं हम रूट डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं कैसे पता लगाएंगे पी डब्ल्यू डी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी कि अगर हमें देखना हो कि अगर हम मान लीजिए हम यहां पे अभी हम हैं रूट में और हम डेस्कटॉप पे हैं हमें नहीं पता हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हैं सिंपल आपने प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी लिखा आप, आप हैं रूट के अंदर डेस्कटॉप

और अब देखिए आप कहाँ पे आ गए अब आप इस फाइल के अंदर आ गए तो हमने देखिए इसके बारे में पढ़ा था बिन डेव होम लिव एक्स थर्टी टू मीडिया ओपीटी रूट एस बिन है ना हमने पढ़ा था ना अब आप क्या कर सकते हैं यहीं से इसके अंदर भी जा सकते हैं आपने क्या लिखना है सी डी और फॉरवर्ड स्लैश बिन बिन लिखना है एंटर मारा आप कहाँ गया बिन में आ गए एल एस करा तो यहाँ पे देखो इतनी सारी कमांड आ गई आपके पास इतनी सारी आप फाइल्स हैं बिन के अंदर इतनी सारी फाइल हैं आपकी ठीक है ना तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं तो अभी आप कहाँ पे हैं अभी आप हैं हमें देखना हो हम कहाँ पे हैं पी डब्ल्यू डी का अभी हम बिन में हैं अब यहाँ से हमें सीधा अपनी होम डायरेक्टरी में जाना है होम डायरेक्टरी मतलब जो रूट की होम डायरेक्टरी है जहाँ पे रूट की डाउन रूट जो भी डाउनलोड करेगा एडमिनिस्ट्रेटर है रूट तो वो कुछ भी डाउनलोड करेगा उसकी डॉक्यूमेंट फाइल्स की फोटोज़ की वीडियोस सब कहाँ होंगी सब रूट उसकी होम डायरेक्टरी में तो होंगी हमें अपनी होम डायरेक्टरी में जाना होगा कैसे जाएंगे सी डी स्पेस टिल्ट ये साइन टिल्ट का होता है टिल्ट लगाया और एंटर मारा अब हम एल करेंगे तो कहाँ पे आ गए हम ये देखो होम डायरेक्टरी में आ गए हम डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड म्यूजिक पिक्चर मोबाइल टैबलेट वीडियो सब कहाँ आ गए हम होम डायरेक्टरी में आ गए तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी ठीक है अब इस तरह से अगर हम मान लीजिए हम रूट में हैं उसके बाद हम आ गए डेस्कटॉप में डेस्कटॉप में आ गए एल करा तो डेस्कटॉप पे ये वाली फाइल्स दिख रही है हमें हम सैंपल में चले गए सी हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना रखी है सैंपल नाम की इसमें चले गए अब हमें क्या करना है वापस से डेस्कटॉप पे जाना है अभी हम सैंपल में ना प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करेंगे तो कहां पर रूट के अंदर डेस्कटॉप है डेस्कटॉप के अंदर सैंपल है, है हमें सैंपल से एक के स्टेप पीछे डेस्कटॉप पे जाना है बहुत सिंपल है सीडी लिखेंगे स्पेस देके कॉलन कॉलन और एंटर कहां पे आ गए हम डेस्कटॉप में आ गए तो देखिए इस तरह से कॉलन का इस्तेमाल करके डबल कॉलन का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं एक डायरेक्टरी पीछे जा सकते हैं अब डेस्कटॉप से पीछे रूट में जाना है कॉलन कॉलन एंटर कहां पे आ गए हम आ गए यहाँ पे रूट में रूट की होम डायरेक्टरी में ये देखिए रूट में आ गए बहुत सिंपल है तो इस तरीके से हम डायरेक्टरीज चेंज कर सकते हैं मल्टीपल डायरेक्टरीज में जा सकते हैं तो समझ में आया वो कितना सिंपल है बहुत इजी है लाइन्स पे काम करना बस आपको स्टार्टिंग में आपको आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि आप अभी एक बिगनर हैं कई लोग जो बिगिनर होंगे उनको हो सकता है इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन अभी उनको मेन मेन जो बेसिक चीजें हैं वो तो समझ में आ चुकी होंगी कि टच कमांड का फाइल कैसे बनानी है फाइल को कॉपी मूव कैसे करना है ठीक है डायरेक्टरी में चेंज करने कैसे करना है तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा ठीक है तो आप वीडियो देखते रहिए इस वीडियो को दोबारा देखना जब ये खत्म हो जाए दोबारा आप देखना तो और समझ में आया आएगा आपको तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं तो चलिए बिना किस के आगे बढ़ते हैं तो मैन पेजेस क्या होता है मैन पेजेस होता है मैनुअल पेजेस अगर आपको के कोई भी कमांड है जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आप मैंने आपको बताया ना सी से चेंज डायरेक्टरी हो जाता है लेकिन आपको नहीं पता अगर मैं आपको बताऊं कि भाई और मैंने मल्टीपल कमांड में तो मैंने आपको बताया एस एस एच भी होता है कुछ ठीक है अब आपको तो नहीं पता है एस एस एच क्या होता है अगर आपको जानना हो कि भाई इससे क्या होता है इस कमांड से क्या होता है उस कमांड से क्या होता है आप क्या करेंगे उसका मैनुअल पढ़ेंगे अब कोई भी घर में नया सामान लाते हैं तो उसमें क्या होता है मैनुअल मिलता है आपको आपने नया फ्रिज मिला फ्रिज फ्रिज लेके आए आप ए सी लेके आए उस तरह से मैनुअल मिला तो भाई किस तरह से उसको यूज़ करना है तो इस तरह से हम क्या करते हैं मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे आपने लिखे मैन और एस एस एच तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा होप होप्स आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से हम एस एस सॉरी मैन का इस्तेमाल करते हैं मैनुअल आपका सब चीजें दिखाता है कि भाई इसमें इस डिस्क्रिप्शन इस क्या है इसका नाम क्या है इन ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा हाइफन जी हाइफन फन ए इस्तेमाल क्या होगा ठीक है इस तरह से मैन पे हम अलग वीडियो लेके आएंगे क्योंकि यार इतना ज्यादा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर कर रहे हैं आपके इसमें और जो आपकी चीज़ें जरूरी होती हैं हैकिंग करने के लिए ये मेन पर्पस का यही था ठीक है ना तो अभी हम इसमें जाते हैं इतना ज़्यादा नहीं जा सकते लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मैन का, का काम क्या होता है लेकिन इसके बारे में मैं शॉर्ट शॉर्ट एक डिटेल में वीडियो जरूर लाऊंगा जितनी भी कमांड मैं आपको बता रहा हूँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैन से बाहर निकलने के लिए क्यू क्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे तो अब बात करते हैं स्पेशल की स्ट्रोक्स की स्पेशल की स्ट्रोक का इस्तेमाल हम जब हम कमांड लाइन पे कमांड्स लिखते हैं ना उस टाइम करते हैं

ठीक है ना इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपने क्या करना है यहाँ से पहले की जो भी लाइन थी वो डिलीट करनी है कंट्रोल यू डिलीट हो गई अब आप यहाँ पे गए आपको एक स्टेप पीछे जाना है कंट्रोल बी ठीक है कंट्रोल ई से आगे आ गया कंट्रोल ए से कंट्रोल ई -E से सबसे आगे चला गया पूरी लाइन डिलीट करनी हो कंट्रोल यू ठीक है इस तरह से आप मल्टीपल की स्टोक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम को ईजी बनाने के लिए तो ये आपको समझ में आ चुका होगा तो फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं की स्ट्रोक का तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंट्रोल ऑपरेटर्स के बारे में कंट्रोल ऑपरेटर्स का काम क्या होता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ऑपरेटर्स यू कैन पुट मोर देन वन कमांड इन द कमांड लाइन इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग कंट्रोल फंक्शन जैसे कि आपको डेफिनेशन पढ़ के समझ में आ चुका होगा कि कंट्रोल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम करते हैं एक से ज्यादा कमांड को ऑपरेट करने के लिए एक ही लाइन में एक से ज्यादा कमांड आपको चलानी हो एक ही लाइन में तो हम कंट्रोल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे सेमी कॉलन के बारे में सेमिकॉलन का इस्तेमाल हम करते हैं अगर हमें एक से ज्यादा कमांड एक एक ही लाइन में प्रिंट करवानी हो या फिर एक ही लाइन में एग्जीक्यूट करानी हो तो हम सेमी का इस्तेमाल करते हैं कैसे करते हैं चलिए जानते हैं अब सपोज करिए आपने हम इको का इस्तेमाल करते हैं कोई भी वर्ड है कोई भी कुछ फाइल है उसको आपने प्रिंट करवाना हो हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा हमने लिखा दिस हमने लिखा दिस इज मास्टर्स इन आई हमने लिखा एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाएगा दिस इज इन मास्टर्स इन आईटी ठीक है अब हमने एक और चीज लिखी है दिस इज मास्टर्स इन आईटी साइबर सिक्योरिटी हमने यहाँ पे एक और कमांड लिखी तो यहाँ पे दिखा रहा है पर हम चाह रहे हैं ये जो दोनों आउटपुट हमें मिल रहे हैं ये एक ही लाइन में मिले अलग अलग लाइन में ना मिले हम क्या करेंगे सिंपली हम यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा है हम क्या करेंगे सेमी कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे हमें जो भी प्रिंट करवाना है हमने लिखना है राहुल एंटर मारा अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए दो अलग अलग ना लगाने लाइन ना लाने के बजाय क्या हो गया एक ही लाइन में आया तो इसलिए हम इसका, इसका इस्तेमाल करते हैं कि दो जो भी एक से ज्यादा आउटपुट हो हमारे वो एक ही बार में हमें शो हो ठीक है अलग अलग कमांड को एक ही बार में शो करने का इस्तेमाल हम करते हैं इसका ओके तो होप तो आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं एम्परसेंट और डबल एम्परसेंट का इस्तेमाल हम कब करते हैं देखिए एम्परसेंट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई भी कमांड रन करानी हो लेकिन वो बैकग्राउंड में रन करानी हो हम नहीं चाहते उस कमांड जब हम रन हो रही हो वो हमारा वो हमारा, हमारा काम रुक जाए काम रुक जाएगा इन द सेंस अब देखिए कोई भी कमांड हम रन करते हैं तो उसमें क्या होता है वो कमांड हमारा फोरग्राउंड में रन होती है उस उसमें फिर हम दूसरी कमांड रन नहीं करा कर सकते उस टाइम पे है ना उस शेल पे उस टर्मिनल पे अगर हम कोई कमांड रन कर रहे हैं एक टाइम पे तो एक ही कमांड रन होगी ना ठीक है लेकिन एमपरसेंट लगाने के बाद अगर आप कोई भी कमांड चला रहे हैं तो उसमें अगर आप लास्ट में एम परसेंट लगा दें इस तरीके से जैसे यहाँ पे स्लिप की कमांड चलाई और लास्ट में एम परसेंट लगा दिया तो यहाँ पे क्या होगा ये जो कमांड होगी ये बैकग्राउंड में चली जाएगी और यहाँ पे आपको एक नया प्रॉम्प्ट uh, मिल जाएगा अपनी कमांड को नई कमांड लिखने के लिए यानी कि कमांड तो चलेगी लेकिन कहाँ चलेगी बैकग्राउंड में चली जाएगी तो एम परसेंट का इस्तेमाल हम इस तरीके से करते हैं दूसरा है डबल एम परसेंट डबल एम परसेंट का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें चेक करना हो जो कमांड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सही भी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं तो हम डबल एम परसेंट का इस्तेमाल करते हैं अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ अब जैसे आपने यहाँ पे इको लिखा था ना आपने यहाँ पे इको लिखा था आपको यहाँ पे दिख गया लेकिन अगर आपने कोई बहुत लंबा प्रोग्राम लिखा और वहां पे आप चाह रहे हैं कि मेरे से कोई गलती ना हो तो आप क्या करें डबल एम परसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अब मान लीजिए यहां पे आपने क्या करें हाँ पे आपने डबल एम परसेंट लगाया यहां पे हम डबल एम परसेंट लगाते हैं साइन और यहां पे आपने ईको की स्पेलिंग गलत कर दी एंटर मारा तो यहां पर कर, क्या लिखा बैश कमांड नॉट found तो क्या होगा लेकिन देखिए यहां तो गलत थी लेकिन यहां तो स्पेलिंग सही थी तो डबल एम परसेंट का इस्तेमाल जो हम करते हैं तो जो पहली वाली कमांड होती है अगर वो अनसक्सेसफुल होती है तो पूरी की पूरी जो कमांड होती है आपको उसको डिनाई कर देता है तो ये होता है डबल इन एम परसेंट का रोल अब आगे बढ़ते हैं पाउंड साइन पाउंड साइन का इस्तेमाल हम करते हैं कमेंट करने में कमेंट मतलब जब हम शेल स्क्रिप्टिंग करते हैं हम अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस उसमें हम ऊपर कमेंट लिख लिख देते हैं ना हम प्रोग्रामर्स जैसे हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं ऊपर कमेंट लिख देते हैं कि भाई ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है लेकिन उस कमेंट का जो प्रभाव होता है उस कमेंट का जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी बाकी जो प्रोग्राम होता है उस पर नहीं पड़ता यानी कि जो शेल होता है उसको इग्नोर कर देता है उस कमेंट को इन न बात करूं तो अगर पाउंड साइन का इस्तेमाल हम करते हैं तो कोई कमांड अगर आप लिख रहे हैं कोई स्क्रिप्ट अगर आप बना रहे हैं तो पाउंड साइन आपने हैश लगाया और उसके आगे कोई आपने लिख दिया कि ये कमांड किस चीज के लिए है और आपने क्या करा उसको सेव कर दिया जब आप उस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो जो शेल होगा यानी कि जो शेल मैंने समझाया आपको क्या होता है तो जो शेल होगा वो जो हैश लिखा होगा ना उसको इग्नोर करेगा और बाकी कमांड को रीड कर लेगा तो पाउंड साइन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कमेंट लिखने के लिए अब पाउंड साइन का इस्तेमाल हम शेल स्क्रिप्ट में कैसे करते हैं यह हम थोड़ी देर में जानेंगे ठीक है तो अभी हम जान रहे हैं हिस्ट्री हिस्ट्री कमांड का देखना हो कि हम कितनी तो द्वारा देख सकते हैं कैसे देखते हैं सिंपली आपको अपने मशीन आपने लिखना है हिस्ट्री एंटर मारना है तो जितनी भी कमांड आपने क्या करेगा वो शो कर देगा तो ये होता है हिस्ट्री कमांड तो होप्स आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं आयो रिडायरेक्शन इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन दिस फीचर ऑफ द कमांड लाइन एनेबल्स टू रिडायरेक्ट द इनपुट और आउटपुट ऑफ कमांड्स फ्रॉम एंड आउट टू फाइल्स एक कमांड का इनपुट किसी दूसरी कमांड का आउटपुट बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं रीडायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं अब जैसे यहाँ पे अपेंड का साइन आ रहा है यूज अपेंड यूज अपेंड टू अपेंड आउटपुट टू अ फाइल अब जैसे कि एग्जांपल में दिख रहा है आपको हमने इको करा इट इज कोल्ड टूडे अब इको क्या करता है इट इज कोल्ड टूडे को यहाँ पे हमें स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखा देगा लेकिन हम चाह रहे हैं जो इको हमने इस कमांड को करा है ये विंटर डॉट टी एक्स टी फाइल में क्या हो जाए एग्जीक्यूट हो जाए इसलिए हम हाँ, अपेंड का इस्तेमाल करते हैं अब इसको हम जब मैं प्रैक्टिकल में समझाऊंगा आपको तो आपको और अच्छे समझ में आएगा चलिए देखते हैं अब जैसे कि हमने क्या करा था ना हमने यहाँ पे एक इको कमांड का इस्तेमाल करा था ठीक है हमने यहाँ पे जैसे हमने एंटर मारा तो यहाँ पे एक स्क्रीन पे दिख रहा था लेकिन हम चाह रहे हैं जो ये स्क्रीन पे ये दिख रहा है ना ये हमें स्क्रीन पे ना दिखी इसका जो आउटपुट हो वो कहाँ हो एक फाइल में जाके स्टोर हो जाए जो कि डेस्कटॉप पे हो अब हम क्या करते हैं इको हमने इसे नॉर्मली फाइल लिखी थी क्या क्या करा हमने इसमें एम परसेंट का साइन लगाया सॉरी इसमें हमने क्या करा ग्रेटर uh, देन का साइन लगाया कहाँ पे जाके सेव हो जाए ये सेव हो जाए डेस्कटॉप पे एक, एक इको नाम की फाइल में हमने एक पास दे दिया उसका रूट डेस्कटॉप और इको नाम की फाइल होगी इसके अंदर एंटर अब अगर हमें देखना हो कि हुआ नहीं हुआ चलते हैं डेस्कटॉप पे सी डी चेंज डायरेक्टरी रूट के अंदर होता है डेस्कटॉप एल एस करा अब यहां पे देखिए ये देखिए आ गया इको नाम की फाइल हमें रीड करनी हो किसका कैट का इस्तेमाल करें कैट इको देखिए कितना इजी है किसी भी चीज का इनपुट जब हम उस किसी दूसरी चीज में आउटपुट करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं हम इसका इस्तेमाल करते हैं होपसू समझ में आ गया होगा अब दोस्तों डबल ग्रेटर देन का साइन का भी इस्तेमाल होता है इसमें डबल ग्रेटर देन का साइन का इस्तेमाल कब होता है अब देखिए अगर अभी क्या होगा इको मैंने करा ना अब जैसे अभी मैंने ये इको दिस इज मास्टर्स इन आईटी साइबर सिक्योरिटी इसमें चला गया अब अगर मैं दोबारा से कोई इको करता हूँ और सेम फाइल में आउटपुट ले जाता हूँ तो ये वाला जो फाइल है क्या उसको ओवर राइट कर देगा अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको करके अब यहाँ पर जैसे मैंने करा अब साइबर सिक्योरिटी की जगह मैंने क्या करा ओके okay, तो मैं यहाँ से वापस चलता हूँ अब मैंने यहाँ पे पूरा डिलीट कर देता हूँ उसको इको दिस इज आई लिखता हूँ दिस इज आई और कहाँ पे जाना है ये सेव करना है मुझे रूट पे और डेस्कटॉप पे और इको नाम की फाइल के अंदर एंटर करा तो चल चलिए कैट करा अब हमें क्या करना है अगर हमें देखना हो सिंपल कैट करते हैं कैट ई सॉरी कैट आ, इसका नाम क्या है इको

ठीक है अगर हमें अपने फाइल को ओवर राइट होने से बचाना है तो हम डबल ग्रेटर का साइन इस्तेमाल करने के बाद कोई भी फाइल को राइट कर सकते हैं उसका आउटपुट रिडायरेक्ट कर सकते हैं इसको बोलते हैं आईओवर रिडायरेक्शन तो होप सो आपको समझ में आया होगा अब बात करते हैं फ़िल्टर्स एंड पाइप्स की कि फिल्टर एंड पाइप्स क्या होता है देखिए फिल्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली व्हेन अ प्रोग्राम टेक्स इट इनपुट फ्रॉम अनादर प्रोग्राम इट परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन दैट इनपुट व्हेन एंड राइट्स द रिजल्ट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट इट रेफर्स टू एज फिल्टर तो जो भी प्रोग्राम एक इनपुट लेता है किसी दूसरे प्रोग्राम से तो वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है ठीक है और उस इनपुट को जब हम किसी दूसरे आउटपुट में एक आउटपुट जैसे हमने अभी करा था ना हमने क्या करा हमने कोई प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल आपने एक कमांड चलाई थी अभी इको ठीक है इको कमांड का इनपुट क्या होता है उस पर प्रिंट कराना पर हम क्या चाह रहे हैं कि जो इको कमांड हो वो कहाँ पे प्रिंट कराया वो उस टेक्स्ट फाइल में चली जाए हमने क्या करा उसको रीडायरेक्ट कर दिया तो फ़िल्टर भी कुछ उस तरीके से ही है फिल्टर का इस्तेमाल क्या करते हैं फिल्टर का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी एक कमांड का इनपुट जब हम किसी दूसरी कमांड का आउटपुट बनाते हैं उसको कहलाते हैं फिल्टर और पाइप्स का इस्तेमाल कब करते हैं जब हम दो कमांड को मिक्स करते हैं दो कमांड को जब हम एक साथ दो कमांड को लिंक करते हैं उसको पाइप कमांड बोलते हैं ठीक है अब ज़... अभी आपको नहीं समझ में आया तो अब आपको क्लियर समझ में आएगा अब जैसे कि यहां पे एग्जाम्पल में दिखा रहा है चलिए अब मैं यहां पे क्या करता हूं जैसे ग्रैप कमांड है ग्रैप को पहले हम जानते हैं द grep कमांड searches अ फाइल और फाइल्स for lines that have अ certain पैटर्न अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल grep करनी हो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में आपको किसी पर्टिकुलर नाम के बंदे को सर्च करना हो आप क्या करें? grep कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई फाइल अगर मैं रेडी करूँ अब यहाँ पर मैं टच फाइल बनाता हूँ टच फाइल new one डॉट टी एक्स टी ये बनाया अब इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ अगर ओके तो मैं कैट से एक फाइल बना लेता हूँ टच टच न्यू वन डॉट टी एक्स टी नाम की कुछ फाइल बना ली ओके तो यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ मैंने फाइल बनाया यहाँ पे दिस इज टेस्ट फाइल फाइल टू फाइल थ्री फाइल फोर ओके तो यहां पे यह फाइल आ गई अब मैं क्या करना चाहता हूं बेसिकली मैं कैट कमांड का इस्तेमाल करने के बाद इस फाइल को पढ़ना चाहता हूं मैंने क्या करा कैट और इस फाइल का नाम दे दिया जो कि फाइल का नाम था ये पर मैं चाहता हूं इस फाइल में मुझे सिर्फ वो दिखे जिसमें दिस आ रहा हो यानी कि यहाँ पे दिस क्या एक ही बार आ रहा है मैं चाहता हूं इसमें सिर्फ मुझे वही दिखे वही वर्ड दिखे जितनी बार दिस आ रहा हूं मैं क्या करूंगा यहाँ पे ग्रैप कमांड का इस्तेमाल करता हूँ तो दो कमांड को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाइप का ये पाइप सिंबल मिलेगा कीबोर्ड पे आपको तो आपने पाइप लगाया और क्या लगाया ग्रैप क्या ग्रैप करना है मुझे दिस ये करा एंटर मारा तो यहाँ पे देखो आ गया दिस इज ए टेस्ट फाइल तो एक जो पहली यहाँ पे लाइन दिखी थी हमको वो क्या आ गया वहाँ पे उसने इसको ग्रैप कर लिया आप समझ में आए आपको तो फाइव लगाते हैं हम दो कमांड को जोड़ने के लिए और ग्रैप पर्टिकुलर कुछ चीज अगर हमें ग्रैप करनी हो तो उसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिक लाइनिक्स टूल अब कुछ टूल्स हैं ऐसे हमारा फाइंड है स्लिप है टाइम है डेट है कैल है इसका, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं फाइंड का इस्तेमाल करते हैं कोई भी फाइल अगर आपको ढूंढनी हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी अगर आपका कमांड है उसको आपको सस्पेंड करना हो तो हम इसका स्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम देखना हो डेट देखना हो कैलेंडर देखना हो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा अगर हमें डेट देखना हो सिंपल हमने लिखना है डेट लिखा आपने तो यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगी आपको यहाँ पे दिखना हो कैलेंडर तो कैलेंडर दिखेगा आपको जिस भी साल का कैलेंडर हमें देखना हो 2025 का तो आपको 2025 हज़ार कैलेंडर देखने का मिल जाएगा हमें कुछ ईटीसी में फाइंड करना हो फाइंड लिखना है आपने और उसका पाथ देना है जहां भी आप जो भी आप फाइल फाइंड करना चाहते हैं हमें ईटीसी में फाइंड करना चाहते देखिए इटीसी में जो भी होगी फाइलें वो सब इसने फाइंड करके हमें यहाँ पे दे दी तो इस तरह से फाइंड कमांड का इस्तेमाल कुछ टूल्स बेसिक टूल जिनका इस्तेमाल करने के बाद हम अपना काम ईजी कर सकते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू वी आई वी क्या है वी बेसिकली आपका क्या है हमारा टेक्स्ट लाइन एडिटर है अगर हमें कोई भी फाइल एडिट करनी हो फाइल को बनाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं तो हम वी आई का इस्तेमाल करते हैं कैसे करते हैं चलिए जानते हैं सिंपली अगर हमें कोई एल करते है, हम हैं हमें यहाँ पे हम एल करते हैं तो हमने क्या करा यहाँ पे जो फाइल थी मास्टर नाम की तो हम कैट का इस्तेमाल करते हैं इसको पढ़ने के लिए हम वी आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको एडिट और पढ़ने के लिए हमने लिखा वी आई हमने लिखा मास्टर एंटर करा तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आ गए हम जैसे बेसिकली क्या वी आई का अपना एक विंडो ओपन हो गया अब यहां पे आपको जो कुछ भी लिखना है तो आप यहां पे लिख सकते हैं कैसे लिखना है तो आपने आई प्रेस करना है आई प्रेस करके अब एंटर मोड पे आ जाएंगे अब जो कुछ भी आपने यहां पे लिखना है आप यहां पे वो लिख सकते हैं ठीक है इस तरह से आप कुछ भी लिखना हो तो यहां पे आप लिख सकते हैं यानी कि अगर आपको कमांड लाइन पर एडिटिंग करनी हो कुछ भी टेक्स्ट में एडिटिंग करनी हो ठीक है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए कैट का इस्तेमाल हम सिर्फ पढ़ने के लिए कर सकते हैं या फिर जब हम पहले टाइम पे कोई फाइल बनाएं तब हम कर सकते हैं लेकिन वी आई का इस्तेमाल हम बाद में भी किसी फाइल को एडिट करना हो तो हम वी आई का इस्तेमाल कर सकते हैं होप सो आपको समझ में आया होगा डिफरेंस तो इसमें इसको अगर आपको सेव करना हो आपने सिंपली क्या करना है एस्केप प्रेस करना है और कॉलन लगाना है डब्ल्यू क्यू यहाँ पे देख रहे हो कॉलन WQ क्यू और एंटर मानना है तो ये फाइल क्या हो गई मेरी सेव हो गई पढ़ने के लिए कैट का इस्तेमाल करते हैं हमने क्या करा मास्टर फाइल बनाई है तो यहाँ पे देखोगे आप इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल गई है तो वी आई का इस्तेमाल इस तरह से हम करते हैं टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए टेक्स्ट को बनाने के लिए इसका एडवांस वर्जन विम है विम हम कर सकते हैं जैसे विम हमारी फाइल और जैसे हमारी फाइल थी हमने यहाँ पर कुछ करा बेसिकली आई करते हैं प्रेस एंटर सेम क्यू भरा गया यहां से किस तरह से विम है नैनो है वी है तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं टेक्स क्रेडिट और क्रिएट करने के लिए खूब सान में आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट पे आते हैं देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब होता है प्रोसेस क्या होता है पहले तो ये देखिए प्रोसेस होता है मतलब जब कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं हम वो उसका एक अपना प्रोसेस चलता है अब आप एस एस एच रन कर रहे हैं आप एफ टीपी रन कर रहे हैं आपने एस टी टीपी रन करा अपने आपने क्या करा वेब सर्वर बनाया तो उसके अलग अलग प्रोसेस बन रहे हैं ना तो इसको बोलते हैं प्रोसेसेस। ठीक है उसको मैनेज करना यानी कि कोई प्रोसेस अगर बन रहा है तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं उसको किल कैसे करते हैं उसको सस्पेंड कैसे करते हैं उसको स्टॉप कैसे करते हैं ये सब इसमें हम जानेंगे सो वेन एवर यू इशू अ कमांड इन यूनिक्स इट क्रिएट्स अ स्टार्ट और न्यू प्रोसेस क्या बोल रहे हैं जब भी आप कमांड लाइन पे कोई जब भी आप लाइन्स पे काम करते हैं और आपने कोई भी कमांड लिखते हैं तो वो क्या है? करता है एक प्रोसेस को स्टार्ट करता है व्हेन यू ट्राइड आउट दिस कमांड टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट यू स्टार्टेड अ प्रोसेस आपने एल करा कोई डायरेक्टरी देखने के लिए तब आपको आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ अब प्रोसेस इन सिंपल टर्म्स इज इंस्टेड ऑफ रनिंग प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है उसको हम प्रोसेस कह सकते हैं स्टार्टिंग अ प्रोसेस। व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोसेस रन अ कमांड, देर आर टू वेज यू कैन रन इट कोई भी प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो दो तरीके से रन हो सकता है पहला होता है फोरग्राउंड प्रोसेस और दूसरा होता है बैकग्राउंड प्रोसेस फोरग्राउंड प्रोसेस जो हम जो हमारे सामने रन हो रहा होता है और बैकग्राउंड प्रोसेस जैसे हमने देखा हमने स्लिप कमांड जो हमने देखी थी इसमें हमने क्या करता स्लिप देखा था स्लिप जो कमांड हमने चलाई वो बैकग्राउंड में रन हो रहा था लेकिन जो फॉरग्राउंड हुआ वो जो हमारे सामने सामने रन हो रहा है हमने एल एस करा वो हमारे सामने रन हो गया ठीक है बट बैकग्राउंड में प्रोसेस वो रन हुआ जैसे कि हमने स्लिप कमांड चलाया वो रन तो हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड में रन हो रहा है वो हमें

और उस प्रोसेस की आई डी यानी कि थ्री फोर टू टू फॉर एग्जाम्पल इसे पी एस ट्रा में प्रोसेस चल रहा था आपने लिखना है किल और उसकी प्रोसेस आई डी थ्री फोर टू टू एंटर मारा तो नो सच प्रोसेस दिखा रहा है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा कुछ प्रोसेस खास चल नहीं रहा था लेकिन अभी मेरे सिस्टम पे कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है इसलिए नहीं दिखा रहा है तो सिंपली आपने क्या करना है किल और उस प्रोसेस का नाम लेकिन कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आप करेंगे या फिर आप मैनुअली उसको किल करेंगे तो वो किल नहीं होते फोर्सफुली उनको किल करने के लिए हाइफन नाइन करेंगे और उस प्रोसेस आईडी का नाम लिखेंगे थ्री फोर टू टू ठीक है किल हाइफन फन नाइन मतलब फोर्सफुली जब उसको किल कर उसको स्टॉप करते हैं और थ्री फोर टू टू कहाँ सा है इसकी प्रोसेस आईडी और एंटर करा ठीक है तो इस तरह से कोई प्रोसेस आप किल कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये हमने जाना कि रनिंग प्रोसेस को किस तरह से हम बेसिकली किल कर सकते हैं मैंने बताया आपको हाइफन फन नाइन लगा के उस प्रोसेस का प्रोसेस आई लगा के आप उसको किल कर सकते हैं अब बात आती है शेल स्क्रिप्टिंग की या फिर स्क्रिप्टिंग इंट्रोडक्शन की

मल्टीपल कोड्स जब हम लिखते हैं हमने क्या करा एक टेक्स्ट फाइल में बहुत मल्टीपल कोड्स लिख दिया और उसकी एक फाइल बन गई और उस फाइल को हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो वो क्या कहलाती है हमारे स्क्रिप्ट कहलाती है स्क्रिप्ट में मल्टीपल कोड्स रहते हैं आपके तो मल्टीपल कोड्स जहाँ पे रहते हैं मल्टीपल कोड्स मिला के जब हम एक फाइल बनाते हैं तो उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं तो इस समझ में आपको स्क्रिप्ट क्या होता है बेसिकली अब हम जानते हैं हम किस तरह से एक बेसिक स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं ठीक है तो चलिए चलते हैं अब हमें क्या करना है बेसिकली बेसिक स्क्रिप्ट रेडी करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना है विम और जो भी आपने स्क्रिप्ट लिखना है हम जैसे मैंने आपको बताया विम का इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी फाइल को एडिट करने के लिए क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पे हम एक बेसिक स्क्रिप्ट एडिट करते हैं हमने लिखा है स्क्रिप्ट पर आपको दोस्तों ये याद रखना पड़ेगा स्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एस एच होता है यहाँ पे ठीक है शेल स्क्रिप्टिंग में डॉट एस एच का इस्तेमाल करते हैं हम एंटर करेंगे तो यहां पे ही हमारा एडिटर ओपन हो गया है सबसे पहला काम हमें करना होता है वो लगाना होता है सॉरी आई प्रेस करता हूं मैं यहाँ पे तो आई प्रेस करके मैं इंसर्ट मोड पे चला गया यहां पे मैं पाउंड साइन लगाऊंगा पाउंड मतलब जो आप हैश बोलते हैं ना जनरली वो लगाते हैं उसके बाद मैं लगाऊंगा नॉट ये मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं हेडर बना रहा हूँ हेडर होते हैं सर आपके कोई प्रोग्राम लिखते हैं आप तो आपने एक हेडर बनाते हैं तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक हेडर बना रहा हूँ ठीक है मैंने यहाँ पे क्या करा पाउंड और मैंने नॉट लगाया और उसके बाद मैं क्या करूँगा जो हमारा शेल है उसका पाथ दूंगा तो फॉरवर्ड बिन और इसका बाई डिफ़ॉल्ट पाथ क्या होता है बिन बैश ये मैंने क्या करा उसका पाथ दिया एंटर मारा अब जैसे कि मैंने अभी पढ़ा था या हमने पढ़ा था कि क्या होता है बेसिकली आ, हमने जाना था कि कमेंट होता है कमेंट है ना कमेंट हम लिखते हैं तो हमने हैश लगाया और मैं हम पे कमेंट लिख दिया कि दिस इज ए टेस्ट स्क्रिप्ट ये लिख दिया एंटर करा अब यहाँ पे मैंने क्या करा अब यहाँ पे मैं अपना कमेंट लिखना स्टार्ट करूंगा इस जो आपने हेडर देखा ना हेडर इसको शी बैंग भी बोलते हैं ठीक है इसको शी बैंग हैडर भी बोलते हैं तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो ये हेडर का बेसिकली इस्तेमाल क्यों करा जाता है ताकि अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां पे बैश नहीं है बिन बैश नहीं है तो शेल क्या करता है इसको देख के उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है तो यहां पे हम बेसिक स्क्रिप्ट रेडी करते हैं हम एक स्क्रिप्ट रेडी करते हैं कि वो स्क्रिप्ट जब भी कोई चलाए तो उसको डेट और कैलेंडर दिखे यहां पर मैं करता हूं डेट सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर कोई इको स्क्रिप्ट चलाता हूं इको लिखना है आपको सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई इको और यहां मैंने लिखा दिस इज माई टेस्ट शेल स्क्रिप्ट ये मैंने लिख दिया इको बंद कर दिया यानी कि जब भी कमांड एग्जीक्यूट होगी सबसे पहले क्या दिखेगा उसको दिस इज माई टेस्ट सेल स्क्रिप्ट उसके बाद यहां पे उसको मैं चाहता हूं डेट दिखे उसके बाद कैलेंडर दिखे उसको 2020 का ये कर रहा आपने आपने सिंपल ये मैंने स्क्रिप्ट रेडी कर दी है एस्केप दबाया कॉलन डब्ल्यू क्यू एंटर अब अगर मैं चेक करूं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा स्क्रिप्ट डॉट एस एच नाम से ये स्क्रिप्ट डॉट एस एच नाम से क्या हो गया मेरा स्क्रिप्ट रेडी हो गई है इसको एग्जीक्यूट अगर करानी हो आपको अब अगर ये स्क्रिप्ट आप किसी भी सिस्टम पे अगर आप आ, पेस्ट करेंगे तो एग्जीक्यूट करानी हो या फिर अपने सिस्टम पर एग्जीक्यूट करानी हो आपने लिखना है एस एच और उस स्क्रिप्ट का नाम एस एच स्क्रिप्ट एस एच जैसे आप उसको एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आपकी स्क्रिप्ट या इस तरह से चलेगी तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे हमने देखा हमने एस करा तो सबसे पहले हमारा इको जो हमने इको कमांड डाला था दिस इज माई टेस्ट सेल स्क्रिप्ट और यहाँ पे दिखा रहा है वो कैलेंडर डेट दिखाया उसने देखो डेट टाइम दिखाया और कैलेंडर तो इस तरह से आप कोई भी स्क्रिप्ट बना के अपने किसी भी सिस्टम पे तो उसको एग्जीक्यूट कर सकती है बहुत बेसिक चीज बताई लेकिन वायरसेस भी जो हैकर होते हैं वो वायरसेस भी इस तरह से बनाते हैं वो शेल में स्क्रिप्टिंग करते हैं और वो जैसे ही आप स्क्रिप्ट उसको ओपन करते हैं आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली वायरस आ जाता है तो ये मैंने बहुत बेसिक बताया वो किस तरह से स्क्रिप्टिंग करी जाती है तो होप्स आपको समझ में आया होगा चलिए दोस्तों देखते हैं हम यूज़र मैनेजमेंट कैसे करते हैं लाइनिंग्स में और ग्रुप मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसमें हम जानेंगे यूजर्स के बारे में ग्रुप्स के बारे में कैसे उनको मैनेज करते हैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यूजर और ग्रुप मैनेजमेंट का तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं कितने टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के अब जनरली आपको अकाउंट तो पता ही है कोई भी यूज़र अगर होगा यूजर मतलब वो पर्सन जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है उसको हम यूज़र बोलते हैं अब तीन टाइप के उसके अकाउंट बनते हैं पहला होता है रूट अकाउंट रूट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके पास पूरी प्रिविलेज होती है पूरी पावर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज करने की जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं विंडोज कंप्यूटर में आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है और एक उस, और एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है तो जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है उसके पास फुल पावर होती है चेंज करने की कुछ भी चेंज कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वहीं अगर हम बात करते हैं लाइनिक्स में तो लाइनिक्स में होता है रूट अकाउंट रूट अकाउंट एक सुपर यूजर होता है जिसके पास कंप्लीट पावर होती है वो कोई भी कोई भी फाइल कोई भी डायरेक्टरी उसको बना सकता है उसको डिलीट कर, कर सकता है किसी भी यूजर को डिलीट कर सकता है किसी ग्रुप को डिलीट कर सकता है किसी फाइल में चेंजेस कर सकते हैं ओवरऑल के किंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में रूट अकाउंट जो होता है सेकंड हम बात करते हैं सर्विस अकाउंट की सर्विस अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो जनरली तब इंस्टॉल होते हैं जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं जब भी हम लाइनिक्स में कोई पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं पैकेजेज इन द सेंस आप कोई डेबियन पैकेज हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके साथ एक सर्विस अकाउंट भी इंस्टॉल हो जाता है बाई डिफॉल्ट तो ये क्यों इंस्टॉल होता है उस जो भी आपने प्रोसेस जो भी आपने इंस्टॉलेशन पैकेज आपने इंस्टॉल करा है उस वो जो प्रोसेस करेगा तो उसको प्रोसेस को कुछ सर्विस देने के लिए सर्विस अकाउंट का इस्तेमाल करा जाता है सर्विस अकाउंट का इस्तेमाल हम नहीं करते जो पैकेज इंस्टॉल होते हैं वही इसका अकाउंट में वही इसका अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं सर्विस अकाउंट का इस्तेमाल हम डेली रूटीन वर्क नहीं कर सकते या जनरली सिर्फ वही करते हैं जो हम ऐड ऑन पैकेज इंस्टॉल करते हैं सिर्फ उसके लिए इसका काम करा जाता है दूसरा आता है यूज़र अकाउंट यूज़र अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो नॉर्मल यूजर्स वाले अकाउंट होते हैं। जैसे कि हमारे स्टैंडर्ड यूजर हैं जिनके पास कंप्लीट प्रिवेलेजेस नहीं होता बट उनके पास कुछ राइट्स होते हैं जैसे कि वो नॉर्मली फाइल बना सकते हैं कोई फाइल डिलीट कर सकते हैं अगर उन्हें परमिशन है तो जैसे विंडोज में स्टैंडर्ड यूजर होता है इस तरह से यहाँ पे यूजर अकाउंट होते हैं जिनके पास कंप्लीट परमिशन तो नहीं होती लेकिन कुछ परमिशन होती हैं अपना काम करने के लिए तो ये तीन अकाउंट होते हैं रूट अकाउंट जिसके पास पूरी परमिशन होती है सर्विस अकाउंट जो इंस्टॉलेशन पैकेजेस के दौरान इंस्टॉल होते हैं और उन पैकेजेस को सर्विसेज देने का काम करते हैं ताकि वो इजीली जो प्रोसेस है वो इजीली उनका प्रोसेस चल पाए और उनके फंक्शन इजीली एग्जीक्यूट हो पाए इसलिए हम सर्विस अकाउंट का हमारे होते हैं, के लिए एक और कॉन्सेप्ट में इन देंस यहां पे ग्रुप्स का एक सीनेरिया होता है का मेरे कहने का मतलब है जैसे कि यहां है मल्टीपल ग्रुप्स बना दिए जाते हैं मल्टीपल ग्रुप्स का फायदा क्या होता है अब फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में दस यूजर है और दस यूजर को आप चाहते हैं जो पहले पांच यूजर हो उनको एग्जीक्यूटिवल परमिशन हो यानी कि वो कोई भी फाइल को एग्जीक्यूट कर पाए उनके पास राइटेबल परमिशन हो वो किसी भी फाइल को राइट कर पाए रीड कर पाए एग्जीक्यूट कर पाए और जो बाकी के पाँच हैं यानी कि छः से लेकर दस तक के जो यूज़र हैं उनको आप चाहते हैं उनके पास से रीड की परमिशन हो वो कोई भी फाइल हो सिर्फ पढ़ पाए उनको ना ही डिलीट कर पाए और ना ही कोई फाइल एग्जीक्यूट कर पाए तो हम क्या करेंगे दो ग्रुप बनाएंगे पहले ग्रुप में हम उन लोगों को रखेंगे जो जिनके पास सारी परमिशन हैं और दूसरे ग्रुप में हम उनको रखेंगे जिनके पास कोई परमिशन नहीं है तो यहाँ पे क्या हुआ हमें पर्टिकुलर हर एक यूजर में परमिशन लगाने के बजाय हमने सिर्फ एक ग्रुप पे परमिशन लगा दी और उस ग्रुप के अंदर जितने मेंबर हैं सब के ऊपर वो परमिशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई तो ये फ़ायदा होता है ग्रुप अकाउंट का तो होप सो यू अंडरस्टैंड अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बेसिकली चार तरीके के यहाँ पे क्या होते हैं डायरेक्टरीज़ होती हैं यूजर्स एंड ग्रुप्स की तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले डायरेक्टरी होती है ई में स्लैश ई टी हमने पढ़ी थी जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है हमारी तो स्लैश ई में पास डब्ल्यू अब जो स्लैश ए टी जो डायरेक्टरी होती है इसके अंदर हमारी सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है जितने भी यूज़र हम बनाते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में उन सब की इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सा यूज़र है वो यूज़र का बेसिकली कब हमने बनाया है किसने उसको बनाया है डेट क्या है उन सब की ये इन्फॉर्मेशन रहती है पास डब्ल्यू में दूसरी डायरेक्टरी होती है स्लैश इट इज स्लैट शेडो में इसमें हमारे यूज़र की पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन रहती है यानी कि जो भी हम पासवर्ड असाइन करते हैं वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है तो वो इंक्रिप्शन इंक्रिप्टेड फॉर्म का जो पासवर्ड होता है वो रहता है शेडो फाइल में तीसरा होता है स्लैश ग्रुप अब स्लैश ग्रुप के अंदर हमारे ग्रुप की परमिशन रहती है कि कौन सा ग्रुप है इस ग्रुप के अंदर कौन असाइन है यानी कि इस ग्रुप के अंदर कौन सा यूजर है वो रहता है ग्रुप में फोर्थ इज जी शेडो जी शेडो में ग्रुप के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन रहती है अब जैसे शेडो में यूजर्स के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन रहती है उसी तरीके से जी शेडो में ग्रुप के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन रहती है तो बहुत ईजी है पहला पी एस पास डब्ल्यू डी दूसरा शेडो तीसरा ग्रुप एंड फोर्थ इज जी शेडो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम जानेंगे किस तरह से हम यूज़र को मैनेज करते हैं यानी कि यूज़र कैसे बना सकते हैं कैसे यूज़र को डिलीट कर सकते हैं कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ग्रुप कैसे बनाते हैं ग्रुप कैसे डिलीट करते हैं किसी यूज़र को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में कैसे ऐड करेंगे तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे तो चलिए चलते अपने लाइनिंग मशीन पर अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले जानना है कि जहाँ पे हमारी पास डब्ल्यू डी हमने बात करी हमारे पास डब्ल्यू डी में हमारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन रहती है फिर हमने बात करा शेडो में हमारे पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन रहती है फिर हमने जाना कि ग्रुप की इन्फॉर्मेशन ग्रुप में रहती है जी शेडो में ग्रुप के पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन रहती है लेकिन वो फ़ाइल एक्चुअल में हम कैसे देख सकते हैं पहले वो देख लेते हैं तो फाइल हमें करने के लिए देखने के लिए हम चलाएंगे कैट कैट लिखेंगे और स्लैश ई टी सी में होता है पास डब्ल्यू डी ये होता है अब देखिए यहाँ पे हमारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे ठीक है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई लेकिन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हम पाइप का यूज़ करते हैं अब देखिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है अब बस आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत तो नहीं है हमें क्या करना है हमें सिर्फ हम पाइप का इस्तेमाल करने के बाद हम सिंपली इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं हमें चाहिए हम क्या करेंगे सिर्फ जो हमें लाइन चाहिए हम उसको देख सकते हैं हमने क्या करा सिंपल कमांड थी हमने यहाँ पर लगाया पाइप हम इस स्टार्टिंग के ऊपर की जो लाइन्स हैं उनको देखना चाहते हैं हमने लिखा हेड हाइफन एन कितने नंबर लाइन्स देखना चाहते हैं हम एक लाइन देखना चाहते हैं या दो जितनी और देखना चाहते हैं और एंटर करेंगे तो देखिए स्टार्टिंग की दो लाइन हमें यहाँ पे दिख गई इंस्टीड ऑफ के पूरा पेज आ रहा है तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ हमने सीख ली कि बेसिकली जैसे हम स्टार्टिंग में हमने बात करी थी एंड की या फिर हम पाइप बोलते हैं इसको तो हमने पाइप लगा के क्या करा दो कमांड एक साथ चला दी ठीक है तो चलिए हम देखते हैं अभी तो यहाँ पे हमें देखना है पास डब्ल्यू डी के अंदर ये एक रूट की इंफॉर्मेशन है ठीक है अब यहाँ पे ये यह क्या है रूट है फिर कॉलन है एक्स कॉलन जीरो जीरो कॉलन रूट इसका मतलब क्या है देखिए सबसे पहले जो रूट दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है ये हमारा यूजर नेम है जो यहाँ पे रूट है ये क्या है हमारा ये हमारा है यूज़र नेम जो भी मतलब यूज़र नेम होगा हमारा वो यहाँ पे दिखेगा अब जैसे जो हमारा हमने कोई दूसरा अकाउंट बनाया हमने यहाँ पे राहुल नाम से अकाउंट बनाया तो यहाँ पे क्या दिखेगा राहुल दिखेगा ठीक है इंस्टेड ऑफ रूट दूसरा है यहाँ पे एक्स अब X मतलब क्या होता है X मतलब होता है यहाँ इसका जो पासवर्ड है वो कौन मैनेज कर रहा है वो शेडो मैनेज कर रहा है ठीक है शेडो यानी कि जहाँ पे इंक्रिप्टेड पासवर्ड रहता है तो पासवर्ड क्या है? यहाँ पे इंक्रिप्टेड पासवर्ड है X मतलब इंक्रिप्टेड पासवर्ड है उसके बाद आता है ज़ीरो ज़ीरो मतलब होता है यू आई डी अब कोई भी यूजर अगर होता है तो उनकी एक यूज़र आई डी होती है ये भी आपको लाइन पे ध्यान रखना है कि कोई भी यूजर होगा तो उसकी प्रॉपर एक यूजर आईडी होगी कोई भी ग्रुप होगा तो उसकी प्रॉपर जी आई होगी यानी ग्रुप आईडी होगी ठीक है तो पहली जो फील्ड है ये बताता है कि इसकी यूजर आईडी क्या है जीरो है बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट के जीरो यू आई रहती है वो क्या रहती है जीरो रहती है ये हमेशा आप ध्यान रखना कि बाई डिफॉल्ट रूट की जो यू और जी रहती है यानी कि जो यूजर आई रहती है और जो ग्रुप आई रहती है हमेशा जीरो रहती है तो यहाँ पे यूजर आई क्या है जीरो और ग्रुप आई क्या है जीरो ठीक है अब यहाँ पे दिखा रहा है कमेंट कमेंट मतलब दिखा रहा है कि रूट है यहाँ हम जब हम यूज़र बनाएंगे अभी तो हम जानेंगे कमेंट मतलब क्या होते हैं बेसिकली कमेंट हम इसलिए ऐड करते हैं जनरली अगर कोई सिस्टम एडमिन है उसको पता लग सके जो रूट एड जो रूट अकाउंट है वो किसका है या फिर कहाँ पर असाइन हो रखा है तो अपनी तरफ से हम यहाँ कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं तो यहाँ पे कमेंट में क्या है रूट है तो ऑब्वियसली बात में रूट लिखा होगा यहाँ पे जो एक स्लैश रूट ये क्या है इसकी होम डायरेक्टरी जैसे हमने पढ़ा था ना हमारी होम डायरेक्टरी होती है तो रूट की होम डायरेक्टरी कहाँ पे होती है रूट की रूट में ही होती है और बाकी यूजर्स की कहाँ पे होती है होम डायरेक्टरी जो स्टैंडर्ड यूजर होता है उनकी होती है होम में तो ये रूट है तो इसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पे है रूट में ही है स्लैश बिन स्लैश बैश के इसका शेल इसका शेल का पाथ है यहाँ पे स्लैश बिन स्लैश बैश तो ये आपको समझ में आया कि पास डब्ल्यू डी में कितने ये देखिए यहाँ पे भी ये दिख रहा है राहुल नाम से ठीक है तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको राहुल नाम से अकाउंट इसका मतलब जो यहाँ पे है पास डब्ल्यू डी में एक राहुल नाम का अकाउंट भी है जिसमें क्या है एक्स मतलब इंक्रिप्टेड पासवर्ड है इसकी यू आई डी क्या है थाउजेंड इसकी ग्रुप आई डी क्या है थाउजेंड इसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पे है स्लैश होम में इसकी होम डायरेक्टरी है अब देखिए यहां पे डबल कॉलन है यहाँ भी कॉलन है यहां भी कॉलन है, है लेकिन यहाँ पे नहीं था क्यों क्योंकि यहाँ पे हमने कमेंट ऐड कर रखा था रूट अब यहाँ पे हमने कोई कमेंट ऐड नहीं करा इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको डबल कॉलन दिखा रहा है तो कमेंट कैसे ऐड करते हैं ये भी अभी हम देखेंगे और यहाँ पे दिखा रहा है स्लैश होम स्लैश राहुल तो उसकी होम डायरेक्टरी है बिन और एस एच बिन एस एच क्या है इसकी शेल का पाथ है यानी कि यहां पे इसका शेल रिसाइड करता है लेकिन यहां पे क्या है बिन बैश तो शेल को कैसे चेंज कर सकते हैं हम और अपना जो होम डायरेक्टर उसको कैसे चेंज कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे लेकिन उससे पहले जो फाइल्स मैंने आपको बताई थी उसको हम देख लेते हैं उनका मतलब क्या है उसमें तो अब हम जानते हैं हमने पा डब्ल्यू डी समझ लिया पास डब्ल्यू डी में सारे यूजर्स की होम सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन रहती है अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना ये किंग फिशर सिस्टम डी कलर डी ये अलप, अलग अलग दिख रहा है तो जो हमने बात करी थी सर्विस अकाउंट की तो ये हमारे क्या है हमारे सर्विस अकाउंट है ये डेबियन एस एन एम पी ठीक है ना पोस्ट

पाइप का इस्तेमाल करते हैं हमें स्टार्टिंग की लाइन देखनी है तो हाइफन एन स्टार्टिंग की दो लाइन देखी है हमें तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे रूट मतलब क्या है इसका यूजर अकाउंट का नाम है रूट और देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है जो भी रूट का पासवर्ड होगा वो है इंक्रिप्टेड फॉर्म में वो क्या हो रखा है यहाँ पे इंक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसलेट हो रखा है देखिए इतना बड़ा पासवर्ड जो दिख रहा है ना आपको यहाँ तक ये ये ज़ीरो से पहले यहाँ तक ये क्या है आपका पासवर्ड है ये पूरा आपका क्या है पासवर्ड है जो कि इंक्रिप्टेड हो रखा है अब आपको पता लगाना हो ये कौन सा एल्गोरिदम लगा के इंक्रिप्ट हुआ है कौन सा एल्गोरिथम लगा है यहाँ पे इंक्रिप्शन में तो पता कैसे लगा सकते हैं हम पता इस तरह से लगा सकते हैं जो स्टार्टिंग में आपको देखना है स्टार्टिंग में डॉलर सिक्स डॉलर लिखा है ना यहाँ पे तो स्टार्टिंग का आपको फ्रेज देखना है जो स्टार्टिंग की इसमें डिजिट है यानी कि अगर कहीं भी पासवर्ड में डॉलर सिक्स डॉलर लगेगा इसका मतलब ये शाह फाइव ट्वेल्व इंक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहा है शाह फाइव ट्वेल्व क्या होता है एल्गोरिदम होता है उसमें क्या होता है पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर देते हैं इंक्रिप्ट करने का मतलब होता है कोई ऐसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो नॉर्मल यूजर या फिर कोई नॉर्मल पर्सन उसको पढ़ नहीं सकता कि पासवर्ड क्या है अब क्या आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या पासवर्ड लगाए हम नहीं पढ़ सकते उसमें क्या पासवर्ड है तो यहाँ पे क्या लगा है शाह टू टू फाइव शाह फाइव ट्वेल्व सॉरी ठीक है शाह फाइव ट्वेल्व यहाँ पे क्या है इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करा गया है इसी तरीके से अगर कहीं पे डॉलर वन डॉलर का साइन हो डॉलर हो वन डॉलर तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है वहाँ पे एम डी फाइव का इस्तेमाल होता है मैसेज डाइजेस्ट फाइव अलग अलग हमारे क्या होते हैं क्रिप्टोग्राफी में अलग अलग होते हैं हमारे एल्गोरिदम जैसे शाह है हमारा एम डी फाइव है ब्लू फिश है इस तरह शाह टू फिफ्टी सिक्स है तो वो हम इंक्रिप्शन में पढ़ेंगे हम पर अभी हमें इतना जानिए कि यहाँ पे इंक्रिप्शन का इस्तेमाल हो रहा है जिसका

कॉलन और जीरो का इस जीरो का क्या मतलब होता है जीरो का मतलब होता है मिनिमम एज कितनी है इस पासवर्ड की जैसे हम मिनिमम एज का मतलब होता है कोई भी अगर आप यूज़र अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप उसकी एज सेट कर सकते हैं आपने यूजर अकाउंट बनाया और उसमें आपने उसके पासवर्ड की एज सेट कर दी कि भाई दस दिन बाद आपका ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा तो दस दिन क्या हो गया उसकी मिनिमम एज हो गई तो यहाँ पे इसकी एज क्या जीरो है यानी कि ये एक पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा उससे पहले दोस्तों एक और डिजिट है एटीन 18367 क्या है ये वो डेज है नंबर ऑफ डेज बताता है कि लास्ट टाइम जब पासवर्ड चेंज हुआ था और अभी तक आज की डेट तक कितने दिन हो गए हैं और लास्ट टाइम पासवर्ड चेंज कब हुआ था तो बाय डिफॉल्ट जो लाइनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है ये बेसिकली एक जनवरी 1970 से काउंट करता है एक जनवरी 1970 से यानी कि ये जितने दिन बता रहा है 18,367 डेज़ टोटल हो चुके हैं जो पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं आई फंडी लगा के हम वो कमांड अलग होती है ठीक है उसमें इसको हम चेंज कर सकते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये एक जनवरी से 1970 से अभी तक का जितना भी डेज़ हो गए हैं उनको काउंट करके यहाँ पे दिखाता है कि इतने दिन से पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है आपका फिर ये क्या है हमारा ये हमारा दिखा रहा है कि हमारा जो हमारा मिनिमम एज है पासवर्ड की वो पा, कब एक्सपायर होगा और ये है मैक्सिमम एज यानी कि मैक्सिमम कितने टाइम बाद ये पासवर्ड एक्सपायर होगा तो यहाँ पे वो नंबर दिखा रहे है, इतने डेज दिखा रहे हैं और ये सेवन दिखा रहा है वार्निंग लेवल ये वार्निंग लेवल होता है मतलब जब भी फॉर एग्जांपल आपका जो पासवर्ड एक्सपायर होने की डेट इतनी दिन आ गई इतना आपने दिन काट लिया अपने सिस्टम पे उसके बाद आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है तो सात दिन पहले आपके पासवर्ड के एक्सपायर होने से सात दिन पहले आपको वार्निंग देना स्टार्ट करेगा कि पासवर्ड आप फोर्सफुली चेंज करिए तो ये हमारे वार्निंग डेज है कि कितने दिन पहले बताए और सात दिन पहले बताए ठीक है तो ये है हमारा इन इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है और जो आपको कॉलन कॉल यहाँ पे कॉलन दिख रहा है इसका मतलब क्या है जो एक्सपायर जो अकाउंट है कब एक्सपायर होगा तो यहाँ पे हमने कोई ऐसा पासवर्ड सेट हमने कोई ऐसा डे सेट नहीं करें कब एक्सपायर होगा इसलिए वो तो वहाँ पर खाली है तो ये आपको समझ में आया शेडो का मतलब क्या है तो अब हम देखते हैं जी शेडो अब ई टी सी पास डब्ल्यू डी में यूजर की इन्फॉर्मेशन हमें पता चलेगी किस तरह से देखनी है हमें पता चल गया कि पासवर्ड किस तरह से देखना है और कैसे हम पता लगाएंगे उनकी फील्ड में अब हम पता लगाते हैं ग्रुप तो ग्रुप पे आ गया स्टार्टिंग में इसमें हम पाइप लगा के टेल कर लेते हैं हाइफन एन तो देखिए यहां पे जो है एक ग्रुप बना हुआ है राहुल नाम का ठीक है राहुल नाम का यहां पे ग्रुप है तो जो भी आपके ग्रुप की इंफॉर्मेशन होगी वो सब कहां दिखेंगे आपको सब यहां पे दिखेगी आपको तो कहां पे देखेगी स्लैश ईटीसी ग्रुप में स्लैश ईटीसी ग्रुप में यहां पर आपका ग्रुप नेम दिखेगा एक्स मतलब होता है इसका भी जो पासवर्ड मैनेज कर रहा है इसका भी क्या इंक्रिप्टेड पासवर्ड है कौन मैनेज कर रहा है हमारा जी शेडो ग्रुप की अलग फाइल होती है जी शेडो और यूजर की कौन सी फाइल होती है शेडो तो यहाँ की ग्रुप की फाइल क्या है जी शेडो फाइल है ठीक है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो thousand दिखा रहा है thousand. ये जो थाउजेंड दिखा रहे हैं थाउजेंड ये क्या कैसे ग्रुप आईडी है मैंने बता था ना एक यूजर आई होती है ग्रुप आईडी होती है तो थाउजेंड की ऐसी ग्रुप आईडी है और ये जो कॉलन कॉलन दिखा रहा है यहाँ दिखाता है नंबर ऑफ पीपल इस ग्रुप में कितने नम कितने मेंबर्स हैं इनकी पूरी लिस्ट तो इसमें कोई मेंबर नहीं है इसलिए क्या है यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है ठीक है तो अगर कहाँ पे यहाँ पे कोई अगर कोई वैल्यू नहीं होगी इसका मतलब इस ग्रुप में कोई भी मेंबर नहीं है अब लास्ट हम देख लेते हैं एक बार जी शेडो अब जी शेड हमने करा तो यहाँ पे क्या है राहुल नाम का जो हमारे पास ग्रुप है उसके अंदर कोई भी पासवर्ड नहीं लगा है इसलिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे ये यह ब्लैंक दिखा रहा है ठीक है इसलिए यहाँ पे भी क्या रहा है, यहाँ पे ग्रुप मेंबर दिखाता ही यहाँ पे भी कोई ग्रुप मेंबर नहीं है कोई पा, कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ हमने कुछ भी मैनेज नहीं कर रखा है इसलिए यहाँ पे क्या सब फील्ड क्या हो रही है ब्लैंक दिखा रही है तो आपको समझ में आया कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है कैसे हम उसको पहचान सकते हैं हमारे ग्रुप की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे हमारे पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे तो ये आपने जान लिया ठीक है अब हमें जानना है हम यूज़र बनाते कैसे तो चलिए वो जानते हैं इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले देखिए सबसे पहले अगर हम यूज़र बनाने की बात करें तो यूज़र हमारे पास कई तरीके से हम ऐड कर सकते हैं मेनली अगर हम बात करें स्टार्टिंग में तो लाइनिक्स में अगर हम ऐड यूज़र करें कमांड डालेंगे तो यहाँ पर आपका यूज़र ऐड करने के लिए ऐड यूज़र कमांड का इस्तेमाल हम करते हैं ऐड यूज़र लिखने आपको स्पेस देना है यूज़र का नाम अब लिखेंगे जो भी यूज़र का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं हमने यूज़र का नाम देना है लाइनिक्स दिया एंटर मारा एंटर हिट करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं मैं पासवर्ड रखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री मैंने रख दिया री टाइप पासवर्ड वन टू थ्री कर दिया फुल नेम क्या फुल नेम देना चाहते हैं कोई फुल नेम में देना चाहता है हमें दे सकते हैं हमने दे दिया काली फुल नेम दे दिया है यहाँ पर रूम नंबर आपकी मर्जी देना है दो नहीं देना मत दो एंटर 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 यहाँ पे आपने वाई प्रेस करना है एंटर करना है तो यहाँ पे हमारा यूज़र ऐड हो चुका है बट हमें पता कैसे चलेगा कि यूज़र ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है सिंपली हमें क्या करना है अभी हमने पता करा था कि कहां पे होता है यूजर के यूजर की इंफॉर्मेशन हमारे पास डब्ल्यू डी में होता है पास डब्ल्यू डी कहां पर होता है ए टी सी के अंदर तो कैट ई टी सी पास डब्ल्यू डी एंटर मारेंगे देखिए यहां पे ऐड हो गया है लाइनिक्स यूजर का नाम हमारे लाइनिक्स है एक्स मतलब यानी कि जो उसका पासवर्ड जो मैनेज कर रहा है कौन कर रहा है जी शेडो सॉरी पासवर्ड मैनेज कर रहा है वो कौन कर रहा है शेडो वन जीरो जीरो वन इसकी क्या है यूज़र आईडी इससे पहले वाली यह थी वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन की ऐसी ग्रुप आईडी एक बात और आपको इन्हें ध्यान में रखनी है जब भी कोई नया यूज़र बनता है उसका ऑटोमेटिकली एक यूज़र बन जाता है सॉरी उसका ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाता है तो ग्रुप तभी तभी क्रिएट हो जाता है जब भी कोई नया यूज़र आप बनाएंगे उसका एक ग्रुप भी बन जाता है ग्रुप भी दो टाइप के होते हैं एक होता है प्राइमरी ग्रुप और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप प्राइमरी ग्रुप वो होता है जो यूजर के क्रिएट होने के टाइम पे बन जाता है सेकेंडरी ग्रुप वो जो हम अलग से ग्रुप बनाते हैं ठीक है इसका हमने क्या बना था काली क्या था इसका हमने दूसरा एक यूजर नेम दिया था दूसरा सेकेंडरी नाम दिया था उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पे होम डायरेक्टरी इसकी होम लाइनिक्स में यानी कि होम डायरेक्टरी होम उसमें लाइनिक्स से फोल्डर है वहाँ पे इसकी होम डायरेक्टरी है बिन बैश क्या है इसका शेल है ओके okay? तो ये आपको समझ में आया किस तरह से यूज़र को ऐड करना है इस तरह से हम मल्टीपल यूज़र ऐड कर सकते हैं एक और कमांड होती है यूज़र की यूज़र ऐड यूज़र ऐड भी एक कमांड है जिसके मदद मतलब से आप यूज़र को ऐड कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आप कोई भी अगर आप डेबियन का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं कि डेबियन लाइनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे यूजर ऐड अगर आप कमांड चलाएंगे और यूजर बनाएंगे तो यूज़र तो आपका क्रिएट हो जाएगा लेकिन उसकी प्रोफाइल नहीं बनेगी जैसे ही आपको दिखाता हूं हमने यहां पे यूजर बना दिया कि यहां पे हमने बनाया टेस्ट यूजर ये बनाया आपने तो यहाँ पे यूजर तो बन गया लेकिन को उसकी कोई प्रोफाइल नहीं बनी प्रोफाइल मतलब जैसे हमारे इसकी होम डायरेक्टरी है ना होम लाइनिक्स अब जरा हम इसकी देखते हैं एल हम चलते हैं कैट ई टी सी पास डब्ल्यू डी अब देखिए यहाँ पे क्या हमने टेस्ट यूजर बनाया ठीक है अब यहाँ पर क्या है होम टेस्ट यूज़र यहाँ पे भी एक डायरेक्टरी है लेकिन चेक करते हैं कि सच में वहाँ पे कोई डायरेक्टरी है तो हम सी डी जाते हैं रूट पे होम होम पे चलते हैं यहाँ से चेंज डायरेक्टरी होम एल एस करते हैं इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग लिस्टिंग करते हैं एल एस एल तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइनिक्स की होम डायरेक्टरी है अभी जो हमने यूज़र बनाया था लाइनिक्स उसकी होम डायरेक्टरी है राहुल की होम डायरेक्टरी है लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट यूज़र हमने बनाया अभी उसकी होम डायरेक्टरी नहीं है तो इस कमांड से आपका यूजर तो बन जाएगा लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी नहीं बनेगी तो इसका भी अलहम पैरामीटर्स का इस्तेमाल करने के बाद इसमें भी होम डायरेक्टरी बना सकते हैं कैसे बनाएंगे इसमें होम डायरेक्टरी आपने लिखना है यूजर यूजर ऐड और हम बनाना चाहते हैं कोई नया यूजर हमने लिखा कमल यूजर ऐड हमने हमने यूजर का नाम लिख दिया सॉरी यूजर ऐड हमने लिखना है यूजर ऐड यूजर को ऐड करने के लिए यूजर ऐड कमांड हाइफन सी हाइफन सी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं अगर आपने कोई कमेंट ऐड करना है अब जैसे हमें बताना है जो ये यूजर है ये है टेस्टिंग पर्पस के लिए टेस्टिंग के लिए यूज़र है ठीक है हमने इसमें कमेंट ऐड कर दिया कि टेस्टिंग पर्पस के लिए हाइफन एम हाइफन एम का हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टरी बनाने के लिए हाइफन एम और डी हाइफन एम और डायरेक्टरी बनाने के लिए डी मतलब इसकी डायरेक्टरी कहाँ पे आपको स्टोर करनी है हमें करनी है होम में और इसको हमें करनी है कमल नाम से ओके okay, तो यहाँ पे आ गया अब अगर आप इसका यूज़र बनाएंगे तो इसकी क्या है इसकी डायरेक्टरी बन जाएगी पर यहाँ पे एक ट्विस्ट और है कि यहाँ पे जब भी आपने यहाँ पे देखा होगा टेस्ट यूज़र हमने क्रिएट कर रहे हैं तो इसका जो डिफॉल्ट शेल है कहाँ पे जा रहा है बिन एस में जा रहा है अब हमें क्या करना है हम इसका शेल भी चेंज करना है कि जो उसका शेल हो वो बिन बैश में जाए तो शेल कैसे चेंज करना है हाइफन एस फॉरवर्ड स्लैश बिन बिन एंड बैश तो शेल कहां पे होना चाहिए बिन बैश में अब अगर यहां पे आपको इसमें पासवर्ड भी लगाना हो तो कैसे लगाएंगे हाइफन पी हाइफन पी से पासवर्ड हम लगा सकते हैं जो भी पासवर्ड आपको लगाना हो हमने पासवर्ड लगाना है वन टू थ्री फोर फाइव और क्या करना है आपने एंटर प्रेस करना है ओके तो यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है तभी यहाँ पे एक एरर आया है यूज़र नहीं बनाए ओके हमने यहाँ पे यूज़र का नाम नहीं दिया ये तो हम भूल गए तो यहाँ पे हम यूज़र का नाम भी तो देना है ठीक है यूजर ऐड हाइफन सी मतलब कोई आपने कमेंट ऐड करा हाइफन एम मतलब कोई डायरेक्टरी इसकी डायरेक्टरी आपने बताया लेकिन कहाँ डायरेक्टरी बनेगी होम में बनेगी कमल नाम से एस मतलब इसका शेल कहाँ पे होगा पी मतलब पासवर्ड और कौन सा यूजर है यूजर का नाम और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा यूजर बन चुका है देखने के लिए चलते हैं कैट में कैट स्लैश ई टी सी स्लैश पास डब्ल्यू डी अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कमल नाम का एक यूज़र बन गया है एक्स जो दिखा रहे हैं बेसिकली इसका पासवर्ड 1003 1003 यानी कि इसकी यूज़र आईडी इसकी ग्रुप आईडी टेस्टिंग हमने क्या दिया था इसको कमेंट दिया था होम कमल में इसका क्या यूज़र डायरेक्टरी बन गई है बिन बैश में इसका शेल हो गया है। हमें अगर क्रॉस चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कमल नाम का यूज़र बन गया है ठीक है तो इस तरह से आप कुछ पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके ऐड यूज़र से ही बना सकते हैं और यूज़र एड से बनाना हो तो वहाँ से भी आप बना सकते हैं तो अब हम बात करते हैं अगर आपको कोई यूज़र डिलीट करना हो जैसे हमने कमल बना दिया और हमें इस कमल यूज़र को डिलीट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा सिंपल कमांड है आपने लिखना है यूज़र डेल यूज़र डेल और उस यूज़र का नाम हमने कमल लिखा और यहाँ पर जो अगर हम अब देखें तो यहाँ पर जो कमल था वो दिखाई दे रहा है ट्विस्ट क्या है यूज़र तो डिलीट हो गया होगा लेकिन इसकी डायरेक्टरी दिखाई दे रही है चले देख लेते हैं कैट में चलते हैं स्लैश ई टी सी स्लैश पास डब्ल्यू डी अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ तो कमल कोई नहीं दिखा दिखाई दे रहा है यहाँ तो लाइनिक्स है टेस्ट यूजर है राहुल है कमल तो नहीं है लेकिन यहाँ तो हमें कमल दिखाई दे रहा है ये तो ये क्यों हुआ अगर आप सिर्फ यूज़र डेल से और कमल लिखेंगे तो उसका जो अकाउंट होगा वो तो डिलीट हो जाएगा लेकिन जो उसकी प्रोफाइल होगी उसकी जो होम डायरेक्टरी होगी वो डिलीट नहीं होती तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है यूज़र हाइफन आर एफ का इस्तेमाल रिकर्सिवली और फोर्सफुली यूज़र डेल हाइफन एफ आर एफ और लिखें कमल तब लिखेंगे अगर आप और अभी हम देखते हैं Okay, तो यहां पे तो अभी डायरेक्टरी बच गई तो हम इसको डायरेक्टरी की कमांड से डायरेक्टली हम इसको डिलीट कर सकते हैं आर एम हाईफन आर एफ कमल तो यहां पे अगर हम देखें अब तो यहां पे हट चुका है अब यूजर डेल हाई आर एफ कमल जो हमने कमांड लिखा था इससे क्यों नहीं हटा था क्योंकि ये यूजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ये तो सिर्फ इसके डायरेक्टरी रह रहेगा यूजर तो पहले ही डिलीट हो चुका है तो अब ये अगर हमें ये लाइनिक्स नाम के यूजर को डिलीट करना हो परमानेंटली ठीक है हम क्या कमांड्स लाएंगे यूजर डेल हाइफन आर एफ और इसका नाम लाइनिक्स और एंटर ओके okay, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको यूजर नहीं देखने को मिलेगा ठीक है तो ये आपको समझ में आया तो इस तरह से हम राहुल को भी डिलीट करते हैं चलिए इसको रहने देते हैं अभी आगे प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होएगा तो अभी हम कैट करके देख लेते हैं यूजर सारे डिलीट हो चुके हैं नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हो चुके हैं तो टेस्ट यूजर करके इसको भी डिलीट कर देते हैं टेस्ट यूजर इसको हमने डिलीट कर दिया ओके okay, तो अब आगे बढ़ते हैं तो हमने जान लिया यूजर को कैसे बनाना है यूजर को डिलीट कैसे करना है किस तरह से हम यूजर की फाइल्स देख सकते हैं तो ये हमने अब सीख लिया है ठीक है अब हमें क्या देखना है अगर हमें Uh, कोई ग्रुप बनाना है तो हम ग्रुप कैसे बना सकते हैं ग्रुप बनाने के लिए भी बहुत इजी तरीका है आपने लिखना है ग्रुप और ऐड और जो भी ग्रुप आप लिख में ऐड करना चाहते हैं ठीक है ठीके? जो भी ग्रुप का नाम ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप, आप कर सकते हैं हमने ग्रुप का ऐड करना है ग्रुप न्यू ग्रुप न्यू ये करा हमने और यहाँ पर हमारा नया ग्रुप बन गया कैसे देखेंगे सिंपली जाना है कैट ई और यहाँ पर हमने ग्रुप्स सॉरी ग्रुप लिखना है यहा पे हमने स्लैशीसी ग्रुप लिखना है एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रुप न्यू करके एक नया ग्रुप बन चुका है तो इस तरह से आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं तो यहां तक आपको समझ में आया तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कोई यूज़र को किसी ग्रुप में कैसे ऐड करते हैं तो यूज़र तो आपने बनाना जान लिया कि यूज़र कैसे बनाते हैं ग्रुप कैसे बनाते हैं लेकिन किसी एक यूज़र को किसी एक ग्रुप में ऐड करना है ये हम कैसे जानते हैं तो चलिए हम देखते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज़र मोड कमांड का किसकी यूज़र मोड कमांड का ओके इसका इस्तेमाल करने के बाद हम किसी भी यूज़र को किसी भी ग्रुप में ऐड करा सकते हैं तो अगर हमें जानना हो कि कोई यूज़र कौन से ग्रुप में है तो चलिए हम एक नया यूज़र बनाते हैं यूज़र ऐड हाइफन एम यहाँ पे हम एक यूज़र बना बना देते हैं क्लिक uh, नाम का हमने क्लिक नाम का यूज़र बना दिया ओके okay, एक नया ग्रुप भी बना देते हैं हम ग्रुप एड हमने करा हॉटस्टार हॉटस्टार नाम का एक नया हमने ग्रुप बना दिया ओके okay, तो अब हमें क्या करना है बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी चेक करना हो अगर हमें पहले अगर हमें चेक करना हो कि जो क्लिक नाम का यूज़र बना है इसका कौन सा ग्रुप है तो हमें ग्रुप ग्रुप्स लिखना है और लिखना है क्लिक और एंटर तो जो क्लिक नाम का यूज़र है इसके अभी प्राइमरी यूजर प्राइमरी ग्रुप है यानी कि अभी मैंने आपको बताया था जब भी कोई यूजर का अकाउंट बनता है उसका प्राइमरी ग्रुप ऑलरेडी उसके साथ साथ बन जाता है तो अभी इसका क्या है इसका प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप दोनों क्या है क्लिक है लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो क्लिक नाम का यूज़र है ये ग्रुप जो हॉटस्टार नाम का ग्रुप है ये इसमें ऐड हो जाए ये इस ग्रुप में ऐड हो जाए तो कैसे करते हैं हमने करना है यूजर मोड हाइफन जी और जिस ग्रुप में आपको इसको, इसको आपने ऐड करना है हमें करना है इसको हॉटस्टार ग्रुप में और कौन से यूजर को क्लिक यूजर को एंटर करना है अब अगर हम चेक करके देखें हमने लिखा है ग्रुप्स क्लिक अब कौन से ग्रुप में ऐड हो गया है अब ये ग्रुप में ऐड हो गया हॉटस्टार वाले ग्रुप में तो अब आपने अब आपने जान लिया कि किस तरह से एक यूजर को दूसरे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं लेकिन अब हमें ट्विस्ट यहाँ है एक ही यूज़र को मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड करना हो वो हम कैसे करते हैं जैसे आपकी कोई कंपनी है अब आप अपने आप अपनी कंपनी में एक ऐसी पोस्ट पे हैं जहाँ पे आप दो डिपार्टमेंट संभालते हैं तो आपको दोनों डिपार्टमेंट में अपॉइंट करा जाएगा ना इसी तरीके से आपको कोई यूज़र है उसको मल्टीपल ग्रुप्स में डालना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने ग्रुप्स चल रहे हैं उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं करना है यहाँ पर ग्रुप तो यहाँ पे कुछ ग्रुप है ग्रुप न्यू है स्टार्ट है क्लिक है हॉट स्टार है तो हम चाह रहे हैं ये स्टार्ट में और क्लिक में भी ऐड हो जाए स्टार्ट में और ग्रुप न्यू में भी ऐड हो जाए हमने क्या करना है सी एच मोड हाइफन कैपिटल जी कौन कौन से ग्रुप में ऐड करना है हमें करना है स्टार्ट में भी ऐड हो जाए कॉमा हम चाह रहे हैं ग्रुप न्यू में भी ऐड हो जाए कॉमा और इसमें किस में ऐड हो जाए राहुल नाम के भी ग्रुप में ये ऐड हो जाए किसको ऐड करवा रहे हैं क्लिक को एंटर करेंगे ओके okay. यहाँ पे सी एच मोड नहीं सॉरी यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। यहाँ पे हमें करना है यूजर मोड बाय मिस्टेक यूजर मोड लिखेंगे एंटर करेंगे तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे जाके तो ग्रुप्स और क्लिक अब हम देखेंगे हॉटस्टार में भी ऐड हो गया है राहुल में भी ऐड हो गया है और स्टार्ट में भी ऐड हो गया है और ग्रुप में भी ऐड हो गया है यहाँ पे एक दिक्कत हुई थी मैंने सी एच मोड लिख दिया था सी एच मोड इस्तेमाल में लाया जाता है फाइल परमिशंस को चेंज करने के लिए जो अभी थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं फाइल परमिशंस तो उसमें हम सी एच मोड का इस्तेमाल करेंगे तो सी एच मोड और यूज़र मोड में थोड़ा सा मैं इसमें क्या हो गया थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो आपने क्या करना है यूज़र मोड लिखना है हाइफन कैपिटल जी मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड हो रहे हैं तो हाइफन कैपिटल जी स्टार्ट कौन कौन से ग्रुप मतलब यहाँ पे आपने एक ग्रुप का नाम ये था एक ग्रुप का नाम ये था एक ग्रुप एक ग्रुप का नाम ये था और किस को ऐड करा रहे हैं उसका लास्ट में नाम लिखना है और एंटर प्रेस करना है तो इस तरीके से आप किसी भी यूज़र को मॉडिफाई कर सकते हैं आप किसी भी ग्रुप को मॉडिफाई कर सकते हैं ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया अगर आपने अपने ग्रुप पर पासवर्ड लगाना हो तो वो आप कैसे लगाते हैं आपका ग्रुप है ठीक है आपने अपने ग्रुप पे पासवर्ड लगाना है हमने क्या करना है जी पास डब्ल्यू डी जो भी ग्रुप है हमने करना है स्टार्ट पे पासवर्ड लगाना है एंटर करा न्यू पासवर्ड वन टू थ्री वन टू थ्री तो हमने पासवर्ड यहाँ पे लग गया चेक करना हो पासवर्ड लगा नहीं लगा स्लैश ई टी सी स्लैश कहाँ पर होता है जी शेडो यहाँ पे देखो स्टार्ट डॉलर सिक्स और देखो हमने यहाँ पे किसी पर पासवर्ड नहीं लगाया तो क्या ब्लैंक कर रहे हैं लेकिन हमने स्टार्ट पर पासवर्ड लगाया क्या रहा है यहाँ पर दिखा रहा है किसने लगाया है किस पर लगाया है राहुल नाम लगाया है क्या है क्लिक यूज़र का नाम क्या है क्लिक कौन से ग्रुप है राहुल तो इस तरह से आप इसमें किसी पासवर्ड वगैरह आप लगा सकते हैं ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं यूजर को मैनेज कर सकते हैं तो यह आपने सीख लिया अब हम जानेंगे फाइल परमिशंस के बारे में चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं लाइनिक्स में फाइल परमिशन किस तरह से डिवाइड करी गई है तो फाइल परमिशन जैसे कि आपने सुना कि फाइल परमिशन मतलब होता है कोई भी फाइल है तो उसको एक्सेस करने के लिए कुछ परमिशंस होती हैं यानी कि कौन सा यूजर उसको एक्सेस कर पाएगा कौन से यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा या फिर कौन से यूजर के पास उसको एक्सेस करने की परमिशन है कौन से यूजर के पास उसको रीड करने की परमिशंस है कौन से यूजर के पास उसमें राइट करने की परमिशंस है कोई भी फाइल है उसके आप चाहते हैं

राइट कर सकता है और एक्स मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है जिसके पास ये तीनों परमिशंस होती हैं वो क्या कर सकता है वो किसी भी फाइल को रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है ओके ये आपको समझ में आया तो अब यहाँ पे क्या होता है रीड राइट एग्जीक्यूट में भी इनको एक नंबर से डिनोट हम कर सकते हैं लाइन इसमें क्या होता है नंबर से डिनोट कर सकते हैं परमिशंस को जैसे कि अगर किसी के पास आर परमिशन रीड की तो उसको हम कर सकते हैं फोर से डिनोट कर सकते हैं क्या मतलब फोर से ही डिनोट होता है दूसरा होता है अगर किसी का परमिशन है w यानी कि राइट की तो उसके पास परमिशन होती है टू की जिसके पास परमिशन है एग्जीक्यूट की तो उसके हम डिनोट कर सकते हैं वन से तो फोर टू और वन इक्वल्स टू सेवन तो जिसके पास ये सेवन परमिशन होगी इसका मतलब क्या हुआ वो किसी भी फाइल को रीड राइट right, एग्जीक्यूट कर सकता है तो अभी शायद आपको नहीं समझ में आया होगा कि ये सेवन में क्या बोल रहा हूँ और ये फोर टू वन है क्या अब जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों तब आपको समझ में आएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल तो अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले हम फाइल को लिस्ट करते हैं पहले हम देख लेते हैं परमिशन एक्चुअल में क्या है तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है मल्टीपल फाइल्स हैं मल्टीपल फाइल्स में अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिखेंगे हाइफ़न है डैश बोल रहे हैं डी डी हाइफ़न बोलो डैश बोलो डी है तो हाइफन मतलब हमने पहले ही पढ़ा इसका मतलब होता है रेगुलर फाइल तो जिन भी फाइलों के आगे स्टार्टिंग में आपको डैश दिख रहा है इसका मतलब वो क्या है रेगुलर फाइल्स है यानी कि जो कॉमन फाइल्स होती हैं जिसको हम डेली इस्तेमाल करते हैं वो होती है रेगुलर फाइल्स जिन फाइल्स के आगे आपको डी दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है डायरेक्ट्रीज़ हैं आपको इसको आप इसको बोल सकते हो ये फोल्डर है जिन डायरेक्ट्री के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं तो यहाँ पर क्या है ये डायरेक्ट्रीज़ हैं ठीक है तो ये आपको समझ में आया इसके आगे अगर आप देखेंगे तो कुछ लिखा है आर डब्ल्यू एक्स तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको बोला था आर मतलब रीड डब्ल्यू मतलब राइट और एक्स मतलब एग्जीक्यूट पर आप बोलेंगे इतने सारे आर डब्ल्यू क्यों हैं मैं बताता हूँ आपको जो स्टार्टिंग के तीन हैं रीड राइट एग्जीक्यूट ये होते हैं यूज़र के लिए जो उसके बाद के तीन हैं रीड और देखो दो डैश हैं यानी कि ये होते हैं ग्रुप के लिए और उसके आगे के जो तीन होते हैं ये होते हैं अदर्स के लिए तो टोटल हो गई डिजिट हमारी टेन स्टार्टिंग की पहली डिजिट होती है वो बताती है कि ये फाइल है इसका टाइप क्या है डायरेक्टरी है या फिर ये फाइल रेगुलर फाइल है कौन सी फाइल है उसके आगे की दो तीन चार जो बिट होती हैं या डिजिट बोल सकते हैं वो होती हैं यूज़र के लिए जो बताती हैं यूज़र की परमिशन उसके आगे की जो होती हैं यानी कि पाँच छः सात वो बताती है हमारे पास ग्रुप की परमिशन उसके आगे की आठ नौ दस जो आखिरी की तीन होती हैं वो बताती है अदर यूजर की अदर यूजर जो कि ना ही यूजर होता है और ना ही किसी ग्रुप का मेंबर होता है वो होता है अदर ठीक है तो ये आपको समझ में आया अब यहाँ पे जो राहुल लिखा है इसका मतलब ये यूजर है इस फाइल का इको जो फाइल है राहुल इसका यूजर है और जो रूट है ये ग्रुप है इस फाइल का इस तरह से आपको जो भी फाइल दिखेगी उसका यहाँ पे यूजर दिखेगा और एक आपको यहाँ पे ग्रुप दिखेगा जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है राहुल इसका यूज़र है और स्टार्ट क्या है इसका ग्रुप है ये आपको समझ में आ गया अब हम जानते हैं अगर कोई भी हमारी फाइल है फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी राहुल न्यू डॉट टी एक्स टी फाइल है इसका हम ओनर जो है यूज़र जो है वो चेंज करना चाहते हैं अभी ओनर कौन है रूट है लेकिन हम चाहते हैं जो उसका ओनर हो वो हम चेंज कर दें तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए बहुत ईजी कमांड है आपको लिखना है सी एच ओन चेंज ओनरशिप हाइफन सॉरी हाइफन नहीं लगाना आपको सी एच ओन सी एच ओन लगाएंगे आप सी एच ओन लिखने के बाद आपने क्या लिखना है जिस भी यूज़र को आप असाइन करना चाह रहे हो हम असाइन करना चाह रहे हैं राहुल राहुल नाम का इसमें एक यूज़र है और कौन सी फाइल को आप इसमें चेंज करना चाह रहे हो हम चाह रहे हैं राहुल डॉट टी एक्स टी जो एक फ़ाइल है उसका जो यूज़र है वो कौन हो जाए चेंज हो जाए यह है राहुल न्यू सॉरी राहुल न्यू है राहुल कोई फाइल नहीं है यहाँ पर राहुल न्यू डॉट टी एक्स टी ओके तो ये जो फाइल हो गई ये तो फाइल नाम ये तो हमारी फाइल हो गई यानी कि जिस फाइल का ओनर चेंज करना चाहते हैं ओनर किसको रखना चाहते हैं राहुल को एंटर करेंगे अब अगर हम देखेंगे एल एस हाइफन एल करके तो राहुल न्यू डॉट टी एक्स टी थी अब इसका कौन हो गया राहुल हो गया ओनर पहले कौन था राहुल न्यू डॉट टी एक्स टी का रूट था तो इस तरह से किसी भी फाइल का आप ओनर चेंज कर सकते हैं ओनर के साथ साथ अगर आप चाहें आप इसका ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं अभी ग्रुप कौन है रूट है ओके okay, फ्रेंड्स तो हम क्या करते हैं जो राहुल ट्वेंटी टू डॉट टी एक्स टी है इसका ग्रुप भी हम चेंज करते हैं इसको किस में कर देते हैं हम रूट जो ग्रुप है ना इसको हम किसी दूसरे ग्रुप में ऐड कर देते हैं तो चलिए उसके लिए हम कमांड लगाएंगे सी एच ओन कॉलन और अब हमें क्या करना है उस ग्रुप का नाम हम चाहते हैं ये ग्रुप न्यू नाम का जो एक ग्रुप है हमारे पास ग्रुप न्यू नाम का ये उसमें ऐड हो जाए अभी किसमें रूट में है ना हम चाहते हैं ग्रुप न्यू वाले में ऐड हो जाए राहुल ट्वेंटी टू डॉट टी एक्सटी है उसको एंटर मारेंगे अब हम देखते हैं अगर तो इसका जो ग्रुप है वो क्या हो गया टोटली चेंज हो गया है ग्रुप न्यू में आ गया है तो इस तरह से आपने जाना हम किस तरह से किसी भी फाइल को किसी भी उसका ओनर चेंज कर सकते हैं उसका ग्रुप चेंज कर सकते हैं कैसे बहुत ही ईजी तरीके से तो यह आपको समझ में आ गया पर अब हम एक और चीज़ में जानते हैं कि अगर कोई फाइल है हमारे पास मान लीजिए न्यू फाइल ऑफ टी है इसका जो परमिशंस है ओनर की रीड राइट है ठीक है और बाकी के लिए क्या है सिर्फ रीड है हम चाहते हैं जो न्यू फाइल्डो टी एक्स टी है उसकी जो परमिशन है वो सबके लिए क्या हो जाए रीड राइट एग्जीक्यूटेबल सबके लिए रीड राइट एग्जीक्यूट हो जाए ठीक है सब किसी के लिए ऐसा ना हो कि किसी के लिए रीड राइट है किसी के रीड है किसी के रीड है हम चाह रहे हैं सबके लिए हो जाए तो उसके लिए कमांड होती है सी एच मोड क्या कमांड है सी एच मोड आप लिखेंगे और उसके बाद आप क्या चाह रहे हैं कि सबके लिए ही हो जाए क्या लिखना है आपको ए इक्वल्स टू रीड राइट एग्जीक्यूट ए मतलब ऑल सबके लिए हो जाए कौन सी फाइल के लिए बोल रहे हैं न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी जो फाइल है हमारी सॉरी न्यू न्यू फाइल है उसका नाम न्यू न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी अब हम एंटर मारेंगे अब अगर हम इसको देखते हैं तो जो न्यू न्यू फाइल थी कहाँ गई न्यू न्यू फाइल वेयर इज ये य इसकी जो परमिशंस थी वो सबके लिए क्या हो गई रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट एग्जीक्यूट देखा आपने सबके लिए परमिशन उसके लिए सेम हो गई दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी मान लीजिए ये एक न्यू फाइल लेते हैं यहाँ से राहुल न्यू डॉट टी एक्स टी अब हमें क्या करना है इसमें जो ओनर होगा यानी कि जो यूज़र है उसके लिए परमिशन देनी है रीड राइट एग्जीक्यूटिव और जो बाकी लोग हैं उनके लिए क्या देने हैं रीड रीड उनके लिए रीड राइट दोनों देनी है इसके लिए रीड राइट एग्जीक्यूटिव देनी है और अदर्स और ग्रुप के लिए हमें रीड राइट देनी है सिंपली क्या लिखना है सी एच मोड सी एच मोड आपने लिखना है यू यू मतलब होता है यूज़र के लिए यूज़र के लिए क्या परमिशन देनी है आपने यूज़र प्लस रीड राइट एग्जीक्यूट ये देनी है कॉमा अब हमें क्या देना है ग्रुप के लिए क्या देना है और अदर्स के लिए जी ओ ग्रुप और अदर्स ग्रुप और अदर्स के परमिशन देनी है हमें सिर्फ रीड और राइट की ये देना है फाइल नेम देना है हमें ओके राहुल न्यू डॉट टी एक्स टी देते हैं राहुल न्यू डॉट टी एक्स टी अब आपने यहाँ पे देखा सी एच मोड यूजर के लिए रीड एड एग्जीक्यूटिव ग्रुप और अदर्स के लिए रीड राइट कौन सी फाइल के लिए ये एंटर करेंगे अब हम एल एस हाइफन एल ए करते हैं तो यहाँ पे हम देखें राहुल न्यू डॉट टी एक्स टी में रीड राइट एग्जीक्यूटिव हो गई यूज़र के लिए यानी कि ओनर के लिए रीड राइट -right हो गई ग्रुप के लिए और रीड राइट -right हो गई हमारे पास अदर के लिए तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी तरीके से फाइल परमिशन में हम क्या कर सकते हैं चेंजेस कर सकते हैं हम किसी को भी ओनर बना सकते हैं किसी को भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं हम किसी की भी परमिशंस चेंज कर सकते हैं तो बहुत इजी है तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज़र्स को अलग अलग परमिशन दीजिए प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत अच्छे से ये आ जाएगा तो कमांड लाइन पे हम थोड़ा सा और काम करते हैं और जानते हैं कुछ और पैरामीटर्स के बारे में दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको बताया था बाइनरीज होती है हमारे पास ठीक है जो बाइनरीज होती है ना तो बाइनरीज का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं बाइनरीज हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो हमें कुछ एग्जीक्यूट करना तो वो बाइनरीज होती है लेकिन हम बाइनरीज को पढ़ नहीं सकते हमें करना है कैट बिन और पी डब्ल्यू डी अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई बाइनरी फाइल है लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सकते क्या आप इसको पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे तो अगर किसी बाइनरी फाइल को आपने पढ़ना है तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग्स कमांड का, का इस्तेमाल करते हैं हमें क्या करना है स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स लिखना है यहाँ पर हमने और जिस भी फाइल को पढ़ना है जैसे हम यहाँ पर बिन फाइल के अंदर एक फ़ाइल होगी पी नाम की हमें उसे पढ़ना है एंटर मारा तो अब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं स्काई टेस्ट हमें देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से हम सिंपल बहुत सिंपल तरीके स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके किसी भी बाइनरी फाइल को पढ़ सकते हैं तो ये आपको समझ में आया कि स्ट्रिंग का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं काली लाइनिक्स के कुछ टूल्स के बारे में काई लाइनिक्स के कुछ टूल्स यानी कि का काले लाइनिक्स के देखिए काले लाइन में वैसे तो मल्टीपल टूल्स तो होते हैं आपके पासवर्ड क्रैकिंग करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए और या फिर हम बात करते हैं कि अलग अलग फुटप्रिंटिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए तो इस वीडियो में तो आपको काली लाइनिक्स में मैं पूरा हैकिंग नहीं कर करके दिखाऊंगा तो उसके लिए तो वहाँ पर हमारे पास अलग से सीरीज चल ही रही है लेकिन मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल बताऊँगा किस तरह से हम काली लाइनिक्स में पासवर्ड क्रैकिंग करते हैं तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं पासवर्ड ट्रैकिंग टूल के बारे में जिसका नाम है जॉन जॉन द रिपर एक ऐसा पासवर्ड ट्रैकिंग टूल है जो कि बेसिकली कॉम्बिनेशन वर्ड के कॉम्बिनेशन बना के पासवर्ड को क्रैक करता है और ये टूल हमारे जो हैश में होते हैं पासवर्ड यानी कि जो पासवर्ड इंक्रिप्टेड रहते हैं जिसमें हैशिंग रहते हैं इसमें हैशिंग एलग्रिदम का इस्तेमाल करके जिन पासवर्ड को हैशिंग कर दिया जाता है हैश पासवर्ड्स को भी वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का, का, का काम इजीली कर लेता है लेकिन इसमें कुछ दिक्कत यह है अगर जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा या उतना ही ज्यादा टाइम लेगा तो अभी हम सिंपल पासवर्ड रखते हैं एक यूज़र अकाउंट बनाते हैं उसका सिंपल सा पासवर्ड लगाते हैं और देखते हैं किस तरह से काम करता है राइट क्लिक करके हम टर्मिनल ओपन करते हैं यहाँ पर हमें एक यूज़र अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं पहले हमने करा यूज़र ऐट ओके यहाँ पे मैं एक राहुल नाम का पासवर्ड बना अकाउंट बना लेता हूँ ओके okay, तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे ये ओके okay, तो मैं अब दूसरा अकाउंट बनाता हूँ यहाँ पे यूज़र ऐट के जे नाम से मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ Okay, तो मैंने इसका पासवर्ड दे देता हूं इसमें पासवर्ड में सिंपल सा पासवर्ड देता हूँ इसमें वेलकम तो पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली तो अब हमें देखना है क्या ये जो जॉन टूल है ये इसका पासवर्ड गैस कर पाता है क्रैक कर पाता है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें जॉन द रिपर जो टूल है उसको हमें ओपन कर लेते हैं पासवर्ड अटैक्स है यहां पर यहाँ पे जॉन हमने यहां से ओपन कर लिया इसको अब यहाँ पे हमने कमांड क्या लिखनी है यहाँ पे आपने लिखना है जॉन और जैसे कि आपको पता है जितने भी यूजर अकाउंट होते हैं लाइनिंग्स में उनके पासवर्ड्स परस होते हैं शेडो में स्टोर होते हैं तो वहां पे हमें फाइल में जाना है स्लैस ई टी सी स्लैश शेडो यहाँ पे हमें क्या करना है क्लिक करना है अब यहाँ पर क्या करेगा वो एनालाइज करेगा जितने भी यूजर अकाउंट होंगे गए उनको एनालाइज करेगा उसके बाद एक पासवर्ड वहाँ से दिखा देगा तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है देखिए यहाँ पे के जो हमारा अकाउंट था उसने यहाँ पे दिखाया उसका पासवर्ड क्या था वेलकम था अभी क्योंकि मैंने बहुत ही इजी पासवर्ड रखा था इसने बहुत जल्दी गैस कर लिया लेकिन अगर मैं जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखूंगा ये उतना ज्यादा लेट लगेगा तो इस तरीके से आप किसी का भी अकाउंट जो है इस तरह से अकाउंट का क्रैक कर सकते हैं चलिए दूसरा हम अकाउंट क्रिएट करते हैं उसका हम दूसरा पासवर्ड लगाते हैं यूजर एड अब नया हमने बनाया हमने करा न्यू यूजर न्यू यूजर ओके पास डब्लू डी न्यू यूजर इसका हम एक और पासवर्ड देते हैं हम इसका पासवर्ड देते हैं एडमिन डाल देते हैं चलिए एडमिन एडमिन हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली हो चुका है अब हम वापस से स्टूल को चलाते हैं ई टी सी शेडो दोबारा रन कर रहा है अब देखिए इसने इसका भी पासवर्ड क्रैक कर दिया है अब यहाँ पे मैं अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डालूँ एक नया यूज़र बनाता हूँ यूजर एड जे जे पास डब्लू डी जे जे मैं इसका पासवर्ड डालता हूँ एडमिन वन टू थ्री एडमिन वन टू थ्री ओके तो मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ जॉन ई टी सी शेडो अब देखिए यहाँ पे एक हो रहा है प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जैसे ही डाला मैंने डाला एडमिन वन टू थ्री यहाँ पर इसको थोड़ा टाइम लगना स्टार्ट हो गया तो मैंने वही बोला आपको जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाएंगे उतना ही ज्यादा टाइम लेगा तो ये आपके पर्सनल रीजन्स के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि आप जितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड अपने जितने आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके लिए यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा देर लगेगी कि किसी हैकर को उसके या फिर कोई टूल अगर वो इस्तेमाल कर रहा है उसको गैस करने में तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको बहुत टाइम लग रहा है इसको गैस करने के लिए तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से ये पासवर्ड क्रैक कर सकता है हालांकि देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड दे दिया था तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको करने के लिए तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा क्रैक करने के लिए तो चलिए एक और चीज़ हम बाकी हम देखते हैं हम अब स्टैग्नोग्राफी देखते हैं क्या होता है स्टेग्नोग्राफी बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं किसी भी फाइल के पीछे किसी भी पिक्चर के पीछे अपना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को छुपा सकते हैं कोई भी फाइल है कोई भी डॉक्यूमेंट है कोई भी आपका ऑडियो फाइल है उसके पीछे आप एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं छुपा सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से करना है तो अभी मैं अपने विंडोज़ पीसी सी पे चलता हूँ यहाँ पे दोस्तों क्विक स्टैगो को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कोई स्टैगो ओपन हो गया है दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है स्टैग्नोग्राफी से मैंने आपको बताया है, किसी भी पिक्चर के पीछे आप एक इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा सकते हैं जो कि किसी दूसरे पर्सन को नहीं देखेगा ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या करना है कोई इमेज सेलेक्ट कर लेनी है ओपन इमेज से अब यहाँ पे हम कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं अच्छा मिल गई है तो सपोज मैं यहाँ से ये पिक्चर ओपन करता हूँ ओके तो मैंने ऐसे पिक्चर ओपन कर, कर लिए अब यहां पर मैं क्या लिखा जो भी टेक्स्ट मुझे लिखना है सपोज करिए इस पिक्चर के बैकग्राउंड में इस पिक्चर को इस पिक्चर के पीछे छुपा के मैं अपने ए का पिन किसी को भेज रहा हूं ए पिन मेरा वन टू थ्री फाइव सेवन जो भी मेरा पिन है ठीक है वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ठीक है इस तरह से मैंने अपना कुछ भी ए का पिन यहाँ पर छुपा दिया मैं क्या करूँगा हाइड टेक्स्ट अभी क्या हो जाएगा इस पिक्चर के पीछे हाइड हो जाएगा अब मैं क्या करूँगा उसको सेव इमेज अब जहां पे सेव करना हो अब यहां पे मैं इसको कर दूंगा उसका पेज सीक्रेट ठीक है मैंने पे सेव कर दिया इसको अब क्या हुआ यहां पे एक फाइल ओपन होगी सीक्रेट नाम की अब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो नॉर्मल लोगों को तो फाइल दिखेगी लेकिन हमें पता है इस फाइल के पीछे क्या है एक सीक्रेट मैसेज है एटीएम का पिन है तो ये ओपन हो गई है इस इस इमेज के पीछे हमारा बहुत ही सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डेटा है पर उसको हम देखेंगे कैसे बेसिकली ठीक है उसको देखने के लिए भी हमें सेम टूल का इस्तेमाल करेंगे हमें दोबारा से स्टैगो को ओपन करना है और हमें क्या करना है ओपन इमेज और हमें सेम फाइल को इसमें अपलोड करना है जो भी हमने सेव करी थी उसी फाइल को करना है सेव याद रखिएगा ओपन पे क्लिक करते हैं जैसे आप अभी करेंगे आपको यहां पे वो टेक्स्ट आपका दिख जाएगा तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज के पीछे कोई भी अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन छुपा के किसी को भी सेंड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि कोई दूसरा पर्सन ना देखे ठीक है तो ये आपने समझ समझ लिया इस तरह से हम क्विकैगो की मदद से इमेज के पीछे ये सब चीजें छुपाते हैं तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि किस तरह से आप किसी भी एक वेबसाइट का डुप्लीकेट बना सकते हैं एक वेबसाइट की फुल कॉपी कर सकते हैं वो कैसे होता है ठीक है तो अभी जो आपको वीडियो दिखाऊंगा उसमें आप ये देखेंगे किस तरह से अगर कोई भी वेबसाइट हो चाहे फेसबुक हो ट्विटर हो उसकी हम एक डुप्लीकेट वेबसाइट कैसे बना सकते हैं उसकी क्लोन वेबसाइट कैसे बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो फ्रेंड्स हम गूगल पे आ गए हैं यहाँ पे हमने लिखना है एच टी ट्रैक और हमने इस पर एंटर मारना है और सबसे पहला जो लिंक ओपन होगा एस टी टी ट्रैक वेबसाइट कॉपी इसको आपने क्लिक करना है चल रहा है इस एरिया में तो यहाँ पे ये यह पेज ओपन होगा आपके पास अब आपको विंडोज क्ले आपको विंडोज वर्जन पे यहाँ पे क्लिक करना है स्टॉलिंग एस टी टी ट्रैक गो टू तो डाउनलोड सेक्शन नाउ इस पर हमें क्लिक करना है ओके okay, तो यहाँ पे दिखा रहा है हमारा विंडोज़ प्लेटफॉर्म है तो बेसिकली हमें इसका ये वाला वर्जन क्लिक करना है स्पेस में हम क्लिक करते हैं चूज फाइल टू तो डाउनलोड बहुत छोटी सी फाइल है बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है चार एम की फाइल है फ्रेंड्स तो डाउनलोड हो चुके हैं उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं आप नेक्स्ट आई एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट नेक्स्ट ओके सो यहाँ पे आप उसका पाथ दे देंगे जो भी आप जहाँ पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इंस्टॉल एंड ओके सो एक नोटपैड की फाइल ओपन हो गई है उसको हम बंद करते हैं सो so, फिर इस तरह का आपका एक यूज़र इंटरफेस मिलेगा आपको विन एस ट्रैक वेबसाइट कॉपियर का अब यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर तो उसको आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो भी अपना प्रोजेक्ट नेम देना चाहते हैं तो मैं सैम्पल लिखता हूँ महाँ पर एक सैम्पल वेबसाइट यहाँ पे लिख दिया ठीक है प्रोजेक्ट कैटेगरी में कुछ भी चूज़ कर सकते हैं आप कौन सी प्रोजेक्ट कैटेगरी है आपकी तो यहाँ पे आपका लोकेशन नेक्स्ट करेंगे अब उसके बाद आप यहाँ पे वो वेब एड्रेस लिखेंगे यानी कि उस वेबसाइट का आप यहाँ पर यू पेस्ट करेंगे जिस भी वेबसाइट को आप कॉपी करना चाहते हैं फॉर एजुकेशन परपजस और हम यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जो मैं आपको किसी फेमस वेबसाइट को कॉपी करके कर दिखाऊंगा मैं सिर्फ आपको एज सैम्पल बताऊँगा किस तरह से आप किसी वेबसाइट को कॉपी कर सकते हैं अब यहाँ पर जैसे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसका लिंक इस तरह से आप जिस भी वेबसाइट को कॉपी करना चाहते हैं आप उसका लिंक कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करिए बट ध्यान रखिए कि किसी भी वेबसाइट को ऐसे करना इलीगल है इसलिए मैं सिर्फ एजुकेशन परपज़स के लिए मैंने आपको एक सैम्पल एक डेमो वेबसाइट है ये इस पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आप, मिलेंगे आप चाहें तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें डाउनलोड करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड पे तो ठीक है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्रिएट लॉक फाइल्स मेक इंडेक्स लो कंट्रोल लिंक्स बिल्ड एक्सपर्ट्स ओनली इसमें अलग 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 आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे तो आप खुद चेक कर लेना जो भी आपको जिस टाइप की आपको चीज़ डाउनलोड करनी है हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं फिलहाल और नेक्स्ट फिनिश पर क्लिक करते हैं और जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे जो वेबसाइट का पूरा डेटा है ये यह यहाँ पे कॉपी होना स्टार्ट हो गया यानी कि जिस भी वेबसाइट को आप कॉपी कर रहे थे उस वेबसाइट का डेटा यहाँ पे कॉपी होना स्टार्ट हो चुका है अभी फुल कॉपी हो चुका है क्योंकि वेबसाइट इतनी बड़ी नहीं थी छोटी सी वेबसाइट थी आप देख लीजिए ये वेबसाइट थी वो बेसिकली तो ये छोटी सी वेबसाइट थी कॉपी वेबसाइट डेमो ठीक है तो यहाँ पर हम देख सकें ब्राउज मिरर वेबसाइट इस पर हम क्लिक करेंगे जो भी एरर अगर आया होगा तो व्यू एरर लॉग में आप देख सकते हैं इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स सेम एज इट इज़ वेबसाइट जैसी हमने यहाँ पे देखी थी ये थी हमारी वो वेबसाइट और सेम एज इट इज़ वेबसाइट यहाँ पे भी खुल गई यानी कि आपने यानी कि आपने सेम वेबसाइट को क्या करा है कॉपी कर कर लिए इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को कॉपी कर सकते हैं आप ये फ्रेंड्स इतना आप बात का ध्यान रखिएगा कि आप अगर ऐसे कोई भी फेमस वेबसाइट है ऐसा अगर आप, आप सोचें कि मैं फ्लिपकार्ट का कॉपी कर लूँ मैं किसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट कॉपी कर लूँ तो इट इज़ इलीगल है आपके ऊपर केस हो सकता है तो इसीलिए सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से मैंने वीडियो आपको बताई और बताया है किस तरह से काम होता है तो ये बेसिकली एक छोटा सा वीडियो था एक डेमो था और फ्रेंड एक और बात मैं आपको बता दूं अगर आपको उस वेबसाइट की पूरी फाइल आपको देखनी है कि उस पूरी फाइल कहाँ वो कोडिंग किस तरह से लगी अलग अलग पेजेस की पूरी डिटेल चाहिए तो सिंपली आपने क्या करना है आपने माई कंप्यूटर पर जाना है माई कंप्यूटर पर जाने के बाद आपने दिस पी में क्लिक करते हैं हम चलते हैं सिस्टम फाइल्स में सिस्टम फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे माई वेबसाइट नाम का एक फोल्डर आपको दिखेगा इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पे आपको सारी वो वेबसाइट दिख जाएगी उस मतलब जो भी वेबसाइट आपने कॉपी करी उसका पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अब जैसे सैम्पल वेबसाइट हमने नाम दिया था या इसके अंदर जो भी डिटेल होगी उस वेबसाइट के लिए यानी कि उस कोडिंग उसकी हो गई उसकी इमेजेस हो गई या उनके जो पेजेस हैं वो हो गई सो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अब जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे वेलकम डॉट है तो ये वेलकम पेज आपको यहाँ पर उसका दिख रहा है जो हमने वेबसाइट थी हमारी ठीक है उसी तरीके से हमारा जो मेन्यू पेज था वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा उनका

के दिखाऊंगा देन लास्ट में हम जानेंगे पासवर्ड ब्रेकिंग तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानते हैं वर्चुअल नेटवर्किंग क्या होता है देखिए नेटवर्किंग मतलब होता है जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं और उसमें डेटा शेयर करते हैं उसको नेटवर्किंग बोलते हैं तो अगर हम बात करें कि अगर हमें देखिए जो भी दो मशीन है हमारे सिस्टम में हमारे सिस्टम में जैसे एक हमारा ये होस्ट मशीन है और एक हमारी ये नेटवर्क मशीन है ये हमारी काली मशीन है ठीक है अब हम चाह रहे हैं इस ये मशीन हमारी जो मेन मशीन है इससे कम्युनिकेट कर पाए उसके लिए हमें इसमें नेटवर्किंग करनी पड़ती है नेटवर्किंग करने के लिए हमें सिंपली जाना है वी पे वीएम पे जाने के बाद हमें जाना है सेटिंग्स पे सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर पे जाना है नेटवर्क अडेप्टर यहाँ पे देखेगा यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखते हैं ब्रिज नेट होस्ट ओनली जो ब्रिज कनेक्शन है बेसिकली ये तब इस्तेमाल में लाया जाता है यानी कि जब आप अपने फिजिकल नेटवर्क यानी कि जो आपकी मेन मशीन है यानी कि जो आपके जैसे आपकी मेन मशीन विंडोज टेन है आप उस उस आईपी की रेंज यानी कि उस नेटवर्क को अपने वर्चुअल मशीन से जोड़ना चाहते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो मेन मशीन है आपकी जो विंडोज 10 का आईपी है वन नाइनटी है और आप चाहते हैं कि इसी रेंज का आई मेरी वर्चुअल मशीन को ही मिले यानी कि वन नाइनटी मिले तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप ब्रिज कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा इस्तेमाल हम ब्रिज कनेक्शन का तब करते हैं अगर हम अपनी वर्चुअल मशीन को जो हमारे आउटसाइड नेटवर्क है यानी कि जो हमारा आउटसाइड का इथन नेटवर्क है उससे अगर हम

वाया अपने जो मेन मशीन है उसके द्वारा लेकिन आप जो दूसरा नेटवर्क है यानी कि अगर आपके इथरनेट नेटवर्क चल रहा है कोई दूसरा आउटसाइड नेटवर्क चल रहा है तब आप उससे कनेक्ट नहीं हो सकते आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन आप अपने इंटरनेट के अलावा आपकी मेन मशीन के अलावा किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते बट ब्रिज कनेक्शन में ऐसा हो सकता है तीसरा है होस्ट होस्ट कनेक्शन तब इस्तेमाल करते हैं जब आप अपनी मेन वर्चुअल मशीन के अलावा किसी से कोई दूसरा कनेक्शन नहीं रखना चाहते जैसे कि अगर आपने वर्चुअल मशीन अपनी बनाई है तो जो वर्चुअल मशीन आपकी होगी वो सिर्फ जितनी भी वर्चुअल मशीन होगी उसी में उसी में कॉन्टैक्ट करेगी उसी में एक दूसरे से कनेक्ट होगा आपकी मेन मशीन आपकी जो मेन मशीन होगी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट नहीं हो पाएगी इसलिए कभी भी होश मशीन ना रखे जब तक आपको कनेक्शन अगर, आप अगर 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 आपको क्या करना है आपको मेन मशीन से कनेक्शन नहीं चाहिए तो आप होश मशीन कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी मेन मशीन आपकी वर्चुअल मशीन से कनेक्शन करे एक दूसरे से नेटवर्किंग करे तो आप हमेशा ब्रिज का या फिर नेट का इस्तेमाल करेंगे इज डैट क्लियर तो चलिए ये वो वर्चुअल का कांसेप्ट खत्म हुआ तो अब हम जानते हैं बेसिकली लाइव सीडी डी किस तरह से बनाते हैं लाइव सीडी बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा रुफूज़ उसका नाम है रुफूज़ आप जनरली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल क्रोम पर जाके आर यू एफ यू एस आप लिखेंगे रुफूज वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए रुफूज बूटेबल बनाने के लिए और एक आपको चाहिए विंडोज सॉरी आपकी आई एस ओ इमेज काली लाइनिक्स की सिंपली अब हम चलते हैं यहाँ पे हमने क्या करना है रूफ़ूस को इंस्टॉल करना है तो दोस्तों यहाँ से मैं उसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ रूफ़ूज़ को यस करते हैं परमिशन देते हैं उसको यहाँ पे जाने के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपने अपने पेन ड्राइव लगानी है मिनिमम एट जी बी हो तो बहुत अच्छी बात है तो एट जी बी की पेन ड्राइव मैंने यहाँ पे लगा रखी है मास्टर साइंटिस्ट के नाम की तो यहाँ पे आपको क्या करना है आई एस ओ इज सेलेक्ट करनी है बूट सिलेक्शन पे जाके आपने क्या करना है आई एस इमेज सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर मैंने क्या करना है एक सिलेक्शन सेलेक्ट पर गए यहाँ पर क्योंकि मेरी जो आई एस ओ इज है वो मैंने एक फोल्डर में डाली है तो यहाँ पे मैं चलता हूँ ये इमेज है आई एन की इसको ओपन करते हैं यहाँ पे हम हमने क्या करा यहाँ पे इसको सेट कर लिया है यहाँ पे एम बी आर में देखिए पार्टीशन स्कीम इसकी एम बी आर सेलेक्ट हुई है बायो सॉरी यू एफ आई आप चाहें तो जी पी टी पर सेट कर सकते हैं बाई डिफ़ॉल्ट फाइव थर्टी टू में डिफ़ॉल्ट होती है आप उसी में करना है सिंपली आपने करना है स्टार्ट और यस yes करना है ध्यान रखिए जब भी आप इसको अगर आप इसमें इसमें बूटेबल बनाएंगे तो आपका क्या होगा तो बेसिकली आपका जो भी पैनड्राइव में डेटा होगा वो क्या होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है अब यहाँ पे क्या है क्लियरिंग एम बी आर पी बी आर जी बी स्ट्रक्चर या सिंपली आपकी पेनड्राइव को क्या कर रहा है फॉर्मेट कर रहा है और आपकी पेनड्राइव वो बूटेबल बना रहा है कायल इस इस्तेमाल करने के लिए अब ये जब दोस्तों बन जाएगा पूरा पोर्टेबल तो आप सिंपली आपको क्या करना है आपको इस पेनड्राइव को लगाना है अपने कंप्यूटर में और जब आप सिस्टम स्टार्ट होता है वहाँ पर आपको अपने बूट मेन्यू पर जाके इस पेनड्राइव की मदद से मतलब इस पेनड्राइव का ऑप्शन आपको अपने बूट मेन्यू पर दिख जाएगा आपको वहाँ पर जो बेसिकली प्रायरिटी होती है वो अपने

प्रैक्टिकल देखना है तो आप कमेंट में लिखिए मैं आपको दूसरी वीडियोस में बना के दिखा दूंगा तो अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पासवर्ड ब्रेकिंग तो अगर आपके एक काले सिस्टम का पासवर्ड ब्रेक करने आपको कैसे कर सकते हैं ठीक है तो वो हम जानेंगे इसमें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कायल इस मशीन पे यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है आ, इसको रीस्टार्ट करना है जैसे कि अभी हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा जैसे रूट पासवर्ड है हमारा इसका पासवर्ड हम भूल गए फॉर एग्जांपल ठीक है हम इसका पासवर्ड भूल गए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे दिखा रहे हैं इनकरेक्ट पासवर्ड हमें क्या करना है यहाँ पर इसको जो आपका दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है आपको इसको रिस्टार्ट करना है आपने ओके तो यहाँ पर रिस्टार्ट का ऑप्शन आ गया यहाँ पर साइड में देखिएगा यहाँ पर रीस्टार्ट आपको करना है रीस्टार्ट ओके उसके बाद आपको क्या करना है जब ये रिस्टार्ट होगा वहाँ पे उसके बाद हमें इसकी कमांड लाइन पे जाना है ओके फ्रेंड्स तो ये रिस्टार्ट हो रहा है यहाँ पे हमें जाना है एडवांस ऑप्शन पे दो ऑप्शन मिलेंगे काली लाइनिक्स और जे एन यू लाइनिक्स काली जे एन यू लाइनिक्स के हमें जाना है एडवांस ऑप्शन पे इसमें हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ई प्रेस करना है ई प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स हैं जिसको हमें एडिट करना है अब हमें क्या करना है यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा जो कि एक प्रॉमट है यहाँ पे आ रखा है तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं यहाँ पे जाने के बाद आपने कहाँ पे जाना है यहाँ पे लाइनिक्स लिखा है ना यहाँ पे देखिए लाइनिक्स लिखा, लिखा हुआ लाइनिक्स जहाँ पे लिखा हुआ है इसके नीचे वाली लाइन पे आना है आपको और यहाँ पे आपको, आपको आर ओ का ऑप्शन मिलेगा आर ओ आर ओ को आपने ओ को क्या करना है डिलीट करना और यहाँ पे आपने डब्ल्यू लिखना है ओ की जगह क्या लिखना है यहाँ की ओ की जगह आपने लिखना है डब्ल्यू ओके तो डब्ल्यू लिखने के बाद आपने आगे जाना है और जहाँ आई एन आई टी आर डी डॉट जी और जी लिखा है यहां पे आपने लिखना है आई एन आई टी इक्वल्स टू बिन एंड बैश बिन बैश का कमांड लिखना है। और जो क्वाइट स्पलैश यहां पर लिखा है इसको हमने डिलीट कर देना है उसके बाद आपने लिखना है कंट्रोल जेड प्रेस करना है कंट्रोल जेड यहां पे करने के बाद आपका सिस्टम होगा रिबूट अब देखिए यहां पे सिस्टम हमारा रिबूट हो रहा है तो रिबूट होने के बाद हमारे पास सिंपली एक ऑप्शन आएगा रूट और नन का तो यहां पे हमने क्या लिखना है यहां पे हमने अपना रूट का पासवर्ड दोबारा से रीसेट कर देना है तो यहां पे हमने लिखना है पास डब्ल्यू डी एंड रूट ये लिखना है न्यू पासवर्ड सेट करिए यहां पे आप न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं न्यू पासवर्ड आपने हाँ सेट करा और एंटर मारा ठीक है तो यहां पे पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली इसको आपने रिबूट कर लेना है अब यहाँ से तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक एरर आया है कि फेल टू कनेक्ट टू द बस होस्ट इज डाउन फेल टू टॉक टू इन एट डेमोन तो यहाँ पे हमें एक कमांड और चलानी थी जो मैं भूल गया तो यहाँ पे वो कमांड चलानी है ई एक्सई सी यानी कि एक्जीक्यूट की कमांड हमें चलानी है स्पेस देंगे और फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे लिखेंगे एस बिन फॉरवर्ड स्लैश और आपने लिखना है पे आई एन आई टी और एंटर मारना है अब ये क्या होगा बेसिकली ये कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो गई है अब नॉर्मली आपका सिस्टम क्या होगा बूट होगा और जो आपने पासवर्ड सेट करा है उस पासवर्ड से आप इससे लॉगिन कर सकते हैं हमने यहाँ पे रोड लिखना है पासवर्ड लिखना है यहाँ पे हमें और एंटर मारना है अब देखिए किस तरह से आपका पासवर्ड यहाँ पे रीसेट हो चुका है और आपकी काली लाइनिक्स मशीन ओपन हो चुकी है तो देखिए कितना सिंपल है पासवर्ड को रीसेट करना इस तरह से आप किसी का भी पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का लेकिन ये इलीगल है अगर किसी का पासवर्ड कोई प्रॉब्लम में फंसा है तो उसमें आप इसकी हेल्प कर सकते हैं तो यहाँ मैंने आपको बताया आप किस तरह से दूसरों का पासवर्ड या फिर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस फुल ट्यूटोरियल को एंजॉय करने के लिए नया कुछ सीखने के लिए तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कोई आपके क्वेश्चन है कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए वरना हमारे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है आप वहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी या आपको सजेशन है वहाँ पर हमें दे सकते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय